गुड इवनिंग, आप सभी लोगों का आज की क्लास में स्वागत है। कल की क्लास आपकी कैंसिल हो गई थी, उसके लिए सॉरी। फार्मर प्रोटेस्ट के कारण मैं जिस रास्ते से आता हूँ पूरा ब्लॉक था। शुरू करते हैं आज का टॉपिक, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जैसा मैंने लास्ट क्लास में भी आपको बताया था कि ये टॉपिक और नेक्स्ट क्लास का जो टॉपिक है, ये दोनों क्लासे या जो इस नेक्स्ट टू क्लासेस में जो हम चर्चा करेंगे, आने वाले 5-6 क्लासेस में आपकी मदद करेगा और फंडामेंटल है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। आने वाले समय में आप इसकी महत्ता को समझेंगे। कोई भी डाउट हो आप लोग पूछिए, लेकिन मेरा जो सुझाव है, ध्यान से सुनिएगा, बातों को ध्यान से सुनने समझने का प्रयास करिएगा। टॉपिक बहुत आसान है, मुश्किल नहीं है, बस कड़ियों को जोड़ना है। अलग अलग कड़ियां हैं, उन कड़ियों को जोड़ना है। थोड़ा छोटा कहानी भी सुनाऊंगा आपको आज, ताकि कहानी के माध्यम से याद रखने का प्रयास करें। कुछ सवाल भी पूछूंगा, है ना, कुछ क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे। और आज की क्लास से, जैसे मैंने पहले की क्लासेस में बताया था कि जो टॉपिक प्रारंभिक परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से है, मैंने बताया कि ये पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा महत्वपूर्ण है। अब जो टॉपिक हम चर्चा करने जा रहे हैं, इसमें इसकी महत्ता प्रारंभिक परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से भी है और मुख्य परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से है। जो भी संभावनाएं इस टॉपिक से बन सकती हैं, उसको मैंने क्वेश्चंस के फॉर्म में इंक्लूड कर दिया है। एक जो नोट्स में नया एडिशन मैंने किया है आपके लिए, वो ये है कि जो भी 15-20-25 पेज का हम एक नोट्स बना रहे हैं, जो आप यहां पर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, जो मैं आपको अपलोड करके दे रहा हूं, उसमें लास्ट जो पन्ना है, हर क्लास के हर नोट्स के लास्ट पन्ने को हम समरी के रूप में देखेंगे, सारगर्भित तरीके से, ताकि जब रिवीजन करने का टाइम आए तो उस एक पन्ने को आप इस्तेमाल करके, मतलब जल्दी जल्दी देख के आप चीजों को दोहरा पाए। तो लास्ट पे जहां पर समरी लिखा हुआ हो, वो आपके लिए एक तरीके से समझिएगा कि 2-3 बार जब आप इस नोट्स को पढ़ लें, समझदारी बन जाए, तो लगे कि नहीं ये चीजें समझ में आ गई हैं, तो एटलीस्ट लास्ट का जो पन्ना समरी का पन्ना है, उस पन्ने को एक बार जरूर देख लें, तो एक तरीके से ज्यादा बेहतर तरीके से रिविजन कर पाएंगे। चलिए शुरू करता हूं, बीच बीच में सवाल भी पूछूंगा, तो ध्यान रखना है आपको कि अलर्ट रहना है, कुल मिला के अलर्ट रहना है। और वैसे ही रेस्पॉन्ड करेंगे, ए बी सी डी जो भी ऑप्शंस होगा आप लोग बताइएगा, है ना, ताकि मुझे ही पता चले कि समझदारी आप लोगों की बन रही है कि नहीं बन रही। आज का जो टॉपिक है, उस टॉपिक का नाम है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, है ना, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी या महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत, हम इसको ये भी कह सकते हैं, महाद्वीपीय कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट या महाद्वीपीय प्रवाह या विस्थापन। आने वाली क्लासेस में, नेक्स्ट क्लास में इस पे और विस्तार से चर्चा करेंगे। देखिए, ये जो आपके सामने कुछ जगहों के नाम लिखे हुए हैं, या कह सकते हैं महाद्वीपों के नाम है, इसमें एशिया है, अफ्रीका है, नॉर्थ अमेरिका है, साउथ अमेरिका है, अंटार्कटिका है, ये सब महाद्वीप है। जरा सोचिए, है ना, इमेजिन करिए कि ये जितने भी महाद्वीप हैं जो आज आप देख रहे हैं, दक्षिण अमेरिका है, उत्तरी अमेरिका है, अफ्रीका है, विश्व का एक मैप आपके सामने इमेजिन करिए कि विश्व का, वर्ल्ड का एक मैप है और बिखरे हुए हैं महाद्वीप, है ना, विश्व के महाद्वीप बिखरे हुए हैं। जैसे अगर मैं मैप बनाना चाहूं आपको, तो अगर मैं मैप बनाऊं, थोड़ा छोटा बनाते हैं, और आपको भी प्रैक्टिस करना है मैप बनाने का, विश्व के डिस्ट्रीब्यूशन को दिखाने के लिए मैप बनाने की जरूरत पड़ेगी, ठीक है।
और नीचे अंटार्कटिका बना लीजिए। मान लीजिए ये जो है ये कह सकते हैं इसका नाम नॉर्थ अमेरिका है, उत्तरी अमेरिका, ये साउथ अमेरिका है, ये अंटार्कटिका है, ऑस्ट्रेलिया, एशिया, यूरोप। मान लीजिए दुनिया के महत्वपूर्ण जो है वो महाद्वीप है। ये जो टॉपिक है ये इस बात को समझने का प्रयास करता है, ये इस बात को वैज्ञानिक रूप से एक्सप्लेन करने का प्रयास करता है कि क्या ऐसा संभव है, क्या ऐसी संभावनाएं हैं कि कभी ये जो उत्तरी अमेरिका देख रहे हैं, ये दक्षिण अमेरिका देख रहे हैं, क्या कभी ये आपस में इस अफ्रीका और यूरोप से जुड़े हुए थे? क्या ऐसा संभव है कि उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, एशिया, यूरोप, ये सब आपस में जुड़ के एक विशाल महाद्वीप थे, बहुत ज्यादा बड़ा। मतलब इमेजिन करिए कि सब आपस में जुड़े हुए हो, ये अंटार्कटिका भारत से जुड़ा हुआ हो, ये अंटार्कटिका साउथ अमेरिका, यानी कि जितना भी आप महाद्वीप देख रहे हैं वो सब इकट्ठा हो, जुड़ा हुआ हो। क्या ऐसा संभव है? क्या ये पॉसिबल है? इस बात का अध्ययन कुछ लोगों ने करना शुरू किया। 14वीं-15वीं शताब्दी में लोगों ने इसको पढ़ना शुरू किया, एक्सप्लेन करना शुरू किया, विश्व का मैप बनाना शुरू किया कि हाँ ऐसा संभव है कि आज जो महाद्वीप ऐसे बिखरे हुए हैं ये आज से करोड़ों साल पहले है ना, करोड़ों साल पहले, अभी चर्चा करते हैं, सब समय सीमा को देखेंगे, करोड़ों साल पहले ये सब आपस में जुड़े हुए थे, आपस में इनका संयोजन था, ये चिपके हुए थे। ये जो आज हम बिखराव देख रहे हैं ये बिखराव ना होके एक एक लैंडमास था, एक सुपर महाद्वीप था। और कुछ लोगों ने इसके बारे में अध्ययन किया, जो हमारे पास, जिनका अध्ययन जो है विस्तार से हमारे पास उपलब्ध है, उसमें से एक व्यक्ति का नाम है FB टेलर, एक व्यक्ति का नाम है FB टेलर, अभी चर्चा करेंगे। और दूसरे व्यक्ति का नाम है अल्फ्रेड वेगनर। दो लोग हैं, उससे पहले भी बहुत सारे और लोग आए जिन्होंने विश्व का मैप बनाया, और एलटीएस है, काफी सारे लोग आए, उसके बारे में हमको जाना नहीं है क्योंकि उनका कोई बहुत ज्यादा गंभीर साइंटिफिक अध्ययन नहीं है, एक इमेजिनेशन उन्होंने किया कि ऐसा संभव हो सकता है। इन दोनों ने इस विचारधारा पे काम करना शुरू किया कि ये सारे के सारे महाद्वीप आपस में जुड़े हुए थे, ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए थे। FB टेलर ने इसके बारे में सबसे पहले जो प्रकाशित किया, जो लेख प्रकाशित हुआ साइंटिफिक जर्नल्स में, वो 1910 में रहा, 1909-1910 में इन्होंने अपना लेख प्रकाशित किया। अल्फ्रेड वेगनर का जो लेख है वो 1912 में प्रकाशित हुआ। फिर उन्होंने, उनको थोड़ा और ज्ञान बढ़ा, थोड़ा और समझदारी बढ़ी, थोड़ा और एक्सप्लोर किया उन्होंने, तो 1915 में उन्होंने अपने इस सिद्धांत को कहा कि जो ये सारे महाद्वीप आपस में जुड़े हुए थे, 1915 में उन्होंने फिर उसको ठीक किया। प्रथम विश्व युद्ध के बाद कुछ ज्ञान और बढ़ा, थोड़ी अंडरस्टैंडिंग और बढ़ी, तो उस प्रथम विश्व युद्ध के बाद 1922 में उन्होंने दोबारा से अपने सिद्धांत को बेहतर किया। कुल मिला के उन्होंने काफी सारी बात जो है अपने सिद्धांत को लगातार रिफॉर्म करते रहे, क्लियर है, और करते 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 उनका सिद्धांत जो है वो महाद्वीपीय प्रवाह का सिद्धांत जो है वो पॉपुलर हुआ। 1930 में ये अल्फ्रेड वेगनर गुजर जाते हैं, क्लियर है, और गुजरने के बाद उनके अध्ययन को लेके लगातार दुनिया भर में चर्चाएं शुरू होती हैं। इसको एक छोटे से कहानी के माध्यम से समझिए। ये जो व्यक्ति है अल्फ्रेड वेगनर, ये 1880 में पैदा हुए, आपके लिए जरूरी नहीं है, है ना, एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी नहीं है कब पैदा हुए कब गुजरे, मैं बस आपको एक स्टोरी के माध्यम से, ताकि कभी भूले ना, ये चाहता हूं कि आप लोग उस तरीके से इस स्टोरी के माध्यम से इस बात को समझें। ये एक जर्मन वैज्ञानिक है और ये वायुमंडल का अध्ययन करने वाले वैज्ञानिक है, मीटरोलॉजी का इन्होंने अध्ययन किया। 24 साल की उम्र में इन्होंने पीएचडी लिया, मतलब पीएचडी कंप्लीट किया जर्मनी से, जर्मनी के रहने वाले थे, बहुत ही टैलेंटेड थे, काफी रिसर्च ओरिएंटेड इनका माइंड था। तो इन्होंने वायुमंडल का अध्ययन करते 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 इनको समझदारी बढ़ी कि मुझे थोड़ा महाद्वीपों के बारे में भी समझदारी बनानी चाहिए कि कैसे महाद्वीप घूम रहे हैं, क्या स्थिर हैं, क्या एक जगह से दूसरी जगह खिसक रहे हैं, इन सब चीजों के बारे में उनकी उत्सुकता जगी।
जब उनकी उत्सुकता जगी तो लगातार उन्होंने दुनिया भर का में जाना शुरू किया, एक्सपेडिशंस करना शुरू किया। ग्रीनलैंड गए, अंटार्कटिका गए, आर्कटिक गए, दुनिया के अलग अलग क्षेत्रों में लगातार उन सारे एविडेंसेस को, जो सारे दस्तावेज या जो सारे प्रूफ्स जो इस बात को प्रूफ कर सकते हो कि ये जो महाद्वीप है ये सब आपस में पहले कभी जुड़े हुए थे, इसका एविडेंस वो बटोरना शुरू करते हैं और लगातार बटोरते हैं। और बटोरते हैं तो दुनिया के सामने अपना सिद्धांत रख देते हैं 1912 में कि ये सारे के सारे महाद्वीप जुड़े हुए थे। दुनिया को इन्होंने बताया कि ये सब जुड़े हुए थे और इसका नाम उन्होंने रखा पेंजिया, जो आपके सामने लिखा हुआ है, पेंजिया सुपर कॉन्टिनेंट, एक ऐसा विशाल महाद्वीप जो सबको अपने अंदर समेटे हुए है, अफ्रीका, भारत, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप, ये सब आपस में जुड़े हुए हैं, एक विशाल महाद्वीप जिसका नाम उन्होंने रखा पेंजिया और दुनिया के सामने अपना सिद्धांत रख दिया, महाद्वीपीय प्रवाह का सिद्धांत। अब जैसे इन्होंने अपना थ्योरी दिया 1912 में, तो सोचिए कि ये किस चीज के एक्सपर्ट थे। पीएचडी इन्होंने किया था वायुमंडल में और थ्योरी किसकी दे रहे थे, जियोलॉजी की, है ना, भूगर्भ विज्ञान से रिलेटेड पक्षों के बारे में विस्तार से समझा रहे थे। इमेजिन करिए कि एक व्यक्ति जो कि मीटरोलॉजी वायुमंडल का अध्ययन करता है वो जियोलॉजी के बारे में जब थ्योरी देगा तो जियोलॉजी वाले लोगों को लगेगा, उनका ईगो हर्ट कर देगा, उनको लगेगा कि यार ये कैसे कर देगा, ये तो वायुमंडल के एक्सपर्ट है, जो हम नहीं बता पाए वो ये कैसे बता देगा। तो उन्होंने जो सिद्धांत बताए, जो प्रूफ्स उन्होंने दिए, जियोलॉजी के दुनिया भर के एक्सपर्ट्स ने उनका विरोध किया। 1918 के बाद उनका विरोध और भी बढ़ा। वो इसलिए बढ़ा क्योंकि ये जर्मन थे और जर्मनी को माना गया कि ये जर्मन जो है इन्हीं के कारण विश्व युद्ध की स्थिति हुई है। और इस पूरी प्रक्रिया में फ्रांस, ब्रिटेन, कनाडा, यूएसए, इन सब के दुनिया के जो एक्सपर्ट्स थे, जो बेहतर माने जाते थे, इन सब ने इस जर्मन एक्सपर्ट्स का विरोध किया, कहा कि नहीं भाई आप गलत हो, और लगातार इनका विरोध किया। मतलब ये एक सिद्धांत दे रहे हैं, उसको स्वीकार, उसको टेस्ट करने की जगह, उसको वेरीफाई करके देखने की जगह लोग आउटराइटली क्रिटिसाइज कर रहे हैं। साइंटिफिक कम्युनिटी में इससे बड़ा विरोध अल्फ्रेड वेगनर जाना शायद ही किसी को झेलना पड़ा हो। तो लगातार वो विरोध चलता रहा, एक कारण इनका जर्मन होना भी था। बाद में हिटलर का राइज होता है और जब हिटलर का राइज होता है तो हिटलर कहते हैं कि जर्मन प्राइड, तो जर्मन प्राइड के लिए वो इनकी थ्योरी को आगे बढ़ाते हैं। लेकिन लगातार इनका विरोध होता रहा। 1930 में अल्फ्रेड वेगनर गुजर जाते हैं, 1930 में अल्फ्रेड वेगनर गुजर जाते हैं सिर्फ 50 साल की उम्र में, यानी कि एक टैलेंटेड यूथ 1980 में जो जन्म लिया, 1930 में जाके 1880 में जन्म लिया, 1930 में गुजर गया। और 1930 तक इनके सिद्धांत को पूरे साइंटिफिक कम्युनिटी ने अस्वीकार कर दिया, क्रिटिसाइज करते थे, कहते थे कि फिट ऑफ इमेजिनेशन है, एक खाली इमेजिनेशन के माध्यम से इन्होंने एक ऐसा सिद्धांत दे दिया है। बाद में 1930 के बाद जब हिटलर का राइज होता है तो हिटलर को लगता है कि इस सिद्धांत को दुनिया में प्रूफ करना जरूरी है, इससे जर्मन प्राइड बढ़ेगा। तो जर्मन लिटरेचर्स में लगातार इस सिद्धांत को पब्लिश करना शुरू किया जाता है और दुनिया भर में उस पूरी प्रक्रिया में इसका अनुवाद होना शुरू होता है। और 1930 के दशक में दुनिया को पता चलता है कि एक महत्वपूर्ण सिद्धांत किसी व्यक्ति ने दिया। आगे चल के जब द्वितीय विश्व युद्ध खत्म होता है तो अल्फ्रेड वेगनर के द्वारा जो बातें कही गई थी, जो प्रूफ उन्होंने दुनिया भर में जा जाके इकट्ठे किए थे, और उसी प्रक्रिया में वो गुजर भी गए थे 1930 में ग्रीनलैंड में, जब वो इसी महाद्वीपीय प्रवाह के सिद्धांत के लिए कुछ एविडेंसेस बटोर रहे थे, बर्फ की सैंपलिंग कर रहे थे, तो उस पूरी प्रक्रिया में तूफान आया और उसमें वो उसको झेल नहीं पाए और उस पूरी प्रक्रिया में वो गुजर गए। कुछ लोगों को बचाने के लिए गए, राहत सामग्री देने के लिए, लेकिन वो कभी वापस नहीं लौट पाए। बाद में 1940-1945 के बाद, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, जब दुनिया ने देखा कि एक ऐसा भी थ्योरी आया है और जब साक्ष्य जुटाने शुरू हुए तो साक्ष्यों ने इशारा किया कि वेगनर की दिशा में काम करो, वेगनर जो बातें बताई हैं उसकी तरफ सोचो। और इस पूरी प्रक्रिया में वेगनर की बातें तथ्यात्मक रूप से आगे चल के प्रूफ होती हैं, जो तथ्य उन्होंने दिए थे वो प्रूफ होता है। लेकिन उन तथ्यों को अभी चर्चा करेंगे विस्तार से, उन तथ्यों को के लिए उनसे जो पूछा गया कि बताइए कि वो कौन सी ताकत है, फोर्स है, जिसके कारण इतना विशाल महाद्वीप टूटा होगा और आज ऐसी स्थिति में आया, तो उन्होंने जो फोर्स की बात की, जो ताकत थी, जो इसका जिम्मेदार थी कि एक विशाल महाद्वीप टूट के
उसका बिखराव हुआ वो डिस्कार्ड कर दिया गया, उन बातों को स्वीकार नहीं किया गया, लेकिन जो तथ्य उन्होंने पब्लिश किया और जो बातें उन्होंने 1912 में कही कि ये सब आपस में जुड़े हुए थे और ये सब टूटे हैं, ये बात प्रूफ होती है। और आज हम उस जगह पे खड़े हैं या हम उस मोड़ पे खड़े हैं जहां पर साइंस इस बात को स्वीकार करता है, प्लेट विवर्तन की, प्लेट टेक्टोनिक्स, प्लेट टेक्टोन एक पत्थर है, प्लेट है जो लगातार मूव कर रहा है, जो लगातार एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहा है, प्रवाह है उसका। इस बात को आज साइंस ने स्वीकार कर लिया है। तो अल्फ्रेड वेगनर का जो कंट्रीब्यूशन है वो सबसे महत्वपूर्ण है। जहां तक हम जियोमॉर्फोलॉजी की बात कर रहे हैं, अगर हम इस बात को समझ लेंगे, इस बात को बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड कर लेंगे, तो अगली जो क्लास प्लेट विवर्तनिकी की है वो बेहतर तरीके से समझ लेंगे। और अगर इन दोनों को हमने समझ लिया, अल्फ्रेड वेगनर और प्लेट विवर्तनिकी के सिद्धांत, तो पर्वत, पठार, मैदान, ज्वालामुखी, अर्थक्वेक, इन सब को समझना बहुत ही आसान है। क्लियर है? तो एक छोटा सा स्टोरी था कि कैसे इस व्यक्ति ने लगातार संघर्ष किया अपने जीवन काल में, गुजर गए लेकिन किसी ने इनकी बात को स्वीकार नहीं किया। एक व्यक्ति था जिन्होंने इनकी बात को स्वीकार किया था, उस व्यक्ति का नाम था आर्थर होम्स। उसकी आने वाली क्लास में चर्चा करके बताऊंगा कि कैसे उस आर्थर होम्स ने इनके दिशा में सोचना शुरू किया और कैसे फिर एक नया रास्ता बनता है। ठीक है, तो एक ब्रीफली आपको इसकी महत्ता समझाने के संदर्भ में था। अब इस टॉपिक को देखते हैं कि हमको क्या पढ़ना है एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हमको यही समझना है कि ये पेंजिया टूटा कैसे, ये पेंजिया जो है ये टूटा कैसे, टूट के ऐसी स्थिति में आया कैसे, और अगर ऐसी स्थिति में आया और अगर अल्फ्रेड वेगनर बोल रहे हैं कि ये साउथ अमेरिका अफ्रीका से जुड़ा हुआ था, अगर अल्फ्रेड वेगनर ऐसा बोल रहे हैं तो हम स्वीकार कैसे कर लें? स्वीकार करने के लिए कुछ तो तथ्य होने चाहिए। क्या ऐसे तथ्य हैं, क्या एविडेंसेस, क्या प्रूफ उन्होंने दुनिया के सामने रखा जो इस बात को बताता है कि हाँ ये आपस में जुड़े हुए थे। यही स्थिति साउथ अमेरिका की यूरोप के साथ है, यही स्थिति अंटार्कटिका का अफ्रीका के साथ, भारत के साथ जुड़ाव है। लगातार दुनिया भर में घूम घूम के उन्होंने साक्ष्य इकट्ठे किए। तो हमको जो पढ़ना है इस टॉपिक के तहत, उसमें इन पहलुओं को ध्यान देना है, यानी कि हमारा जो विषय वस्तु होगा, जो हमारा फैलाव होगा, उसमें हमको एक तो FB टेलर ने जो बात कही थी, बहुत ही बेसिक बातें थी, उनकी थोड़ी सी परिकल्पना को हमको समझना है। दूसरा जो है, हमको अल्फ्रेड वेगनर के सिद्धांत को देखना है। अल्फ्रेड वेगनर के सिद्धांत पे हम देखेंगे क्या, तो अल्फ्रेड वेगनर के सिद्धांत में हमको इस पेंजिया को देखना है, पेंजिया को समझना है, आसान है, देखेंगे। दूसरा, ये पेंजिया टूटा कैसे और टूटने के बाद ऐसी स्थिति में आया कैसे, तो यहां पर वो अपना कुछ बल की बात करेंगे, कुछ फोर्सेस की बात करेंगे कि वो कौन से फोर्स हैं जिसके कारण ये पेंजिया टूटा। एक विशाल महाद्वीप जो अफ्रीका, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, एशिया सबको अपने अंदर संजोए हुआ था, एक विशाल महाद्वीप, एक सुपर कॉन्टिनेंट, ये टूटा कैसे, तो टूटने के पीछे कौन कौन से बल है, कौन कौन से फोर्सेस रेस्पॉन्सिबल है, इसको देखेंगे। इसके बाद ठीक है, आपने फोर्स की बात कर दी, ये उसको भी देख लेंगे। उसके बाद अगला पहलू है कि वो पक्ष में तर्क क्या है, वो कौन कौन से ऐसे एविडेंसेस देते हैं, वो कौन कौन से ऐसे साक्ष्य देते हैं, कौन देते हैं, अल्फ्रेड वेगनर। हमको कुछ दिमाग नहीं लगाना है, उन्होंने जो साक्ष्य दिया है हमको देखना है कि तर्कसंगत है या नहीं है। तो उनके द्वारा जो भी पक्ष में तर्क दिया गया है, उन सारे तर्कों को हम देखेंगे। ठीक है, ये कुछ 5-6 तर्क है, इसकी चर्चा अभी नहीं कर रहे हैं, क्लास के साथ साथ करेंगे। तो उनके पक्ष में कुछ तर्कों को देखना है कि क्या क्या एविडेंसेस इन्होंने दिया है, तो उन एविडेंसेस को देख लेंगे। इसके अलावा चलिए ठीक है, पक्ष में तर्क है, कुछ बातें होंगी, उन बातों को हम देखेंगे, उन बातों को हम परखेंगे कि जो इनके तर्क हैं वो ठीक है कि नहीं है। ठीक है, जो तर्क ठीक होंगे वो बेहतर है, और अगर जो तर्क इन्होंने दिए हैं, जो साक्ष्य इन्होंने दिए हैं, अगर उनमें कमियां होंगी तो हमको कुछ क्रिटिसिज्म भी करना पड़ेगा। तो हमको जो क्रिटिसिज्म करना है वो क्या करना है, इस सिद्धांत की आलोचना, वो कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जो कमजोर कड़ी है इनके सिद्धांत की, वो कौन कौन से ऐसी कड़ियां हैं जो क्रिटिसिज्म के दायरे में आती है, जिसको प्रूफ नहीं किया जा सकता है, और आज के साइंस के संदर्भ में उन बातों को स्वीकार नहीं किया जा रहा है। कुछ कमियां तो है इनके अंदर, तभी नया थ्योरी आता है आगे चल के, प्लेट विवर्तनिकी का सिद्धांत, तो हमको उन कमियों को भी देखना है। क्लियर है? अगला, जब हम इस सिद्धांत को देख लेंगे तो हमको रुकना नहीं है, इनकी कमियों को स्वीकार करते हुए
आने वाले समय में जो साइंटिस्ट हैं उन कमियों को दूर करने का प्रयास करेंगे। वो देखेंगे कि चलो साक्ष्य अगर है, प्रूफ है कि हाँ महाद्वीप टूटे हैं, लेकिन बल अगर गड़बड़ है, जो बल वेगनर ने बताया अगर वो गड़बड़ है, लेकिन ये बात तो बिल्कुल तथ्यात्मक रूप से ठीक है कि प्लेट टूटे हैं। अब हमको समझना है कि वो कौन कौन से कारण हो सकते हैं। इस बात को आगे चल के प्लेट विवर्तनिकी का सिद्धांत अध्ययन करेगा। तो हम इसमें पोस्ट ड्रिफ्ट स्टडी यानी कि महाद्वीपीय प्रवाह के बाद और कौन कौन से ऐसे अध्ययन हुए हैं जो पूर्णतः इस बात को प्रूफ कर देते हैं कि हाँ प्लेट लगातार मूव कर रहे हैं, लगातार एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। तो हमको उसको भी देखना है। तो देखेंगे यहां पर कन्वेक्शन करंट की थ्योरी है, सी फ्लोर स्प्रेडिंग का कॉन्सेप्ट है और प्लेट विवर्तनिकी का सिद्धांत है, जियोमैग्नेटिज्म है और प्लेट विवर्तनिकी का सिद्धांत है, मैपिंग ऑफ ओशन फ्लोर, इन सब को मिला लेंगे, इन सारे अध्ययन को मिला लेंगे तो हम कहते हैं उसको प्लेट विवर्तनिकी का सिद्धांत। इसकी चर्चा आने वाली क्लासेस में हम विस्तार से करेंगे। क्लियर है? तो हमारा जो विषय वस्तु है उसमें हमको एफबी टेलर, वेगनर, वेगनर का पेंजिया, वेगनर के द्वारा जो फोर्सेज हैं उसकी चर्चा, जो पक्ष में उन्होंने तर्क दिए हैं और उनकी कमियों, इनको हमको स्वीकार करना है, उनको हमको देखना है। ये दायरा है इस टॉपिक का। सवाल जो पूछे जाएंगे, सवाल का दायरा भी यही रहेगा। वेगनर का जो महाद्वीपीय प्रवाह का सिद्धांत है विस्तार से समझाइए या उदाहरण सहित समझाइए, या जो तर्क या साक्ष्य उन्होंने जो बताए हैं उस संदर्भ में वेगनर के सिद्धांत का व्याख्या करें। एक सवाल आ सकता है क्रिटिकली एग्जामिन, आलोचनात्मक परीक्षण करें। तो यहां पर क्या होगा, वेगनर के सिद्धांत को विस्तार से बताते हुए उनके पक्ष में तर्क और उनके विपक्ष में जो तर्क है या उनकी जो कमियां हैं उनके सिद्धांत की, उसको गिना देना है, उसको बता देना है, टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। टॉपिक आसान है, बस हमको इन सारी बातों को ध्यान में रखना है। तो एक समरी के फॉर्म में इसको भी देख सकते हैं कि इस टॉपिक के अंदर इन गूढ़ बातों को हमको समझना है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। अब यहां पर पहला जो पॉइंट है वो है, हमने कहा कि दो लोगों के कंट्रीब्यूशन को देखना है, एफबी टेलर और अल्फ्रेड वेगनर। तो एफबी टेलर के का बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन नहीं देखना है, है ना, बहुत ज्यादा नहीं देखना है। मेन हमको अल्फ्रेड वेगनर को पढ़ना है, क्योंकि एफबी टेलर ने जो बातें कही हैं उसमें बहुत सारी कमियां थी, लेकिन लगातार जो है वो प्रूफ करते रहे कि सबसे पहले मैंने ही बताया कि महाद्वीपों का प्रवाह होता है। अल्फ्रेड वेगनर गुजर गए 1930 में, उसके बाद भी एफबी टेलर बोलते रहे कि पहला सिद्धांत महाद्वीपीय प्रवाह का जो है वो वेगनर ने दिया है, मैंने दिया है, जो बातें वेगनर ने कही है वो ऑलरेडी मैं कह चुका हूं, है ना, ऐसा ये कहते हैं। लेकिन जो काम वेगनर ने किया दुनिया भर में जाके साक्ष्यों को इकट्ठा करने का काम, किसी दूसरे जियोलॉजिस्ट ने किया भी नहीं। एक ऐसा मेट्रोलॉजिस्ट जो जियोलॉजी का अध्ययन नहीं करता था, मेट्रोलॉजी पढ़ता था, वो दुनिया भर की जियोलॉजी का अध्ययन कर करके उसने प्रूफ कर दिया। इनके गुजरने के बाद एफबी टेलर लगातार कहते रहते हैं कि भैया मैंने पहले किया है, मैंने सारी बातें कही हैं जो कि वेगनर के द्वारा कही गई हैं। लेकिन साइंटिफिक कम्युनिटी आज भी जो है अल्फ्रेड वेगनर के सिद्धांत को बेहतर मानती है, क्योंकि उन्होंने बहुत ही विस्तार तरीके से दुनिया भर से एविडेंसेस को खंगाला है। लेकिन शुरुआत तो इन्होंने ही की है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन शुरुआत इन्होंने भी नहीं की है, इससे पहले भी कुछ शुरुआत है। एंटोनियो स्नाइडर है, अब्राहम ऑर्टिलियस है, नाम जरूरी नहीं है, है ना, बस समझाने के लिए कि क्या होता है कि ये इसको ऐसे समझिए कि हम पढ़ाई क्यों करते हैं, हम क्यों पढ़ते हैं, हम इतिहास क्यों पढ़ते हैं, हम पीछे के जो कंट्रीब्यूशंस हैं यानी कि आज से 100 साल 200 साल पहले जो बातें कही गई हैं उनको हम पढ़ने का समझने का प्रयास क्यों करते हैं, ताकि कुछ क्लू मिले, उस समय के बारे में कुछ समझदारी मिले। तो यहां पर एफबी टेलर जब किताबों को खंगाल रहे थे, पढ़ रहे थे, तो उनको एक आइडिया यहां से मिला कि 1596 में एक कार्टोग्राफर थे, नीदरलैंड के, डच कहा जाता है नीदरलैंड के लोगों को, कार्टोग्राफर का मतलब जो मैप बनाते हैं, मैप बनाने वाले लोग या मैप बनाने वाले एक्सपर्ट्स को कार्टोग्राफर कहा जाता है। तो एक कार्टोग्राफर थे, उनका नाम था अब्राहम ऑर्टिलियस। अब्राहम ऑर्टिलियस ने पहली बार एक पॉसिबिलिटी या एक मैप बनाया था जिसमें दुनिया के सारे महाद्वीपों को जोड़ के दिखाया गया था। तो इमेजिन करिए कि कोई एक जियोलॉजिस्ट है, वो एक मैप को देखेगा तो उसको उसको उसके इमेजिनेशन को पर लगेंगे, वो उड़ना शुरू कर देगा कि हाँ यार ऐसा तो हो सकता है। तो ये एक आइडिया जो पहली बार दुनिया में एक ऐसा मैप पब्लिश किया गया था जहां इन सारे महाद्वीपों को आपस में जोड़ के दिखाया गया था, ये काम अब्राहम ऑर्टिलियस के द्वारा किया गया था, जहां पर उन्होंने अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका के महाद्वीपों को आपस में जोड़ के दिखाया गया था। यहां से एफबी टेलर को आइडिया मिलता है कि हाँ ऐसा हो सकता है। 1858 में एंटोनियो स्नाइडर ने
तीनों महाद्वीपों को एक साथ दर्शाते हुए एक मानचित्र बनाया था, दोबारा से वो मैप पब्लिश किया गया था। तो इसका मतलब है कि अलग अलग समय में जो मैप्स बनाए गए हैं उन्होंने जियोलॉजिस्ट्स को ये क्लू दिया कि इस दिशा में सोचिए, ऐसा संभावना है। एफबी टेलर को यहीं से एक आइडिया क्लिक करता है, ठीक है, यहां से वो आइडिया पिक करते हैं और अपना सिद्धांत देते हैं। अब हमको उनके सिद्धांत को विस्तार से पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये है एफबी टेलर, इन्होंने यही कहा था 1910 में, इनका सिद्धांत है कि अमेरिका ने टर्शियरी युग के वलित मतलब महाद्वीपों के क्षैतिज विस्थापन महाद्वीपीय प्रवाह की परिकल्पना का प्रतिपादन किया था। मतलब पहला कह सकते हैं कि महाद्वीपीय प्रवाह का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था, तो एफबी टेलर के द्वारा दिया गया था। यानी कि 1912 में जब अल्फ्रेड वेगनर के द्वारा सिद्धांत दिया जा रहा था उससे पहले इन्होंने चर्चा की थी। अब चर्चा में क्या बात कही थी उसको थोड़ा सा समझ लीजिए, बिल्कुल थोड़ा सा मतलब बहुत ज्यादा विस्तार से उसकी चर्चा नहीं करें क्योंकि आने वाली क्लास में उसको विस्तार से समझेंगे, अभी वो पूरा समझ नहीं आएगा, थोड़ा सा उसको बस हल्का सा, क्योंकि उन्होंने कहा है एफबी टेलर ने टर्शियरी युग के टर्शियरी युग है ना, बस इतना समझिए टर्शियरी युग, क्योंकि अभी हमने युग की भी चर्चा नहीं की है, लेकिन थोड़ा सा समझदारी टर्शियरी युग की, टर्शियरी युग के वलित पर्वतों के वितरण को समझने के लिए महाद्वीपों के क्षैतिज विस्थापन के सिद्धांत के संदर्भ में महाद्वीपीय प्रवाह के की परिकल्पना की थी। तो यहां पर जो पहला शब्दावली आ गया टर्शियरी काल है ना, तो टर्शियरी काल के लिए कुछ नहीं है, बहुत ही आसान है, जैसे हमारी घड़ी है ना, यह हमारा क्लॉक है, ये क्या दिखा रहा है, मिनट या कह सकते हैं सेकंड, अगर इसमें तीन सुई लगा दीजिए तो सेकंड दिखाएगा, मिनट दिखाएगा और आवर दिखाएगा, है ना, सेकंड की सुई है, मिनट की सुई है और घंटे की सुई है। इसको थोड़ा और हम आगे बढ़ाएंगे तो हमारे पास दूसरा कैलेंडर है, कैलेंडर क्या दिखाएगा, कैलेंडर दिन दिखाएगा, एक तारीख, दो तारीख, तीन तारीख, चार तारीख, और कैलेंडर ईयर दिखाएगा, साल दिखाएगा, यही है। 70-75 साल का मानव का जीवन है, मान लीजिए इमेजिन करिए कि पृथ्वी का जीवन जो है इससे करोड़ों साल ज्यादा है ना, 4.5 बिलियन साल पुराना हमारा पृथ्वी है, 4.5 बिलियन साल, तो 4.5 बिलियन में 100 से गुना कर लीजिए है ना, तो ये करोड़ हो जाएगा, ये पृथ्वी का है ना, 100 करोड़ इज इक्वल टू 1 बिलियन, तो इतना मल्टीप्लाई कर लीजिए तो पृथ्वी का उतना उम्र निकल के आ जाएगा कि पृथ्वी इतना पुराना है, इतने करोड़ों साल पुराना हमारा पृथ्वी है। अगर इतना करोड़ों साल हमारा पृथ्वी पुराना है तो पृथ्वी के टाइम को समझने के लिए कि करोड़ों साल पहले पृथ्वी कैसा था और आज पृथ्वी कैसा है, अगर हम सेकेंड, मिनट और आवर की सुई का इस्तेमाल करें तो इमेजिन करिए कितने करोड़ों खरबों जीरो लगाने पड़ेंगे। अगर हम दिन और साल में इसको गिनने की बात करें तो हमेशा करोड़ों करोड़ों साल की बात करनी पड़ेगी कि आज से 500 करोड़ साल पहले, आज से 300 करोड़ साल पहले, आज से 200 करोड़ साल पहले, ऐसा हमको करना पड़ेगा। तो इतने करोड़ों साल के पीरियड के लिए क्या हम कह सकते हैं कि 2021, 2022, 2001 साल और कहां करोड़ों साल, तो इस पीरियड को आंकने के लिए पृथ्वी के इतिहास के लिए एक अलग टाइम का या टाइम स्केल का इस्तेमाल किया जा सकता है या किया जाता है, जिसको कहते हैं जियोलॉजिकल टाइम स्केल। बस सुनिएगा, एकदम विस्तार से आपको जियोलॉजिकल टाइम स्केल समझाएंगे, मतलब पूरी एक क्लास 3 घंटे की चर्चा करेंगे जियोलॉजिकल टाइम स्केल पे। पृथ्वी के इतिहास को समझने के लिए हम एक टाइम स्केल का इस्तेमाल करते हैं, उसका नाम है जियोलॉजिकल टाइम स्केल, है ना। अगर मैं कहूं 2000 साल तो आज से लगभग 20 साल पहले, 2015 इसका मतलब आज से लगभग 5 साल पहले, और 2021 का मतलब है करंट की मैं बात कर रहा हूं। तो इमेजिन करिए ऐसे ही अगर हम बात करते हैं पृथ्वी के इतिहास की, तो ये टर्शियरी काल आप देख रहे हैं, तो टर्शियरी काल का मतलब है सबसे रीसेंट, सबसे नया, सबसे हमारे करीब का, हमारे अभी, मतलब अभी का मतलब ये नहीं है कि कल परसों का है ना, लगभग 60-65-70 मिलियन साल पहले का, इतना पहले है ना, लेकिन पृथ्वी के इतिहास में सबसे नया काल। तो सबसे पृथ्वी का जो नया है, मतलब आज हम जो है उससे 60-70 साल पीछे चले जाइए, तो कुछ विशाल पर्वतों का निर्माण हुआ, जैसे आपने नाम सुना है आल्प्स पर्वत, रॉकीज पर्वत, एंडीज पर्वत, हिमालय पर्वत,
ये सब नए पर्वत हैं, अभी हाल ही में बने हैं, मतलब समझ लिए कि अभी नए हैं, युवा हैं बिल्कुल, है ना। और युवा हैं तो बुजुर्ग भी होंगे। हमारा अरावली पर्वत बुजुर्ग है, घिस घिस गया है बेचारा, लगातार अपरदन होते 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 बेचारा छोटा हो गया है, लेकिन वो हिमालय से भी पहले बना था, मतलब पुराना है। तो नवीन पर्वत यानी कि सबसे नए जो पर्वत अभी बने हैं, उनमें हम हिमालय को गिनती करते हैं, आल्प्स की गिनती करते हैं, हम रॉकीज की गिनती करते हैं, हम एंडीज पर्वत को गिनते हैं। ये सब नवीन वलित पर्वत है। और ये जितने भी नवीन वलित पर्वत है, अगर ध्यान से देखेंगे तो ये महाद्वीपों के पश्चिमी तट पे है, जैसे कि ये अफ्रीका उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी तट पे रॉकीज है, दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट पे एंडीज है, यानी कि इसके इस तरफ सागर है और उसके किनारे पर्वत है, फिर यहां पर आपको पर्वत है और उसके किनारे सागर है। FB टेलर ने इसी का अध्ययन किया कि यार ये पर्वत आ कहां से गया, ये 6000 मीटर ऊंचा पर्वत जमीन से देखो ऊपर 6000 मीटर ऊंचा कैसे उठ गया। तो इन्होंने कहा कि उठने का जरूर कुछ ना कुछ कारण होगा, या तो प्लेटें टकरा गई होंगी या एक दूसरे से दूर गई होंगी, ऐसा कुछ उन्होंने अपनी बात रखी। इन सब के अध्ययन के माध्यम से उन्होंने कहा कि महाद्वीपों का प्रवाह हो रहा है, ठीक है, बस इतना ही हमको ध्यान रखना है। और इस पूरी प्रक्रिया में उन्होंने महाद्वीपीय प्रवाह की परिकल्पना की कि क्षैतिज रूप से जो प्लेट हैं वो एक दूसरे से दूर जा रहे हैं या एक दूसरे से आपस में आके टकरा रहे हैं, और इस पूरी प्रक्रिया में जो है पर्वत श्रृंखलाओं का निर्माण हो रहा है। बात उन्होंने ठीक कही है, लेकिन एविडेंस दो, साक्ष्य दो, फैक्ट इकट्ठा करके लाओ, प्रूफ करके बताओ। वहां पर ये लैग करते हैं, दुनिया में घूमते फिरते नहीं है, बस कह दिए, मैप देखा, मैप देख के इन्होंने कहा कि ऐसा ऐसा हुआ होगा। उनसे पूछा गया कि प्रूफ करो, तो प्रूफ करने के लिए वो कष्ट नहीं उठाते हैं कि जाएं दुनिया में देखा है ना, साउथ अमेरिका जाएं, नॉर्थ अमेरिका जाएं, हिमालय की तरफ आए, है ना, और अध्ययन करके बताएं, तो वो काम कहीं ना कहीं उनसे नहीं होता है। इस पूरी प्रक्रिया में अगला व्यक्ति आता है ना, इस पूरी प्रक्रिया में ये व्यक्ति आता है, इसका नाम है अल्फ्रेड वेगनर, और ये कहीं ना कहीं FB टेलर की कमियों को दूर करता है, यानी कि दुनिया भर में साक्ष्य इकट्ठे करने शुरू करता है कि हाँ ऐसा संभव है। और लगातार ये मेहनत करते हैं और उस पूरी प्रक्रिया में अपनी जान भी गंवा देते हैं। ग्रीनलैंड में एक एक्सपेडिशन में ये गुजर गए थे, है ना, यही साक्ष्य इकट्ठे करते करते। तो यहां पर हमारे लिए, हमारे एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, हमको FB टेलर के बारे में बहुत ज्यादा अध्ययन नहीं करना है, हमको जो अध्ययन करना है वो वेगनर के सिद्धांत को प्रभावी तरीके से समझना है, क्योंकि यहां से आप समझिए कि बात रखी भी गई और बातों को पुष्ट भी किया गया। लगातार 15-20 साल तक ये लगातार साक्ष्य इकट्ठे करते रहे, 1912 में सिद्धांत देने के बाद लगातार प्रूफ करने के लिए 18 साल, वो पूरा अपना जीवन इसी में लगा देते हैं, क्लियर है। इस सिद्धांत इस संदर्भ में वेगनर हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं, इस कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझिएगा, है ना। थोड़ा सा एक और स्टोरी हल्का सा फिर शुरू करते हैं। कल की क्लास में, नेक्स्ट क्लास में और इसको विस्तार से समझाऊंगा, अभी थोड़ा सारगर्भित तरीके से। दुनिया में कोई भी चीज स्थिर नहीं है, हर चीज मूविंग है, कहते हैं ना चलती का नाम गाड़ी है, तो वैसे समझिए कि इस दुनिया में जो भी चीजें हैं वो लगातार मूव कर रही हैं। अगर हम बस में बैठे होते हैं तो बस की खिड़की से देखते हैं तो लगता है बस चल रही है। इमेजिन करिए कि बस, आप एक ऐसी बस में सवार हो जिसमें कोई जर्क नहीं लग रहा हो और जिसमें कोई खिड़कियां ना हो, इमेजिन करिए। और अगर वो बस चल भी रही होगी तो आपको क्या महसूस होगा कि आप चल रहे हैं उस बस के साथ। ऐसा ही कुछ पृथ्वी के साथ है। अगर मान लीजिए कि हम भारत में हैं और भारत में हम दिल्ली में बैठे हैं, तो दिल्ली के उत्तर में देखिए तो 15 हजारों हजार किलोमीटर तक हिमालय के उत्तर में चले जाइए, जमीन ही जमीन है। दक्षिण में चलते चले जाइए, कन्याकुमारी तक जमीन ही जमीन है। पूर्व में चलते चले जाइए, जमीन ही जमीन है। पश्चिम में चलते चले जाइए, जमीन ही जमीन है। अब अगर ऐसे में अगर आप बीच में बैठे हैं और ये पूरा का पूरा एक जहाज मान लीजिए, ये अगर आगे बढ़ भी रहा है तो हमको क्या पता चलेगा कि आगे बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। लेकिन दुनिया का ये सिद्धांत है कि इस सृष्टि का जो रचना हुई है, जो भी ब्रह्मांड बना है और ब्रह्मांड में जो भी वस्तुएं हैं वो लगातार मूव कर रही हैं। कोई भी वस्तु स्थिर नहीं है, कोई भी वस्तु स्थिर नहीं है। ब्रह्मांड की क्लास में विस्तार से चर्चा करेंगे। हर कोई मूव कर रहा है, हर चीजें मूव कर रही हैं, रिलेटिव है, एक दूसरे के संदर्भ में लगातार उनका मूवमेंट हो रहा है।
वेगनर इसी बात को बताते हैं, और वेगनर इस बात को बताते हैं कि दुनिया में जितने भी ये महाद्वीपों को आप देख रहे हैं ये सब आपस में जुड़े हुए थे, और इसका नाम इन्होंने रखा क्या, इसका नाम इन्होंने रखा पेंजिया। क्या नाम रखा? पेंजिया। कि एक विशाल महाद्वीप था, एक सुपर कॉन्टिनेंट था। क्या था? एक सुपर कॉन्टिनेंट था, या आप इसको विशाल महाद्वीप कह सकते हैं, एक विशाल महाद्वीप था जिसका नाम इन्होंने क्या दिया, पेंजिया। अब मान लीजिए कि ये सारे के सारे महाद्वीपों को आप आपस में जोड़ दीजिए, तो मान लीजिए कि मैं कुछ ऐसे इनको आपस में जोड़ के ऐसे बना देता हूं कि ये ऐसे आपस में जुड़ गए, तो उन्होंने कहा कि ये पेंजिया है, ये सब आपस में जुड़े हुए हैं, ये सब पेंजिया है। अब इमेजिन करिए कि ये उत्तरी अमेरिका है, दक्षिणी अमेरिका है, यूरोप है, अफ्रीका है, इनके बीच में एक महासागर है, इस महासागर का क्या नाम है, इस महासागर का नाम है अटलांटिक। क्या नाम है? अटलांटिक महासागर। ऐसे ही अगर हम साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका, उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका को देखते हैं तो इनके पश्चिम में कौन सा महासागर है, प्रशांत, प्रशांत महासागर है। और अगर हम इस भारत की बात करें तो भारत के नीचे दक्षिण में ये कौन सा महासागर है, इसका नाम है हिंद महासागर। इसका मतलब है कि ये जो प्लेट है ये कभी आपस में जुड़े हुए थे, आज जब दूर चले गए हैं तो उनके बीच के क्षेत्र में महासागर आ गया है। क्लियर है? इस पूरी प्रक्रिया में ये तीन महासागर हो गए, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर और हिंद महासागर। इमेजिन करिए कि जब ये कॉन्टिनेंट, ये महाद्वीप आपस में जुड़े हुए रहे होंगे तो इनके चारों तरफ पानी ही पानी रहा होगा। इस पानी को जो आज हम इन तीन महासागरों के नाम से जानते हैं, कभी ये तीनों महासागर एक ही महासागर हुआ करते थे, और इन महाद्वीपों के जो आपस में जुड़े हुए थे उसके चारों तरफ केवल पानी ही पानी था, और इस विशाल महासागर का नाम था पेंथलासा। क्या नाम था? पेंथलासा। तो दो शब्दावली आपके सामने हो गया, पेंजिया और पेंथलासा, यानी कि एक सुपर कॉन्टिनेंट हो गया, उसका नाम हो गया पेंजिया, और दूसरा है पेंथलासा जो इस महाद्वीपों के चारों तरफ एक विशाल महासागर है, एक विशाल महासागर है, सुपर ओशियन है, उसका नाम हो गया पेंथलासा। क्लियर है? तो इन्होंने दो शब्दावली पहले तो बताया, पेंजिया है और पेंथलासा है। ठीक है, आगे ये कहते हैं, आगे इनका कहना है, वेगनर का कहना ये है कि ये जो पेंजिया है ये बिखरता है, ये टूटता है। तो सब पूछते हैं बताइए भैया कब टूटा, कोई तो समय सीमा बताइए। तो यहां पर ये कहते हैं कि लगभग आज से 200 मिलियन साल पहले, आगे इसकी चर्चा करूंगा प्लेट विवर्तनिक के सिद्धांत और जियोलॉजिकल टाइम स्केल में, बस अभी थोड़ा सा कड़ी को समझने का प्रयास करिएगा, है ना, बस कड़ी को समझिएगा, मन में भी सवाल मत आने दीजिएगा, नहीं तो सवाल जैसे ही आएगा समझेंगे नहीं। मुझे मालूम है कि सवाल आ रहे होंगे, लेकिन कुछ मतलब थोड़ा सा कंट्रोल करिएगा सवाल पे, बस जो जो बोलता जा रहा हूं वहां वहां तक ध्यान रखते जाइए। आज से 200 मिलियन साल पहले, 200 मिलियन ईयर्स एगो, ये सुपर कॉन्टिनेंट था जिसका नाम था पेंजिया, और इसके चारों तरफ एक विशाल महासागर था जिसका नाम था पेंथलासा। 200 मिलियन साल के बाद, मतलब 200 मिलियन साल पहले ऐसी स्थिति थी, लेकिन उसके बाद 200 मिलियन साल से थोड़ा कम कर लीजिए, 150 मिलियन साल, 100 मिलियन साल, है ना, इसमें टूटना या बिखराव शुरू होता है, यानी कि ये जो पेंजिया है ये टूटना शुरू करता है, ये क्रैक होना शुरू हो जाता है। क्रैक होने का मतलब है कि अफ्रीका, यूरोप, एशिया, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका का जो क्रैक है, मतलब ये एक दूसरे से टूट के अलग होना शुरू कर देते हैं, और टूटते टूटते धीरे 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 आज की स्थिति में आ जाते हैं। तो ये कहते हैं ये प्रक्रिया कब शुरू हुई, ये 200 मिलियन साल पहले शुरू हुई, और 200 मिलियन साल के बाद धीरे धीरे आज हम इस स्थिति पे पहुंचे हैं। अब सवाल ये उठता है कि अगर हम आज ऐसी स्थिति पे हैं तो आज भी प्रवाह तो रहेगा ही, जैसा मैंने कहा कि सृष्टि का नियम है कि कोई भी चीज स्थिर नहीं है, लगातार मूव कर रही है, और लगातार मूव कर रही है तो ये लगातार मूव कर रहे हैं धीरे 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 करके, अब ये मूव कर रहे हैं तो एक ऐसी स्थिति आएगी जहां पर ये सब दोबारा इकट्ठे हो जाएंगे और दोबारा से एक सुपर कॉन्टिनेंट बनेगा।
दोबारा से एक सुपर कॉन्टिनेंट, ये दोबारा इकट्ठे होंगे, जुड़ेंगे और उसके बाद फिर बिखराव होगा। यानी कि पृथ्वी पे ये प्रक्रिया अनवरत जारी है, टूटना बिखरना फिर जुड़ना फिर टूटना बिखरना फिर जुड़ना फिर टूटना बिखरना फिर जुड़ना। इमेजिन करिए कि अगर 200 मिलियन साल में ऐसा होता है, 200 मिलियन साल का मतलब क्या हो गया, 200 मिलियन, 1 मिलियन में 10 लाख होता है, तो 200 × 10 कर लेंगे तो 2000 लाख, और दो शून्य हटा देंगे तो 20 करोड़ साल। और पृथ्वी का उम्र कितना है, लगभग 4500 करोड़ साल, है ना। तो 20 करोड़ साल में ये प्लेट टूटते हैं, बिखरते हैं, जुड़ते हैं, क्लियर है, ये प्रक्रिया चलती रहती है। तो इमेजिन करिए कि पृथ्वी ऐसे कितनी बार ऐसी प्रक्रियाओं से होके गुजर चुका होगा। यानी कि ये जो प्रक्रिया है इसकी चर्चा आगे करूंगा, विल्सन साइकिल कहते हैं इसको। यहां पर पेंजिया का जुड़ना यानी कि सुपर कॉन्टिनेंट का बनना, टूटना फिर जुड़ना फिर टूटना, ये होता है। इस बात को वैगनर कहते हैं। अब वैगनर कहते क्या है कि पेंजिया है 200 मिलियन साल पहले, आज से 200 मिलियन साल पहले ये एग्जिस्ट करता था, उसके चारों तरफ एक विशाल महासागर था जिसका नाम था पेंथलासा। आगे चल के टूटता है। अब ये मत सवाल पूछिए कि कैसे टूटता है, ये टूटता है और टूटने के बाद ये दो भागों में विभक्त हो जाता है। शुरू में क्रैक पड़ता है, तो क्रैक पड़ेगा तो दो भागों में टूटा मान लीजिए, तो उन्होंने कहा कि जो उत्तरी भाग है इस सुपर कॉन्टिनेंट या पेंजिया का, जो उत्तरी भाग है उसका नाम इन्होंने रखा अंगारा लैंड, या उसका नाम रखा लॉरेशिया, है ना, लॉरेशिया। और जो दक्षिणी भाग है यानी कि स्पेंजिया का जो दक्षिणी हिस्सा है उसका नाम इन्होंने रखा गोंडवाना लैंड। यानी कि जब पेंजिया टूटता है तो टूट के दो भागों में विभक्त होता है, उत्तरी भाग का नाम पड़ गया लॉरेशिया और दक्षिणी भाग का नाम पड़ा आपको गोंडवाना लैंड। आगे चल के ये जो उत्तरी भाग है, उत्तरी भाग मतलब इस महाद्वीप या इस पेंजिया का जो ऊपर वाला हिस्सा है, ये और छोटे छोटे भागों में टूटता है। मान लीजिए कि पेंजिया है, ये पेंजिया टूटा और दो भागों में टूटा, ऊपर वाले को हमने कहा लॉरेशिया और नीचे वाले को हमने कहा गोंडवाना लैंड। गोंडवाना लैंड, ठीक है। आगे चल के ये जो लॉरेशिया है या जो उत्तरी हिस्सा है इस पेंजिया का, ये दोबारा टूटता है और यही टूट के इसका उत्तरी भाग नॉर्थ अमेरिका कहलाता है, इसका बीच वाला भाग यूरोप कहलाता है और इसका पूर्वी भाग आपको एशिया कहलाता है। और गोंडवाना लैंड का जो सबसे पश्चिमी भाग है उस वो भी टूटता है, आगे चल के ये भी ब्रेक होता है, इसका नाम होता है साउथ अमेरिका। बीच वाला जो भाग है उसका नाम होता है अफ्रीका। जो पूरब वाला भाग होता है उसका नाम होता है इंडिया। इसी पूरब वाले भाग का एक हिस्सा टूट जाता है भारत से भी, इसका नाम होता है ऑस्ट्रेलिया। और इसी गोंडवाना लैंड का जो नीचे वाला हिस्सा है यह टूट जाता है और इसका नाम होता है अंटार्कटिका। क्लियर है, इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो पेंजिया है ये टूटता है, दो भागों में विभक्त होता है, एक का नाम पड़ता है लॉरेशिया, दूसरे का नाम पड़ता है गोंडवाना लैंड। आगे चल के इसमें और भी दरारें पड़ती हैं और ये जो उत्तरी लॉरेशिया है या उत्तरी हिस्सा है इस पेंजिया का, ये नॉर्थ अमेरिका, यूरोप और एशिया के नाम से आज के संदर्भ में जाना जाता है। और जो दक्षिणी हिस्सा है गोंडवाना लैंड, इसका पश्चिमी हिस्सा आज का दक्षिणी अमेरिका है, बीच वाला हिस्सा आपको अफ्रीका है और पूर्व वाला हिस्सा भारत है, और इसी भारत से एक और भाग टूटा उसका नाम है ऑस्ट्रेलिया। और जो सबसे दक्षिणी हिस्सा है गोंडवाना लैंड का, उसको आज हम अंटार्कटिका के नाम से जानते हैं। यानी कि आगे चल के लगातार ये जो पेंजिया है जो दो भागों में टूटा था, ये और छोटे छोटे भागों में विभक्त हो रहा है और आगे भी ये प्रक्रिया जारी है। अफ्रीका भी टूट रहा है, अफ्रीका भी ब्रेक हो रहा है, आगे उसका उदाहरणों के माध्यम से देखेंगे समझेंगे। ये स्थिति है, ठीक है। वैगनर ने ये बात कही तो लोगों ने सोचना शुरू किया, ठीक है आप जो कह रहे हैं उस बात को स्वीकार करते हैं। ये इन्होंने कहा कि पेंजिया बना, पेंजिया से उत्तरी हिस्सा लॉरेशिया, नीचे वाला हिस्सा गोंडवाना लैंड बना, और आज उसी लॉरेशिया और गोंडवाना लैंड को हम आज करंट कॉन्टेक्स्ट में इतने सारे महाद्वीपों के नाम से जानते हैं। अब सवाल ये उठता है
क्वेश्चन ये उठता है कि कैसे संभव है, ये हुआ कैसे, ये पेंजिया टूटा कैसे, लॉरेशिया और गोंडवाना लैंड में टूटा, फिर आगे और छोटे छोटे आज के संदर्भ में जो महाद्वीपों को देखते हैं वो छोटे छोटे महाद्वीपों के रूप में टूटा, हुआ कैसे, ऐसा संभव कैसे हुआ, ये सवाल पूछा जाएगा और ये सवाल इनसे पूछा जाता है। इस सवाल का ये उत्तर देने का प्रयास करते हैं इस सिद्धांत, ठीक है। अब इसके उत्तर को देखेंगे, पहले यही है, इस सिद्धांत के माध्यम से वैगनर जो है वो भूगर्भिक इतिहास, पृथ्वी का जो इतिहास है, में हुए जलवायु परिवर्तन की व्याख्या करना चाहते थे। अभी देखेंगे उसको। भूमंडल अनेक क्षेत्रों में भूगर्भिक प्रमाण, मतलब ये कुल मिला के ये जो प्रक्रिया है, पेंजिया टूटा, पेंजिया टूट के लॉरेशिया गोंडवाना लैंड बना और आज का मॉडर्न वर्ल्ड बना, इन सब को ये समझाना चाहते हैं। और समझाना चाहते हैं तो कैसे समझाएंगे, तो मालूम है कि हमने बताया था कि किस चीज के एक्सपर्ट है, मेट्रोलॉजिस्ट है, जलवायु के एक्सपर्ट्स हैं। अब जलवायु के एक्सपर्ट्स हैं तो थोड़ा सा दो तीन चीजें, जलवायु की क्लास हम लोगों ने नहीं की है, कुछ उदाहरणों के माध्यम से आपको समझाते हैं ताकि विस्तार से जब उन टॉपिक्स को समझें तो आप इसको समझ पाएं। इमेजिन करिए कि शिमला है या लेह है और लद्दाख है ना, शिमला है, लेह लद्दाख है, मान लीजिए ये क्या है, ठंडे जगह है, क्या है, ठंडे जगह है, ठंडे जगह है, तो यहां बर्फ जमी रहती है, साल के कुछ महीने तो रहती ही है ना। अगर साल के कुछ महीने बर्फ जमा होगी तो इमेजिन करिए कि बर्फ है और बर्फ पिघलेगा भी, और बर्फ पिघलेगा तो वो जब पानी के रूप में नीचे बहेगा तो बहुत प्रकार की स्थलाकृतियों का निर्माण करेगा। जो बर्फ है, अगर किसी, इमेजिन करिए कि कोई बर्फ है, मत करिए हम ही कर देते हैं, मान लीजिए ये पहाड़ है और यहां पर बर्फ जमी हुई है, अगर ये बर्फ जमी हुई है तो इमेजिन करिए कि ढाल पे ये बर्फ नीचे भी तो आएगी, और ढाल के साथ जैसे जैसे बर्फ नीचे आएगी इस स्थलाकृतियों को कुरेदते हुए आगे बढ़ेगी। अब मान लीजिए कि बर्फ है, मान लीजिए कि 10-15 किलोमीटर लंबा ये बर्फ है और एक ढाल पे जम गया है और इतना वजन है और ये ढाल पे है, तो डेफिनेटली धीरे धीरे करके नीचे आएगा, और नीचे आएगा तो लगातार इस सतह को कुरेदेगा, और कुरेदेगा तो कुछ स्थलाकृतियों का निर्माण करेगा। आगे चर्चा करेंगे कि बर्फ या हिमानी के द्वारा क्या क्या स्थलाकृतियां बनाई जाती हैं। जब जियोलॉजिस्ट या क्लाइमेट के जो एक्सपर्ट्स हैं जब इस जगह पे जाएंगे और देखेंगे कि ये जो कुरेदा हुआ सा स्थलाकृति है वो कैसे बना, तो उसके बारे में वो बड़े आराम से बता सकते हैं कि ऐसा हिमानी के द्वारा बनाया जाता है। अगर यहां पर वायु के द्वारा कोई स्थलाकृतियां का अपरदन करके बनाया जाता तो हमको मालूम होता कि वायु के द्वारा ऐसा किया जाता है। नदी के द्वारा अगर किया जाता तो हमको मालूम होता कि नदी किस प्रकार के अपरदन की प्रक्रियाएं करती हैं, आगे क्लास में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो जियोलॉजिस्ट इन सब चीजों का अध्ययन करते हैं और अध्ययन करके देखते हैं कि वहां पर जो स्थलाकृतियां हैं वो किनके द्वारा बनाई गई हैं। अब जरा थोड़ा सा इसके बारे में सोचिएगा, है ना, थोड़ा सोचिएगा तो समझ में आएगा। ये इमेजिन करिए कि आज जो अफ्रीका है, अफ्रीका यानी कि ये वाला जो लोकेशन देख रहे हैं, इस अफ्रीका का अगर हम ये बीच वाला हिस्सा बनाए, ये यहां से, तो यहां से 0 डिग्री या विषुवत रेखा होके गुजरती है। कौन सी रेखा? विषुवत रेखा, विषुवत रेखा होके गुजरती है। विषुवत रेखा का मतलब क्या हो गया? विषुवत रेखा का मतलब हो गया गर्मी, साल भर यहां गर्मी पड़ती रहेगी, साल भर यहां गर्मी रहेगी। विषुवत रेखा के आसपास हम लोगों ने शुरुआती क्लास में भी देखा है ना कि यहां पर इंसुलेशन ज्यादा होगा, सूर्य उत्तरायण और दक्षिणायन होते हैं तो 21 मार्च और 23 सितंबर को सीधे यहां पर पड़ते हैं, तो इसका मतलब है कि यहां गर्माहट रहेगी। अब अगर यहां गर्माहट रहती है और अगर जलवायु के एक्सपर्ट्स जो है वो इस एरिया का अध्ययन करने जाए, अफ्रीका का, विषुवत रेखा का, और विषुवत रेखा पे देखें कि यहां पर तो हमको हिमानी के अवशेष मिल रहे हैं या हिमानी स्थलाकृतियों के अवशेष मिल रहे हैं, हिमानी स्थलाकृतियां हिम के द्वारा यानी कि बर्फ के द्वारा यहां पर स्थलाकृतियों का निर्माण हुआ है, जैसे मैं आपको यहां पर बता रहा था
यहां से स्लोप से ये पूरा का पूरा बर्फ नीचे आया, लगातार कुरेदते हुए गया, तो एक प्रकार की स्थलाकृतियों का निर्माण किया। अब सवाल यह उठता है कि विषुवत रेखा पे हिमानी स्थलाकृति कैसे, विषुवत रेखा पे ऐसा स्थलाकृति कैसे बन गया, सवाल मन में आएगा। अगर यहां पर बर्फ है तो ये विषुवत रेखा यानी कि गर्म जगह है, यहां पर बर्फ कैसे पहुंचा? तो दो चीजें हो सकती हैं, या तो ये जो जगह है विषुवत रेखा जहां पर है, यहां पर विषुवत रेखा पे गर्मी की जगह ठंडी पड़नी शुरू हो जाए, विषुवत रेखा पे गर्मी की जगह ठंड पड़नी शुरू हो जाए, और ध्रुवीय क्षेत्रों में ठंड की जगह गर्मी पड़नी शुरू हो जाए, एक ऐसी संभावना। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है, क्यों? क्योंकि सूर्य की किरणें यहां पर सीधी पड़ती हैं, तो ऐसा नहीं हो सकता है कि विषुवत रेखा पे ठंड पड़ेगी और ध्रुवीय क्षेत्रों पे गर्मी पड़ेगी, ऐसा संभव नहीं है। इसका मतलब है कि हम इस बात को स्वीकार नहीं कर सकते हैं कि ये जो सूर्य है ये यहां पर कभी कभी ठंडक कर देते हैं जब इनकी किरणें सीधी पड़ती हैं, और कभी यहां पर इनकी किरणें टेढ़ी पड़ती हैं, ऐसा हमको कोई भी एविडेंस नहीं मिलता है। इसका मतलब है कि यहां पर जो किरणें लंबवत पड़ती हैं साल में 2 बार, उस पूरी प्रक्रिया में विषुवत रेखा को गर्म रखती हैं। तो यहां पर ऐसा नहीं है कि विषुवत रेखा कभी गर्म हो जाएगा और कभी ठंडा हो जाएगा, है ना, कि कभी सूर्य की किरणें तिरछी पड़ेंगी और कभी यहां पर सीधी पड़ेंगी, ये कारण नहीं है। तो क्या कारण हो सकता है? तो क्या हम ये कह सकते हैं कि कभी ये अफ्रीका जो यहां पर है इसको उठाइए और ला के दक्षिण अमेरिका के पास रख दीजिए, या इसको उठा के अंटार्कटिका के पास रख दीजिए, और अंटार्कटिका के पास रख दीजिए, तो धीरे 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 चलते चलते आज वो यहां आ गया। तो इसका मतलब है कि जब कभी यहां पर रहा होगा, अंटार्कटिका के पास रहा होगा, तो इस पूरे क्षेत्र पे लगातार चारों तरफ बर्फ ही बर्फ जमा हुआ होगा, और जब हम उन धीरे धीरे करके भूगर्भिक इतिहास को खंगालने के लिए पृथ्वी के भूगर्भ में जब हम अध्ययन करते हैं, मिट्टी हटाते हैं, तो हमको ऐसे हिमानी स्थलाकृति का जब उदाहरण मिलता है, तो मन में यही सवाल उठता है कि क्या ये विषुवत रेखा पे कभी ठंड पड़ती थी, या ये जगह कभी ठंडे इलाके में था और आज अपने आप को विषुवत रेखा के पास पहुंचा पाया है। तो यहां पर एल्फ्रेड वेगनर जब इन सब चीजों का अध्ययन करते हैं, तो देखते हैं कि भारत है, भारत में अगर हम प्रायद्वीपी पठार को देखते हैं, प्रायद्वीपी पठार का मतलब है आज का महाराष्ट्र, कर्नाटका, तेलंगाना का क्षेत्र, जब हम इन क्षेत्रों को देखते हैं तो हमको यहां पर बर्फ के अवशेष मिलते हैं, बर्फ के द्वारा निर्मित स्थलाकृतियों के अवशेष मिलते हैं, हमको ऐसे जीव जीव और ऐसे जीवाश्म मिलते हैं जो ठंडे इलाकों में रहते हैं। तो सवाल यही उठता है कि क्या भारत जो कर्क रेखा के पास अवस्थित है, क्या कर्क रेखा पे कभी ठंडी पड़ती थी, या कभी भारत ठंडे इलाकों में था और धीरे 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 प्रवाह करते करते यहां पर पहुंच गया। तो दुनिया भर में इस बात को स्वीकार किया गया है कि जो जलवायु के क्षेत्र हैं या जलवायु के कटिबंध हैं, मतलब ठंडे इलाकों में गर्मी पड़ना, गर्म इलाकों में ठंडी पड़ना, ऐसा नहीं देखा गया है। विषुवत रेखा पे लगातार गर्मी पड़ती है, ध्रुवी इलाकों पे लगातार ठंडी पड़ती है, ऐसा नहीं है कि ध्रुवी क्षेत्रों पे गर्मी पड़ने लग गई और विषुवती रेखा क्षेत्रों पे जो है वो ठंडी पड़नी शुरू हो गई, ऐसा नहीं देखा गया है। कभी भी जलवायु के प्रदेश शिफ्ट नहीं हुए हैं, जो जहां पर है वहीं पर है। इसका मतलब ये है कि अगर जलवायु के प्रदेश शिफ्ट नहीं हुए हैं, वो वैसे ही हैं, तो जगह शिफ्ट हुए हैं। भारत कभी दक्षिण में था, अंटार्कटिका के पास था, और आज कर्क रेखा के पास आ गया है। वैगनर ने इसी बात को स्वीकार किया। वैगनर ने कहा कि जलवायु का जब हम अध्ययन करते हैं, दुनिया भर के जलवायु प्रदेशों का अध्ययन करते हैं, तो हम देखते हैं कि जलवायु प्रदेश इधर उधर नहीं जाते हैं, विषुवत रेखा ही रहता है, ध्रुवीय क्षेत्र ही रहता है, ठंडी ध्रुवीय क्षेत्रों पे और गर्मी विषुवत रेखा पे लगातार ऐसी स्थिति है, कभी उसमें बदलाव नहीं हुआ है। तो इसका मतलब है कि कभी कोई जगह ठंडे इलाकों से गर्म जगह पे पहुंच जाता है, कभी गर्म जगह से ठंडे इलाकों पे पहुंच जाता है। वेगनर इस बात को स्वीकार करते हैं। अब जब इस बात को स्वीकार करते हैं, तो सवाल यह उठता है कि भारत जिसका एरिया है 32,87,287 स्क्वायर किलोमीटर, 32 लाख किलोमीटर बड़ा एक ऐसा स्क्वायर किलोमीटर लंबा एक क्षेत्र जो कभी दक्षिण में था, अंटार्कटिका के पास था, और आज हजारों किलोमीटर दूर ये उत्तर में अवस्थित है या कर्क रेखा के पास अवस्थित है, सवाल उठता है कि आपकी बात को चलो स्वीकार कर ले वेगनर की बात को, तो बताइए वो कौन सा बल रेस्पॉन्सिबल है। क्लियर है? तो यहां पर वेगनर जो है वो इसी बात को कहते हैं, इसी बात को बताते हैं। वेगनर की जो बात है वो यही है कि
इस सिद्धांत के माध्यम से उन्होंने यही बताया कि भूगर्भिक इतिहास में हुए जलवायु परिवर्तन, जो भी जलवायु का परिवर्तन हुआ है, भारत अलग अलग जलवायु कभी ठंडी कभी गर्मी से होकर गुजरा है, तो भूमंडल पर अनेक क्षेत्रों में ऐसे भूगर्भिक प्रमाण मिलते हैं। साउथ अमेरिका में, अंटार्कटिका में, ऑस्ट्रेलिया में हमको ऐसे प्रमाण मिलते हैं जो इस बात को बताते हैं कि कभी ये क्षेत्र गर्म इलाकों में रहे होंगे। जैसे एक उदाहरण देते हैं, अभी आगे भी उसकी चर्चा करेंगे। अंटार्कटिका में कोयला मिलता है, अंटार्कटिका में कोल रिसोर्सेज हैं। आर्कटिक के क्षेत्र में, अंटार्कटिका का मतलब ठंडा जगह, और आर्कटिक के क्षेत्र में ऑयल मिलता है। ऑयल बनने के लिए और कोयला बनने के लिए गर्म जगहें चाहिए, ठंडे जगहों में कोयला नहीं बन सकता है। कोयला बनने के लिए पेड़ पौधों का मिट्टी के नीचे दबना जरूरी है, और अत्यधिक हाई दाब या बहुत ज्यादा दबाव और तापमान का होना जरूरी है, जिसके कारण धीरे धीरे करके लकड़ी कोयला बनने की प्रक्रिया की तरफ बढ़ती है। अंटार्कटिका में जितनी ठंड पड़ती है और वहां पर किसी भी प्रकार का कोई वेजिटेशन नहीं पाया जाता है, पेड़ पौधे नहीं है, तो ऐसी स्थिति में कोयला बनने के लिए रॉ मटेरियल कैसे आया, यानी कि वो लकड़ियां कहां से आई। तो इसका मतलब है कि आज का जो अंटार्कटिका, जहां पर पेड़ पौधे नहीं होते हैं, पेड़ होते ही नहीं है, तो इसका मतलब है कि कभी अंटार्कटिका ऐसे गर्म स्थान पर रहा होगा जहां खूब वेजिटेशन रहा होगा, खूब वनस्पति रहा होगा, और किसी भी उथल पुथल के द्वारा कोई उल्का पिंड आके पृथ्वी से टकरा गई, उस पूरी प्रक्रिया में वो पेड़ पौधे नष्ट हो गए होंगे और वो जमीन के नीचे धीरे धीरे करके मिट्टी में दब गए होंगे, और वही आज हमको कोयले के रूप में नजर आते हैं। लेकिन अंटार्कटिका में बर्फी बर्फ है, वहां पेड़ पौधे नहीं है, तो इसका मतलब है कि कभी अंटार्कटिका में पेड़ पौधे रहे होंगे, और पेड़ पौधे रहने का मतलब क्या हो गया कि कभी अंटार्कटिका गर्म जगह पे रहा होगा। तो बहुत सारे ऐसे उदाहरण मिलते हैं जो इस बात को बताते हैं कि ये कैसे, अंटार्कटिका में कोयला कैसे। तो इस बात की व्याख्या इसी रूप में हो सकती है कि आज का अंटार्कटिका जहां पर है, पहले वहां पर नहीं था, पहले वो किसी गर्म जगह पे था, विषुवत रेखा के पास रहा होगा, जहां खूब वनस्पति रही होगी, मिट्टी के नीचे दब गया होगा, धीरे धीरे कोयला बन गया होगा, और धीरे धीरे अंटार्कटिका भी दक्षिण की तरफ शिफ्ट हुआ होगा। क्लियर है? तो यहां पर यही ये बताते हैं कि एक स्थान पे अलग अलग समय में जलवायु परिवर्तन हुए हैं। अब जलवायु परिवर्तन हुए हैं तो ये कहते हैं कि दो ही संभावनाएं हैं, दो ही पॉसिबिलिटी है, या तो जलवायु कटिबंधों का स्थानांतरण हुआ हो, कर्क रेखा जो है, जो 23.5 डिग्री पे कर्क रेखा है, जहां पर खूब गर्मी पड़ती है, वो शिफ्ट होके 90 डिग्री पे पहुंच जाए, और 90 डिग्री पे जो अत्यधिक ठंड होता है वो शिफ्ट होके विषुवत रेखा पे आ जाए, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो एक तो कारण ये हो सकता है कि जलवायु के जो कटिबंध है उनका स्थानांतरण हुआ होगा, विषुवत रेखा 0 डिग्री का 90 डिग्री पे स्थापित, और 90 डिग्री 0 डिग्री पे स्थापित हो गया होगा, लेकिन ऐसा कोई प्रमाण हमको नहीं मिलता है। तो दूसरा वो कहते हैं कि या तो ये होगा कारण, नहीं तो दूसरा कारण ये होगा कि जो आज के स्थल भाग हैं उनका स्थानांतरण हुआ होगा, वो आज जहां पर हैं पहले वहां पर नहीं होंगे, पहले कहीं और होंगे, तभी ऐसा संभव है कि अलग अलग प्रकार के, या प्रायद्वीपीय पठार में भारत में बर्फ के या बर्फ के द्वारा बनाए गए स्थलाकृतियों के उदाहरण मिलते हैं। क्लियर है? तो यहां पर दो चीजों के बारे में चर्चा करते हैं अल्फ्रेड वेगनर, और पहली बात को अस्वीकार कर देते हैं, वो कहते हैं कि ये पॉसिबल नहीं है, और दुनिया का कोई भी क्लाइमेटोलॉजिस्ट इस बात को स्वीकार नहीं करेगा क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है। तो संभावना क्या रह जाती है? स्थल भागों का स्थानांतरण हुआ होगा, यानी कि जो प्लेट है, जो आज हम महाद्वीप देख रहे हैं, वो महाद्वीप पहले किसी और स्थान पर रहे होंगे। तो इसके माध्यम से, यानी कि पृथ्वी के जलवायु का अध्ययन करके, या इन स्थलाकृतियों में, भारत में, एशिया में, यूरोप में, इन स्थलाकृतियों उनकी जलवायु का अध्ययन करके वो इस निर्णय तक पहुंचते हैं कि ये कारण नहीं है, स्थल भागों का स्थानांतरण हुआ होगा। क्लियर है? तो यहां पर इन्होंने इस बात को प्रूफ किया, और इस बात को प्रूफ करने के बाद ये तर्क रखा, और तर्क रखने के बाद इन्होंने अपनी बात रखी कि प्लेट मूव कर रहे हैं, जगहों का स्थानांतरण हो रहा है, भारत एक जगह से छोड़ के दूसरी जगह की तरफ मूव कर रहा है। क्लियर है? तो यहां पर अपनी परिकल्पना रखते हैं, और उस पूरी प्रक्रिया में बताते हैं कि पेंजिया है ना, पूरी प्रक्रिया में बताते हैं पेंजिया। तो पेंजिया के बारे में यही कहते हैं कि आज से लगभग 200 मिलियन साल पहले, 237 है, 200 मिलियन साल पहले एक विशाल महाद्वीप था जिसका नाम था पेंजिया। ये पेंजिया टूटना शुरू होता है ना, लगभग 195 मिलियन साल पहले जो है इसमें टूटना शुरू होता है। उत्तरी भाग को हम कहते हैं लॉरेशिया,
सबसे ऊपर वाले हिस्से को हम कहते हैं लॉरेशिया और नीचे वाले हिस्से को हम कहते हैं आपको गोंडवाना लैंड, लॉरेशिया और गोंडवाना लैंड। आगे चल के लगभग आज से 150 मिलियन साल पहले ये लॉरेशिया और गोंडवाना लैंड भी आपस में टूटना शुरू करते हैं। उत्तरी अमेरिका है, यूरोप है ना, एशिया है, यूरेशिया मतलब यूरोप और एशिया। जो दक्षिणी वाला हिस्सा है यानी कि जो गोंडवाना लैंड है वो भी टूटता है, साउथ अफ्रीका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, भारत, इन सब में टूटता है। और आज जो मॉडर्न टाइम है, आज का जो टाइम है उसमें हम इन महाद्वीपों को देखते हैं, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, एशिया, भारत, ऑस्ट्रेलिया, ये सब स्थापित हैं। लेकिन इन सब की स्टोरी क्या है, ये सब कभी एक दूसरे से आपस में जुड़े हुए थे, जिसका नाम है पेंजिया। तो ये अपनी परिकल्पना में जो है पहली बात कहते हैं कि कभी दुनिया में आज से 200-250 मिलियन साल पहले एक विशाल महाद्वीप था जिसका नाम था पेंजिया। अब सवाल उठता है कि ये जो यात्रा है पेंजिया के टूटने की, लगातार टूट के आज की स्थिति में आने के लिए, तो उनसे कहा जाता है कि बल बताइए। तो वहां पर ये बल की चर्चा करते हैं, वो कौन सा फोर्स है, वो कौन सा प्रवाह का बल है जिसके कारण ये पेंजिया टूटा और आज की स्थिति में आया। तो पेंजिया के बारे में मैंने ऑलरेडी आपके साथ चर्चा किया है, बताया आपको कि अल्फ्रेड वेगनर के अनुसार लगभग 200 मिलियन साल पहले, 250 मिलियन साल लिखा हुआ है तो 300 मिलियन कर लीजिए कि 300 मिलियन साल या 250 मिलियन साल पहले पेंजिया एक बड़ा जलराशि था, पेंजिया एक सुपर कॉन्टिनेंट था और चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ था जिसका नाम था पेंथलासा, है ना, से घिरा हुआ एक विशाल भूभाग था। इसमें पृथ्वी की आंतरिक ऊष्मा के कारण विखंडन शुरू हुआ। पेंजिया का विभंजन कार्बोनिफेरस युग से प्रारंभ होता है। अब ये कार्बोनिफेरस, ये सब चीजें, टर्शरी, ये सब चीजें भूल जाइए, अभी इसकी चर्चा जब आगे करेंगे तो देखेंगे कि कार्बोनिफेरस क्या होता है, है ना, प्री कैम्ब्रियन, कैम्ब्रियन, ऑर्डोविशियन, सिलूरियन, डेबोनियन, कार्बोनिफेरस, ट्राइसिक, जुरासिक। तो ये कार्बोनिफेरस की बात कर रहे हैं, कार्बोनिफेरस, ट्राइसिक, जुरासिक, क्रिटेशियस, ईओसीन, ओलिगोसीन, मायोसीन, प्लाइस्टोसीन, होलोसीन, ये पीरियड है, अलग अलग पीरियड है, इसकी चर्चा मैं आगे करूंगा तो आप समझ लेंगे। अभी यहां पर कार्बोनिफेरस लिख दिया है ताकि जब सेकेंड रिविजन करें तो आपको लगे कि हाँ हाँ अब मुझे ये शब्दावली समझ में आती है। अभी इसकी चर्चा नहीं कर रहा हूं, बस इतना समझिए कार्बोनिफेरस एक ऐसा युग है जब कोयले का निर्माण होता है, कोयला बनना शुरू होता है। दुनिया भर में जो भी कोयले पाए जाते हैं वो इस कार्बोनिफेरस काल से जुड़ा हुआ है। इसकी चर्चा आगे जियोलॉजिकल टाइम स्केल में करेंगे। तो कुल मिला के कहते हैं कि पेंजिया था और पेंजिया चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ था, उसका नाम था पेंथलासा। बाद में ये पेंजिया टूटता है और टूट के उसका विखंडन होना शुरू हो जाता है और आज ऐसी स्थिति में पहुंचता है। तो प्रक्रिया वही है जो है, जो मैंने अभी आपको समझाया नोट्स के फॉर्म में। पेंजिया दो वृहद महाद्वीपों में टूटता है, ऊपर वाले भाग को लॉरेशिया कहते हैं, नीचे वाले भाग को गोंडवाना लैंड कहते हैं। उत्तरी और दक्षिणी जो ये भूखंड है वो आगे चल के और टूटेंगे धीरे धीरे करके, और जैसा मैंने बताया कि उत्तरी हिस्सा उत्तरी अमेरिका, यूरोप और एशिया में टूटेगा, दक्षिणी हिस्सा दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका और भारत के रूप में टूटेगा, और धीरे धीरे करके वो आज अस्तित्व में आ गया, ऐसा इन्होंने कहा। ठीक है, तो ये इनकी बातें हो गई। तो पेंजिया के संदर्भ में इन्होंने अपनी बात कह दी। वेगनर ने, अभी इसको रहने देते हैं, इस पॉइंट को रहने देते हैं। तो यहां पर हमने देखा कि पेंजिया के संदर्भ में इनका जो व्याख्या है उसमें दो शब्दावली है, पेंजिया, पेंथलासा। उसके बाद आपको क्या ध्यान रखना है कि पेंजिया उत्तर और दक्षिण हिस्से में टूटा, उसका ना, एक का नाम हो गया लॉरेशिया और दूसरे का नाम है गोंडवाना लैंड। यही लॉरेशिया टूट के आज उत्तरी हिस्सा जो है वो आज के महाद्वीपों के जो नाम है उत्तरी अमेरिका, यूरोप और एशिया, उत्तरी हिस्सा जो टूटा लॉरेशिया, और दक्षिणी हिस्सा जिसका नाम गोंडवाना लैंड था वो टूट के साउथ अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, भारत और अंटार्कटिका के रूप में जाना जाता है। ठीक है, ये बात इन्होंने रख दी, इतना हम लोगों ने समझदारी बनाया इसको लेके। अब अगला जो पॉइंट है इनका वो यही है कि अब हर जियोलॉजिस्ट इनसे यही सवाल पूछेगा कि आपने ये जो बातें कही हैं कि पेंजिया था, पेंथलासा था, लॉरेशिया था, गोंडवाना लैंड था, टूटा, टूट के आज के महाद्वीपों के रूप में ये बना, कैसे, वो कौन सा फोर्स था, वो कौन से फोर्स थे। इस पॉइंट को ध्यान में रखिएगा कि क्योंकि यहीं पर वेगनर का क्रिटिसिज्म छुपा हुआ है, वेगनर के सिद्धांत की सीमाएं यही दो पॉइंट्स हैं, और भी पॉइंट्स हैं लेकिन ये दो महत्वपूर्ण और गंभीर पॉइंट्स हैं, इनको समझ लेंगे तो दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो यहां पर
वेगनर का पेंजिया पेंथलासा, लॉरेशिया, गोंडवाना लैंड और उसका टूटना, इन सब चीजों को लेके कौन से बल रेस्पॉन्सिबल है, जब ये पूछा गया तो उन्होंने कहा कि दो बल है। कौन कौन से बल है? दो बल है। अब पहले दो बल को समझ लेते हैं और उसके बाद फिर आप देखेंगे राइट अप है आपके पास, आराम से, बहुत आराम से समझ लेंगे, कोई मुश्किल नहीं है। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, जो लोग ध्यान नहीं दे रहे हो ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि बस यही एक पेच है, इसको समझ लेंगे तो प्रॉब्लम खत्म। इनसे पूछा गया कि बताइए कि हजारों हजार किलोमीटर आज उत्तरी अमेरिका यूरोप और एशिया से टूट के यहां आ गया है, यह हजारों किलोमीटर लंबा महासागर है, दोनों के बीच में हजारों किलोमीटर लंबा महासागर है, ये जो ये अंटार्कटिका है ये हजारों किलोमीटर दूर है नॉर्थ अमेरिका से, यूरोप से, हजारों किलोमीटर की यात्रा वो भी इतने बड़े बड़े भूभाग कैसे करेंगे, तो वो कौन से बल है? तो ये दो बलों की चर्चा करते हैं, दो फोर्सेस की चर्चा करते हैं। वो दो फोर्सेस कौन से हैं? वो दो फोर्सेस कौन से हैं? तो दो फोर्सेस, या जो दो फोर्सेस की बात वो करते हैं उसको आराम से समझिएगा, आसान है। पहला है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, पहला है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। आसान है, कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है ये, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और दूसरा जो बल वो कहते हैं, है ना, वो कहते हैं आपको ज्वारीय बल। दो प्रकार के फोर्स हैं पृथ्वी पे, अगर हम देखें, एक को कह सकते हैं सेंट्रिपिटल फोर्स, नीचे की तरफ खींचना, जिसको गुरुत्वाकर्षण बल भी कह सकते हैं, कि हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी गोल है तो इसका एक सेंटर है, जो भी चीज यहां पर है वो हर चीज सेंटर की तरफ खींची जा रही है, हर चीज सेंटर की तरफ, केंद्र की तरफ उसको खींचा जा रहा है, जिसको हम गुरुत्वाकर्षण बल भी कहते हैं, या सेंट्रिपिटल, नीचे की तरफ खींचना, केंद्र की तरफ खींचना। तो एक जो बल काम करता है वो है सेंट्रिपिटल फोर्स, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि पृथ्वी एक ऑब्जेक्ट है, एक वस्तु है, और इसमें कुछ मास है, कुछ वस्तुएं इसमें है, उनका अपना एक वजन है, और उस पूरी प्रक्रिया में उसको पृथ्वी जो है उसको अपनी तरफ, केंद्र की तरफ खींचती है, जिसको हम गुरुत्वाकर्षण बल या सेंट्रिपिटल फोर्स भी कहते हैं। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, अब इस बात को देखना है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या है। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का मतलब यह है कि ये जो हमारी पृथ्वी है ये घूम भी तो रही है, पश्चिम से पूरब की तरफ, वेस्ट से ईस्ट की तरफ हमारी पृथ्वी घूम भी तो रही है, और जब हमारी पृथ्वी पश्चिम से पूरब की तरफ घूम रही है तो हमको मालूम है कि एक जो बल लगता है, घूमने वाला जो बल है, उसको हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं, है ना। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का मतलब है, ये मैंने आपको चर्चा किया भी था शुरुआती क्लास में, कि जब भी कोई एक वस्तु घूमती है तो वस्तु, जब ये वस्तु घूमती रहती है तो वो बिल्कुल सीधी दिशा में आगे बढ़ना चाहती है, लेकिन पृथ्वी गोल घूम रही है पश्चिम से पूरब दिशा की तरफ, ऐसे। तो उस पूरी प्रक्रिया में जो भी एक वस्तु है वो उससे छिटक के बाहर निकलना चाहती है, और छिटक के बाहर निकलना चाहती है तो इस बल को हम क्या कहते हैं? इस बल को हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, बाहर निकलने वाला बल कहते हैं। ये क्यों हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूरब की तरफ, या पृथ्वी अपने अक्ष पे लगातार घूम रही है, घूर्णन कर रही है, और घूमने की गति के कारण लगातार ऐसा होता है। जैसे अनुभव के लिए आप रिलेट कैसे कर पाएंगे, जब कोई बस में बैठे हैं, कार में बैठे हैं, है ना, जब किसी मोड़ पे गाड़ी को तेज मोड़ा जाता है, तेज मोड़ा जाता है, जैसे मैं यहां हूं और मैं इधर मोड़ रहा हूं, तो हमेशा हमारा बॉडी वेट इधर की तरफ फिकाता है, या हमको ऐसा लगता है जैसे हम इस तरफ जा रहे हैं, गाड़ी तो ऐसे मूव कर रही है लेकिन हमको लगता है कि हम इधर जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम एक सीध में जाना चाहते हैं, जैसे हम मूव कर रहे हैं तो हम ऐसे ही मूव करना चाहते हैं, लेकिन ये बस हमको ऐसे घुमा देता है, लेकिन हमारी बॉडी अभी भी आगे जाना चाहती है, इस दिशा में जाना नहीं चाहती है, सीधे आगे जाना चाहती है, इसीलिए हम झुकते हैं, है ना, विपरीत दिशा की तरफ झुक जाते हैं, ऐसे घूमते हैं तो हम इधर जाना चाहते हैं, इसी बल को हम सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं, सॉरी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं।
अब जरा सोचिए इसके बारे में कि पृथ्वी अगर लगातार घूम रही है तो जो भी वस्तु है उससे छिटक के दूर जाना चाहेंगी, छिटक के निकलना चाहेंगी। तो इमेजिन करिए कि पृथ्वी एक पे जमीन ही जमीन है, और इस विशाल जमीन को या इस विशाल महाद्वीप को हमने नाम रखा पेंजिया, और ये पेंजिया पृथ्वी पे घूम रहा है ना। ये पेंजिया जो है, ये जो विशाल महाद्वीप है, ये पृथ्वी पे के साथ लगातार घूम रहा है। और घूम रहा है तो ये पृथ्वी चूंकि पश्चिम से पूरब की तरफ लगातार घूम रही है तो ये सीधा निकलना चाहेगा, सीधा निकलना चाहेगा तो पेंजिया पे लगातार क्रैक पड़ेंगे, क्रैक पड़ेंगे तो टूटेगा, क्रैक पड़ेगा तो टूटेगा और उसमें बिखराव होना शुरू होगा। और चूंकि ये बल हम लोगों ने चर्चा भी किया था और बताया भी था कि जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है ना, वो सबसे तेज अगर कहीं पर घूम रहा है कोई तो विषुवत रेखा है ना, और सबसे ज्यादा वेलोसिटी जो है वो विषुवत रेखा पे है। तो हर चीजें जो मूव कर रही हैं वो टूट के, चूंकि गति यहां पर सबसे ज्यादा है तो उस तरफ वो बढ़ना शुरू कर देते हैं। तो यहां पर ये कहते हैं, यानी कि वैगनर है, वो कहते हैं कि पृथ्वी जो अपने अक्ष पे लगातार पश्चिम से पूरब की तरफ घूम रही है तो जो वस्तुएं हैं वो इस सर्कल में ना जाके इससे छिटकना चाहती हैं, और छिटकने की प्रक्रिया में इसमें क्रैक पड़ता है, क्रैक पड़ता है तो ये टूटना शुरू कर देते हैं। इसी को इन्होंने कहा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, एक बल है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जिसके कारण ऐसी स्थिति बनी है। और ये बता रहे हैं कि इसी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण जो महाद्वीप हैं वो विषुवत रेखा की तरफ बढ़ रहे हैं, या विषुवत रेखा की तरफ वो उनका बढ़ना शुरू हो जाता है। जैसे भारत विषुवत रेखा की तरफ बढ़ा, ऑस्ट्रेलिया विषुवत रेखा की तरफ बढ़ा, अफ्रीका विषुवत रेखा की तरफ बढ़ा, दक्षिणी अमेरिका, मतलब ये दो महाद्वीप हैं जो मूलतः विषुवत रेखा की तरफ बढ़े। क्यों? क्योंकि उसके पीछे जो कारण है वो है पृथ्वी का घूमना, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है, इस बात को अभी मान लेते हैं कि उन्होंने ये बात कही। दूसरा एक और वो बल की बात करते हैं, और वो कहते हैं ज्वारीय बल। ज्वारीय बल का मतलब क्या है कि जो चांद और सूरज है उसका भी अपना गुरुत्वाकर्षण बल है, उसका भी अपना गुरुत्वाकर्षण बल है, वो भी हमको खींचता है अपनी तरफ, और अपनी तरफ खींचता है। तो हमारी पृथ्वी पश्चिम से पूरब की तरफ घूम रही है तो इस पूरी प्रक्रिया में पश्चिम की तरफ महाद्वीपों का जो है विस्थापन होगा, यानी कि जो महाद्वीप है, उत्तरी अमेरिका है, दक्षिणी अमेरिका है, इसको पश्चिम की तरफ भी खींचा जाएगा। क्यों? क्योंकि ज्वारीय बल काम कर रहा है, पृथ्वी ऐसे घूम रही है और यहां पर सूर्य और चांद का गुरुत्वाकर्षण बल इसको अपनी तरफ खींचने का प्रयास करेगा। उस पूरी प्रक्रिया में ये दक्षिणी अमेरिका और उत्तरी अमेरिका पश्चिम की तरफ खींचे जाएंगे, कौन से बल के कारण? ज्वारीय बल के कारण। तो उन्होंने कहा कि अफ्रीका है, भारत है, ऑस्ट्रेलिया है, इन सबको उत्तर की तरफ खींचा गया, विषुवत रेखा की तरफ खींचा गया। कौन सा बल जिम्मेदार था? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका को पश्चिम की तरफ खींचा गया, कौन सा बल जिम्मेदार था? ज्वारीय बल। तो यहां पर जो उनसे सवाल बार बार पूछा जा रहा था कि पेंजिया टूटा लॉरेशिया में, गोंडवाना लैंड में, और फिर धीरे धीरे करके उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, एशिया, यूरोप, भारत, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, कैसे संभव है? तो यहां पर इन्होंने केवल दो ही बलों की चर्चा की, कौन से बल? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और ज्वारीय बल। इन दो बलों को इन्होंने कहा कि यही बल है जिसके कारण महाद्वीपों का प्रवाह हो रहा है, महाद्वीप लगातार मूव कर रहे हैं। ठीक है, ध्यान रहेगा, बस इतना ही बात है इनके अंदर। इन्होंने दो चीजों की चर्चा की, इनकी सीमाओं को देखेंगे, इन्हीं दो चीजों की जब चर्चा करेंगे कि इनके जो बल जो इन्होंने बताया है क्या वो तर्कसंगत है, क्या उनकी बात ठीक है, इसको क्रिटिसिज्म में देखेंगे। अभी बस इन्होंने ये बात कही कि ये बल जिम्मेदार है, ये फोर्स रेस्पॉन्सिबल है, इन्हीं फोर्सेस के कारण ऐसी स्थिति उत्पन्न हो रही है। तो यहां पर फोर्सेस रेस्पॉन्सिबल के संदर्भ में इन्होंने यही कहा कि ये दो बल जिम्मेदार हैं जिसके कारण ये महाद्वीप या पेंजिया जो है वो बिखरे हैं। ठीक है, मैंने आपके साथ आंतरिक संरचना की चर्चा की है, आंतरिक संरचना के बारे में मैंने विस्तार से आपके साथ चर्चा किया है, क्रस्ट मेंटल कोर के बारे में चर्चा किया था। मैंने बताया था कि जो ऊपर वाला लेयर है उसको हम सियाल का लेयर भी कहते हैं, सिलिकॉन और एल्युमिनियम का, जिसको हम लिथोस्फेयर के नाम से भी जानते हैं, पत्थर ठोस है, और उसके नीचे जो लेयर है वो अपेक्षाकृत
तरल तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन आप उसको कह सकते हैं आटे की तरह है, पूरी तरह से ठोस भी नहीं है, पूरी तरह से सॉलिड भी नहीं है। तो ये जो ऊपर वाला ठोस लेयर है वो नीचे वाले साइमा के लेयर पे तैर रहा है, तो ऊपर वाला जो महाद्वीप है वो लगातार इसके ऊपर तैर रहा है। तो यहां पर यही बात वो कह रहे हैं कि सीमा के ऊपर तैरते हुए पेंजिया का विखंडन एवं प्रवाह मुख्य रूप से गुरुत्वाकर्षण शक्तियों की असमानता के कारण संभव हुआ है। कि सियाल और साइमा है, तो साइमा मतलब नीचे वाले लेयर के ऊपर जो सियाल का लेयर है वो टूट रहा है, या सियाल जो ऊपर पेंजिया है, महाद्वीप है, वो टूट रहा है, उसका विखंडन हुआ है, और उस विखंडन के पीछे मूलतः जो है वो गुरुत्वाकर्षण बल का फोर्स रेस्पॉन्सिबल है, और पृथ्वी जो अपने अक्ष पे घूम रही है जिसको हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं वो है। तो यहां पर ये कहते हैं कि प्रवाह दो दिशाओं में हुआ है, एक भूमध्य रेखा की तरफ प्रवाह हुआ है और एक पश्चिम की तरफ प्रवाह हुआ है, एक प्रवाह पश्चिम की तरफ हुआ है। तो यहां पर जो पहला पॉइंट वो कहते हैं कि भूमध्य रेखा की तरफ जो प्रवाह हुआ है उसका कारण क्या है, तो उसका कारण बताते हैं कि वेगनर ने बताया कि महाद्वीपों के भूमध्य रेखा की तरफ जो प्रवाह है उसके लिए पोलर फ्लिंग फोर्स, या कह सकते हैं कि उत्प्लावन बल, या उसको उपकेंद्रीय बल या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी कहते हैं। ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है, जो पृथ्वी घूम रही है और जो सबसे तीव्र गति है वो इक्वेटर पे है, विषुवत रेखा पे है। इस पूरी प्रक्रिया में चूंकि पृथ्वी सबसे ज्यादा तीव्र गति से विषुवत रेखा पे घूम रही है, तो इस घूमने की गति के कारण जो वस्तुएं हैं, जो ऑब्जेक्ट्स हैं, या जो मास कह सकते हैं, स्थलाकृतियां हैं, वो उत्तर की तरफ भी छिटकती हैं, विषुवत रेखा की तरफ भी जाती हैं। और इस पूरी प्रक्रिया में अफ्रीका छिटका, पेंजिया से टूटा और छिटक के उत्तर की तरफ मूव किया, भारत, ऑस्ट्रेलिया, ये सब इसी प्रक्रिया में इस तरफ मूव किए। तो पहला ये उन्होंने कहा भूमध्य रेखा की तरफ कौन सा बल है, तो अपकेंद्रीय बल है ना, ये ध्यान रखना है। दूसरा वो कहते हैं कि पश्चिम की ओर प्रवाह, वेस्ट की तरफ फ्लो, पश्चिम की तरफ प्रवाह के लिए उन्होंने बल पूछा गया कि भैया बताइए कि कौन सा बल है, कि ये जो है यूरोप से टूट के उत्तरी अमेरिका बन गया, अफ्रीका से टूट टूट के दक्षिण अमेरिका बन गया, तो कौन सा बल है। तो ये कहते हैं कि वेगनर ने बताया कि अमेरिका के पश्चिम की ओर स्थानांतरण, अमेरिका मतलब उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका के पश्चिम की तरफ जो स्थानांतरण हुआ है उसके पीछे जो बल है वो है ज्वारीय बल, टाइडल फोर्स है ना। यह सूर्य और चंद्रमा के आकर्षण से संबंधित है, उसके गुरुत्वाकर्षण बल से संबंधित है, जिससे महासागरों में ज्वार उत्पन्न होता है, और ज्वार इतना ज्यादा होता है कि उस पूरी प्रक्रिया में महाद्वीप उसके ऊपर फ्लोट करते हैं, ऐसा इन्होंने कहा। मैं नहीं कह रहा हूं ऐसा, ये कह रहे हैं, वेगनर कह रहे हैं। कि उनसे पूछा गया कि बताइए कि ये महाद्वीप टूट के ऐसे स्थिति में कैसे आए, तो उन्होंने दो प्रकार के बलों की चर्चा की। तो ये दो बल है, भूमध्य रेखा की तरफ प्रवाह हुआ है और दूसरा पश्चिम की तरफ प्रवाह हुआ है। भूमध्य रेखा की तरफ जो प्रवाह हुआ है उसके लिए जो बल जिम्मेदार है उसको हम अपकेंद्रीय बल कहते हैं, और पश्चिम की तरफ प्रवाह हुआ है उसका मूल कारण उन्होंने ज्वारीय बल को बताया है। इसमें कमियां होंगी, हैं भी, लेकिन अभी मैं मिक्स आपके साथ नहीं कर रहा हूं। जैसा अभी वेगनर की तरह सोचिए कि वेगनर ने पेंजिया बताया, गोंडवाना लैंड बताया, लॉरेशिया बताया, पैंथलासा बताया, ये अलग अलग समय में ये सब चीजें हुई। अगला कि ये कैसे हुआ, तो उनसे उन्होंने दो बलों को लेके आए, दो फोर्सेस को लेके आए, और इन दो बलों को जिम्मेदार कारक बताया कि आज महाद्वीप जो है, जो भी जहां जहां पर है उसके पीछे जो ताकत है वो दो प्रकार की ताकतें हैं, अपकेंद्रीय बल, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और दूसरा है आपको टाइडल फोर्स या ज्वारीय बल। ठीक है, अब अभी मैं कमियों की चर्चा नहीं कर रहा हूं, बस आपको बता रहा हूं कि ऐसा उन्होंने कहा है ताकि आप उस बात को समझ पाए। एक सवाल है मयंक का, सर अर्थ का पोलर डायमीटर और इक्वेटर डायमीटर में केवल 42 किलोमीटर का अंतर है। हाँ बिल्कुल ठीक है, तो ग्रेविटी में इतना ज्यादा डिफरेंस क्यों है? इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं है, थोड़ा सा ही डिफरेंस है, लेकिन वो गुरुत्वाकर्षण बल जो है वो महत्वपूर्ण हो जाता है किसी वस्तु को ऊपर भेजने के लिए, मतलब पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल से बाहर निकलने के लिए। बहुत ज्यादा दोनों के बीच में ग्रेविटेशनल एनोमली नहीं है, लेकिन डेफिनेटली ग्रेविटेशनल एनोमली है, गुरुत्वाकर्षण विसंगति है। पोलर एरियाज में गुरुत्वाकर्षण बल अपेक्षाकृत ज्यादा है और विषुवती रेखा क्षेत्र में गुरुत्वाकर्षण बल अपेक्षाकृत ज्यादा है, पर इतना ज्यादा नहीं है कि जो है बहुत ज्यादा स्थिति ऐसी हो कि हम चुंबक की तरह हैं, मतलब हम पोलर की तरह पोलर एरिया में जाएं और हम पैर उठाना चाहें तो हमारा पैर नहीं उठे, या हम चलना चाहें तो हम चल नहीं सके, हमको बिल्कुल भी एहसास भी नहीं होगा
या हमको डिसकंफर्ट नहीं होगा कि ऐसा है, कि मतलब हम अनकंफर्टेबल महसूस कर रहे हैं। लेकिन साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है कि ये अंतर तो है, यानी कि जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता जाता है गुरुत्वाकर्षण बल अपेक्षाकृत कम होता जाता है, लेकिन इतना बड़ा नहीं है कि उसके लिए बहुत ज्यादा वो चैलेंजिंग हो। बस जब हमको कोई रॉकेट लॉन्च करना होता है तो हमको वो स्थान चुनना होता है जहां पर कम ऊर्जा की खपत हो, कम फ्यूल की जरूरत पड़े, या फ्यूल जो है वो लिमिटेड होता है ना। जब भी रॉकेट लॉन्च किए जाते हैं तो लिमिटेड फ्यूल होता है, तो कैसे हम फ्यूल को बचा सकते हैं? अगर गुरुत्वाकर्षण बल का घर्षण कम होगा तो अपेक्षाकृत फ्यूल को ज्यादा सेफ किया जा सकता है, ज्यादा ज्यादा लंबी दूरी तक उसको पहुंचाया जा सकता है। क्लियर है? तो इस संदर्भ में विषुवत रेखा का इस्तेमाल किया जाता है। और भी कोई सवाल होगा तो पूछिएगा, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बट डेफिनेटली देर इज ए डिफरेंस। ठीक है, चलिए। मतलब जैसे मान लीजिए कि चांद है, चांद पे 1/6 है ग्रेविटेशनल फोर्स पृथ्वी की तुलना में। 1/6 का मतलब है कि जितना हम महसूस कर रहे हैं तो उससे 6 गुना कम है, उसका 1/6 हिस्सा है वहां पर। तो इमेजिन करिए कि चांद पे अगर हम कोई हाई जंप करते हैं तो हम सारे रिकॉर्ड तोड़ देंगे, जितने भी मतलब हमने कभी हाई जंप नहीं भी किया है और वहां जाके चांद पे हाई जंप कर देंगे तो इंडिया या वर्ल्ड के या पृथ्वी पे जो भी रिकॉर्ड है उन सबको तोड़ देंगे, क्योंकि 1/6 है, इतना ड्रेस्टिक नहीं है, फ्रैक्शन ऑफ यूनिट्स का अंतर है। क्लियर है? चलिए मूव करते हैं आगे। तो यहां तक समझदारी एक बनी कि उन्होंने दो फोर्सेस की बात की। अब अगला इनका जो पहलू है वो सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है और सबसे महत्वपूर्ण वही है, क्योंकि इन्होंने जो बातें बताई कि पेंजिया टूटा, तो सवाल अब ये उठता है कि चलिए आपने फोर्सेस की बात की, हम फोर्स को स्वीकार भी कर लेते हैं, लेकिन इसको प्रूफ करके बताइए कि क्या साउथ अमेरिका और अफ्रीका में कुछ समानता मिलती है, क्या उत्तरी अमेरिका और यूरोप में समानताएं हैं, क्या अफ्रीका और भारत और ऑस्ट्रेलिया अगर एक ही हिस्सा कभी रहे थे, आपस में जुड़े हुए थे, तो क्या हमारे पास ऐसे साक्ष्य हैं जो इस बात को प्रूफ कर सके कि भारत, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका ये सब जुड़े हुए थे? कैसे प्रूफ करेंगे? और यहां पर वैगनर इंटरेस्टिंग हो जाते हैं, क्योंकि यही घूम घूम के सारे साक्ष्यों को इकट्ठा किए उस समय में। क्लियर है? तो यहां अगला जो सवाल इनका जो पहलू है इस टॉपिक का वो यही है कि महाद्वीपीय विस्थापन के सिद्धांत या महाद्वीपीय प्रवाह के संदर्भ में पक्ष क्या क्या है, तर्क क्या क्या है, क्या क्या प्रूफ हैं जो कि वैगनर के द्वारा दिए जाते हैं। तो 5-6 ऐसे प्रूफ हैं। एक छोटा सा 10 मिनट का ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद फिर इनके तर्कों को देखते हैं कि वो 5-6 क्या इंपॉर्टेंट एविडेंसेस हैं, और उसके बाद कुछ सवाल लेते हैं। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस का भी डिस्कशन करते हैं। चलिए 10 मिनट के ब्रेक के बाद फिर चर्चा करते हैं। एक सवाल है, एक सवाल ले लेते हैं फिर ब्रेक लेते हैं। अपराजिता सर अंटार्कटिक साउथ की डायरेक्शन में क्यों मूव किया है ना? साउथ की डायरेक्शन में मूव करने के बहुत सारे कारण हैं। यहां पर दो प्रकार के बल इन्होंने बात किए। एक बल इन्होंने कहा कि पश्चिम की तरफ मूव किया है, दूसरा बल इन्होंने कहा कि उत्तर की तरफ मूव किया है, उत्तर की तरफ है ना, नॉर्थ की तरफ मूव किया है। अब अगर हम अंटार्कटिका को देखते हैं तो क्या अंटार्कटिका मोर और लेस उसी जगह पे है या दक्षिण की तरफ आया है? तो यहां पर इन्होंने दो प्रकार के बल की बात की थी। तो जो कुछ हिस्से छिटक के निकले उसमें इन्होंने दो प्रकार के बल, ज्वारीय बल के संदर्भ में चर्चा करके और पश्चिम के संदर्भ में चर्चा करके तो बता दिया। अब इनसे यही पूछा गया कि बताइए कि अंटार्कटिका भी क्यों नहीं विषुवत रेखा की तरफ मूव किया? तो यहां पर इनकी सीमा आ जाती है, ये इस बात को एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं कि क्यों ऐसी स्थिति हुई। ठीक है, इस बात को हम प्लेट विवर्तनिकी के सिद्धांत में देखेंगे कि दो बलों से अंटार्कटिका का मूवमेंट एक्सप्लेन नहीं होता है, क्योंकि अंटार्कटिका को भी विषुवत रेखा की तरफ ही जाना चाहिए था, क्यों नहीं गया है ना? तो आपका जो सवाल है बिल्कुल जायज सवाल है, बिल्कुल बेहतर सवाल है, और यही वेगनर के सिद्धांत की सीमा है, लिमिटेशन है। और आपका जो क्यूरियोसिटी है, जो सवाल है, इसको थोड़ा सा इस पे रुकते हैं और प्लेट विवर्तनिकी के सिद्धांत में इसको विस्तार से चर्चा करूंगा कि कैसे हैरी हेस, टूजो विल्सन ने सी फ्लोर स्प्रेडिंग के माध्यम से या ऑर्थर होम्स के कन्वेक्शन करंट की थ्योरी के माध्यम से इस बात को विस्तार से समझाया था। तो अभी इसको समझाने का प्रयास करूंगा तो दिक्कत होगा, इसको एक सीमा के रूप में देख लीजिए कि वेगनर कहीं ना कहीं यहां पर सीमित हो जाते हैं, इस बात को नहीं समझा पाते हैं,
इसको समझाने के लिए हमको एक अलग सिद्धांत की चर्चा करनी पड़ेगी, जो अगली क्लास में अपरिजिता विस्तार से हम चर्चा करेंगे, ठीक है। तो 10 मिनट का ब्रेक लेते हैं, फिर शुरू करते हैं। जो मन में सवाल हो अभी तक जो है उसको जरा सोचिएगा, लेकिन अभी वैगनर की तरह ही रहिए तो ज्यादा अच्छा है, कि वैगनर ने ये बात कही तो याद रखेंगे कि हाँ सवाल पूछा जाएगा तो वैगनर ने पेंजिया और इन सब चीजों की बात की थी, वैगनर ने एक बल की बात की थी तो उन बलों, दो प्रकार के बलों की बात की थी, तो वैसा सोचिए। बस अब ये सोचिए कि इनकी क्या सीमा है, सीमा है तो क्या सीमा है, है ना। अगला जो पहलू है वो पक्ष के तर्क या पक्ष में क्या क्या एविडेंसेस से जुटा के बताते हैं कि हाँ ये प्लेट आपस में जुड़े हुए थे। 10 मिनट का ब्रेक लेते हैं, फिर शुरू करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। एक सवाल है, एक सवाल लेके फिर शुरू करते हैं। अंसार का सवाल है, अंसार ने पूछा है कि वैगनर ने यहां दो बातों की चर्चा की थी, अब केंद्रीय बल से नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को अलग किया गया, इस बल से भारत को, अफ्रीका को भारत से अलग नहीं किया जा सकता है, सर चर्चा करिए प्लीज। अच्छा, मतलब जो आपने लिखा है कंप्लीटली क्लियर नहीं हो रहा है, एक बार कोशिश करते हैं और पढ़ने का। वैगनर ने यहाँ दो बातों की चर्चा की थी, हाँ दो प्रकार के बल की चर्चा की थी, अब केंद्रीय बल और अभी केंद्रीय बल होता है। अभी केंद्रीय बल यानी सेंट्रीपिटल फोर्स, अंदर की तरफ खींचना, और अब केंद्रीय बल का मतलब है बाहर, जो पृथ्वी घूम रही है उस पूरी प्रक्रिया में जो चीज है वो सीधा घूमना चाहती है, जैसे हम पूरा घूम रहे हैं सीधा। कभी आप बस में चलिए तो हम बैठे हैं बस में और अचानक जब बस मुड़ती है तो हम टेढ़े मेढ़े मतलब इधर या इधर झुकते हैं, जब बस ऐसे घूमेगी तो हम इस तरफ झुक जाते हैं, क्यों? क्योंकि हम ऐसे जाना चाहते हैं, लेकिन बस हमको ऐसे लेके जाना चाहती है, लेकिन हम ऐसे जाना चाहते हैं। इसका मतलब है कि कोई भी घूमने वाली वस्तु होती है उसमें ये वाला बल काम करता है, जिसको हम अपकेंद्रीय बल या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं, एक बल। दूसरा है ज्वारीय बल, कि चंद्रमा और सूर्य जो है उनका अपना गुरुत्वाकर्षण बल है, चीजों को अपनी तरफ खींच रहे हैं। उस पूरी प्रक्रिया में समुद्र में ऊंची ऊंची लहरें उठती हैं, और चूंकि ऊंची ऊंची लहरें उठती हैं और हमारा जो प्लेट है वो इस नीचे के तरल पदार्थ के ऊपर तैर रहा है, ऐसा वैगनर कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा वैगनर कह रहे हैं। और जब ये ऊंची ऊंची लहरें उठती हैं तो इस पूरी प्रक्रिया में कहीं ना कहीं इस ऊपर वाले हिस्से को या इस प्लेट को वो इधर उधर मूव कराते हैं। तो जो सूर्य और चंद्रमा का जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो पश्चिम की तरफ खींच रहा है, और पश्चिम की तरफ खींच रहा है तो उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका को पश्चिम की तरफ खींचा जा रहा है। तो यहां पर वैगनर ने कहा कि ये जो उत्तरी अमेरिका है और ये जो दक्षिणी अमेरिका है इसको पश्चिम की तरफ खींचा जा रहा है। अगर मैं इसको ऐसे कहूं तो इसको ऐसे पश्चिम की तरफ, इसको पश्चिम की तरफ खींचा जा रहा है। क्यों खींचा जा रहा है? क्योंकि यहां पर सूर्य है, यहां पर सूरज है, है ना, यहां पर सूर्य है। और अगर सूर्य है, अगर यहां पर सूरज है तो वो क्या कर रहा है, इस पानी को अपनी तरफ खींच रहा है, या सूर्य के या यहां पर जो महासागर है उसमें ऊंची ऊंची लहरों को जन्म दे रहा है। और ऊंची ऊंची लहरों को जन्म देने की प्रक्रिया में ये जो आपको उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका के महाद्वीप हैं वो इसके ऊपर तैर रहे हैं। ऐसा किसने कहा? ऐसा वैगनर ने कहा, ऐसा वैगनर ने कहा। तो कहने का मतलब ये है कि ये पूरा पश्चिम की तरफ खींचे जा रहे हैं, क्यों? क्योंकि पृथ्वी का अप केंद्रीय बल और अभी पृथ्वी के ऊपर ये जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो कार्य कर रहा है। ये वैगनर कह रहे हैं। अभी ये मत सोचिए कि गलत कह रहे हैं सही कह रहे हैं, बस स्वीकार करिए कि कह रहे हैं। क्रिटिसिज्म करेंगे जब इनको, इनकी सीमाओं को तय करना होगा तो चर्चा करेंगे। पहले वैगनर के तरह सोचते हैं कि ऐसा ये कह रहे हैं। तो यहां पर पश्चिम की तरफ खींचा जाना किसका? उत्तरी अमेरिका का और दक्षिणी अमेरिका का। कौन सा बल काम कर रहा है? उसको कहा गया ज्वारीय बल। ज्वारीय बल का मतलब क्या हो गया? सूर्य और चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल। दूसरा, ये जो महाद्वीप है, अफ्रीका है, भारत है, ऑस्ट्रेलिया है, अफ्रीका है, भारत है, ऑस्ट्रेलिया है, ये सब उत्तर की तरफ मूव किए हैं। क्यों मूव किए हैं उत्तर की तरफ? तो ये कह रहे हैं कि यहां पर एक बल काम कर रहा है जो सबसे ज्यादा तेज है, जहां पर पृथ्वी सबसे तेजी से घूर्णन कर रही है, वो है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, अप केंद्रीय बल। यहां पर सबसे ज्यादा तेज गति से ये घूम रहा है, तो ये चीजों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है।
और उस पूरी प्रक्रिया में अफ्रीका, भारत और ऑस्ट्रेलिया विषुवत रेखा की तरफ मूव किए हैं या उत्तर की तरफ मूव किए हैं, ऐसा वैगनर ने कहा। ये दो प्रकार के बल की चर्चा की। अब अगर आप मुझसे पूछेंगे कि क्या मैं इससे एग्री करता हूं, तो मैं इससे एग्री नहीं करता हूं, ठीक है। लेकिन अभी हमको उसके बारे में नहीं सोचना है, अगर सोचेंगे तो हम लिख नहीं पाएंगे, क्योंकि हमको वैगनर की तरह सोचना है कि हां ये दो बातें हैं, ठीक है। तो ये दो प्रकार के बल हैं, ठीक है अंसार। आई होप कि मैंने एक्सप्लेन किया आपको, तो मतलब इससे समझ बनी होगी आपको। आगे बढ़ते हैं। अब इस पे ध्यान से सोचिएगा, कोई भी कमेंट कुछ भी अभी मत करिए, कुछ भी नहीं, चुपचाप अभी दो तीन बातों को सुनिएगा ध्यान से, कि ये बातें महत्वपूर्ण है, क्योंकि वैगनर यहां पर ठीक बात कर रहे हैं। इन्होंने जो बातें कही हैं ये आगे चल के यही तथ्यात्मक रूप से प्रूफ होती हैं, और इन बातों को आगे के सिद्धांत मानते हैं, स्वीकार करते हैं, और हेंस प्रूव्ड हो जाता है कि वैगनर सही बोल रहे थे, बल को लेके नहीं, इनके तर्कों को लेके, कि क्या क्या प्रूफ देते हैं कि ये प्लेट टूटे हैं, अगर टूटे हैं तो कभी जुड़े होंगे, और अगर जुड़े होंगे तो उनमें समानताएं होंगी, और अगर उनमें समानताएं होंगी तो वैगनर को वो समानताएं खोजनी पड़ेंगी, दुनिया के सामने प्रस्तुत करना पड़ेगा कि ये समानताएं हैं जो इस बात को बताता है कि आज जो प्लेट दूसरे से दूर है वो कभी पास में थे। उसके संदर्भ में 5-6 तर्कों की ये चर्चा करते हैं, ठीक है। अब 2-3 तर्क उठाते हैं, एक एक करके सारे तर्कों को देखते हैं, अभी चैट नहीं, अभी बस एक एक करके पॉइंट। वहां पर अगर आपको लगता है कि इनकी बातें गलत है तो सवाल पूछिएगा। पहला इनका जो तर्क है, महासागरों के पार स्थित चट्टानों की आयु एवं संरचना में समानता। ये 5-6 हैं, 5-6 बातें हैं, एक एक करके सारी बातों को लेते हैं, है ना। 3 और 3-6 पॉइंट्स हैं, 6 बातों की चर्चा ये करते हैं। एक जो भी पत्थर है अफ्रीका में मिल रहा है, साउथ अमेरिका में मिल रहा है, अगर उसमें समानताएं हैं, प्लेसर डिपोजिट, अगर सोना मिल रहा है देखेंगे उसको, कोयला मिल रहा है अगर अंटार्कटिका में कोयला मिल रहा है तो कैसे, है ना। सेम उम्र का कोयला अगर भारत में मिल रहा है, अफ्रीका में मिल रहा है, अंटार्कटिका में मिल रहा है, और सभी एक ही उम्र के हैं, एक ही समय के बने हैं, तो इसका मतलब है कि संभावना होगी, तो देखेंगे। ग्लेशियल या पूरा हिमानी की तेलंगाना के क्षेत्र में, या हिमानी का एक है, ठीक है, इसको देखेंगे। जिग्स ऑफ फिट है एक, ये बेहतरीन उदाहरण है, इसको देखेंगे, और कुछ जीवाश्मों का विवरण लेके भी, या उसका वितरण लेके भी हम इस बात को समझेंगे। तो 5-6 बातें हैं, एक एक करके एक एक पॉइंट्स को लेते हैं, पिक करते हैं। पहला है जिग्स ऑफ फिट, जैसा मैंने बताया सबसे बेहतरीन है, सबसे मतलब इंटरेस्टिंग है। ध्यान से देखिए, जैसे मैंने मान लीजिए कि यहां पर साउथ अमेरिका बनाया है ना, इसको मैंने साउथ अमेरिका को बनाया, और यहां पर देखिए अफ्रीका को है, अफ्रीका को लेके आए तो क्या इसमें फिट होता है, या ऐसे देखिए, इस तरह से इमेज को देखिए ध्यान से। जिग्स ऑफ फिट, जिग्स ऑफ फिट का मतलब होता है पजल होता है बच्चों का, आप देखते होंगे कि घर वर है, छोटे छोटे पीसेज आते हैं, उसको आप तोड़ ताड़ के रख दीजिए और बच्चे उसको आपस में जोड़ के घर बनाना है, या कुछ हाथी बनाना है, घोड़ा बनाना है, अलग अलग प्रकार के जो भी एक पजल टाइप का होता है, तो उसको जिग्स ऑफ फिट करते हैं कि छोटे छोटे टुकड़ों को जोड़ के एक बड़ा पिक्चर क्रिएट करना है ना, एक वृहद दृष्टिकोण उससे बनाना है। तो जब हम अफ्रीका और साउथ अमेरिका के मैप को देखते हैं, दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका के मैप को देखते हैं, तो ध्यान से देखिए कि ये दोनों को दूर कर दीजिए और दोनों को पास लाके देखिए, तो लगता है कि दोनों एक दूसरे में फिट हो जाएंगे। तो ये जो जिग्स ऑफ फिट है, ये जो फिट है साउथ अमेरिका और अफ्रीका का, ये कहीं ना कहीं इस बात को बताता है कि दोनों आपस में जुड़े होंगे, दोनों में यूनिकनेस नजर आता है हमको। तो ये पॉइंट है यहां पर, फिट ऑफ द कॉन्टिनेंटल शेल्फ। यहां पर देखिए अफ्रीका है, यहां पर देखिए साउथ अमेरिका है, अफ्रीका साउथ अमेरिका, और ऊपर देखिए नॉर्थ अमेरिका और अफ्रीका को जोड़ेंगे तो ऊपर वाले हिस्से, या उत्तर पश्चिमी वाला जो अफ्रीका का हिस्सा है जहां पर एटलस माउंटेन है, वहां जोड़ेंगे तो ये आपस में जुड़ जाते हैं। इसका मतलब है कि ये इससे जुड़ा हुआ है, ये इससे जुड़ा हुआ है, जिग्स ऑफ फिट, देखते ही लगता है कि जुड़े हुए होंगे। तो एक तो वैगनर ने कहा कि भैया ये देख लीजिए आप, अगर इसको झुठला सकते हैं तो बताइए, है ना। तो अब इसको कैसे झुठलाएंगे, जो दिख रहा है, जो इमेज बन रहा है और ये आपस में फिट हो रहा है, आप इसको कैसे डिस्कार्ड करेंगे, कैसे इसको अपोज करेंगे, क्लियर है।
तो इनकी जो बातें कही गई थी ये देखते से ही फर्स्ट इंप्रेशन से ही लगता है कि बात तो ठीक कह रहे हैं, है ना, कि कभी ना कभी अफ्रीका और साउथ अमेरिका एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होंगे। और जब हम तटीय रेखाओं को देखते हैं तो तटीय रेखाओं में भी हमको समानता नजर आती है। क्लियर है? अब बाकी की बातें आगे करेंगे, थोड़ा और क्लासेस हो जाएंगे तो इस पर समझदारी बनाएंगे। यहां पर वही बात लिखा हुआ है कि दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका के सामने की तट रेखा को जब हम मिलाते हैं, दोनों को मैच करते हैं, तो ऐसा लगता है कि कभी दोनों साथ में जुड़े हुए थे। ठीक है, 1964 में बुलर्ड एक साइंटिस्ट हैं, उन्होंने कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के माध्यम से इसके बारे में अध्ययन किया और अटलांटिक के तटों को जोड़ते हुए एक मानचित्र बनाया, और तटों की यह साम्यता काफी सीमा तक सही सिद्ध हुई है। यानी कि ये जो तथ्य इन्होंने दिया था कि जिग-जॉ पजल है अफ्रीका साउथ अमेरिका में फिट हो जाता है, ये आगे चल के 1960 के दशक में जब इलेक्ट्रॉनिक्स का जमाना आता है, कंप्यूटर का जमाना आता है, सिमुलेशन मॉडल्स आते हैं, तो वहां पर इस बात को प्रूफ कर दिया जाता है। तो एक इनका तर्क यह है, झुटलाना मुश्किल है, फिर भी थोड़ी बहुत आलोचना इस पॉइंट को लेकर करेंगे। ठीक है, बहुत मजबूत इनका क्रिटिसिज्म यहां पर नहीं हो पाएगा, पक्ष का तर्क बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। ठीक है, तो एक ये बात हो गया, बस इसमें इतना ही है, जिग्स ऑफ इट, एग्जामिनर को बस इतना लिख देंगे ना आप, महाद्वीपीय तटों में साम्यता और ब्रैकेट में जिग्स ऑफ इट लिख देंगे, हिंदी में देवनागरी लिपि में लिखिएगा जिग्स ऑफ इट, इतना लिख देंगे तो एग्जामिनर को समझ में आ जाएगा कि आप जानते हैं, और सोने पे सुहागा हो जाएगा अगर साउथ अमेरिका और अफ्रीका को जोड़ के एग्जामिनर को बता देंगे, एग्जामिनर देखते ही समझ जाएगा कि आपका कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा क्लियर है। क्लियर है, और दो लाइन लिख दीजिए उसके बारे में कि दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका के तटीय इलाकों को जब हम आपस में जोड़ते हैं तो ये इसमें सत्यता नजर आती है, 1960 के दशक के अध्ययन भी इस बात को प्रूफ करते हैं। बात खत्म हो गया, क्लियर है? तो एक तो उदाहरण ये हो गया, अब दूसरा देखते हैं, एक दूसरा उदाहरण लेते हैं, एक तर्क इनका ये हो गया, दूसरा है महासागरों के पार स्थित चट्टानों की उम्र की आयु और संरचना में समानता। अगर साउथ अमेरिका और अफ्रीका जुड़े हुए थे, नॉर्थ अमेरिका और अफ्रीका आपस में जुड़े हुए थे, या नॉर्थ अमेरिका और यूरोप आपस में जुड़े हुए थे, जैसे मान लीजिए कि यहां पर ये नॉर्थ अमेरिका है और ये यूरोप है, ये अगर आपस में जुड़े हुए हैं तो यहां पर जो चट्टाने पाई जाएंगी उनका उम्र, इनका एज, और यहां पर जो चट्टाने पाई जाएंगी उसका एज, दोनों सेम होना चाहिए। अगर आपस में जुड़े हुए थे तो उम्र एक ही होगी, एक ही प्रकार की चट्टाने होंगी, उनका कॉन्फ़िगरेशन, उनकी संरचना एक ही होगी। ऐसे उदाहरण भी हमको खूब मिलते हैं, ऐसे खूब सारे उदाहरण हैं हमारे पास। इसको अब मिटा ही देता हूं, है ना, या थोड़ा सा और इसका इस्तेमाल किया। अच्छा चलिए, यहां पर देखिएगा, इस इमेज में ज्यादा अच्छा होगा, एप्लेशियन और स्कैंडिनेवियन माउंटेन का उदाहरण लेंगे तो ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। वेगनर का एविडेंसेस है रॉक टाइप, है ना, कि जो चट्टाने हैं उनकी आयु समान है। तो यहां पर देखिए, जब हम साउथ अमेरिका और अफ्रीका को देखते हैं, है ना, तो यहां पर जो चट्टाने हैं और यहां पर जो चट्टाने हैं हमको सेम या समान नजर आती है, यहां पर जो चट्टाने हैं वो भी हमको समान नजर आती हैं, इधर भी हमको उसके अवशेष मिलते हैं। एक दो और उदाहरण लेते हैं, सबसे बेहतरीन उदाहरण यहां पर आपको मिल जाएगा। ये देखिए, ये साउथ नॉर्थ अमेरिका है, उत्तरी अमेरिका है, उत्तरी अमेरिका में इसको अगर आप देखेंगे, ये जो ब्राउन ब्राउन है, गाढ़े भूरे रंग का है, इसका नाम है एप्लेशियन पर्वत। मैप की क्लास में करेंगे, एप्लेशियन पर्वत, फॉल्ट लाइन, जलप्रपात बनना, उन सब चीजों के बारे में विस्तार से देखेंगे। ठीक है, बस अभी एप्लेशियन पर्वत, पुराने पर्वतों में इनका शुमार होता है, गिनती होती है, दुनिया के पुराने वलित पर्वतों में इनकी गिनती होती है। ठीक है, अब वलित पर्वत क्या होते हैं इसकी चर्चा आगे करेंगे, बस मान लीजिए कि पुराना पर्वत है, उसका नाम क्या है, एप्लेशियन माउंटेन। उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट पे एक पहाड़ मिलता है जिसका नाम है एप्लेशियन पर्वत। ठीक है, पुराना चट्टान है, दुनिया के सबसे पुराने चट्टानों में इनकी गिनती होती है। जब हम इधर आएंगे, यानी कि जब हम इधर आएंगे अफ्रीका में आएंगे, तो हमको ऐसा चट्टान मिलना चाहिए, जब इधर मिल रहा है तो यहां पर भी थोड़ा बहुत तो मिलना चाहिए, और जब हम यूरोप में जाएंगे तो भी मिलना चाहिए। अगर आपस में जुड़े हुए हैं और तट के किनारे अगर हमको ऐसा एक पहाड़ मिलता है, पुराना चट्टान मिलता है,
तो पूरब में भी यही स्थिति होनी चाहिए। जब हम पूरब में यूरोप में देखते हैं तो यूरोप में आपने तीन देशों का नाम सुना होगा, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, इन देशों का नाम शायद सुना होगा आपने। नहीं सुने हैं तो कोई बात नहीं, यूरोप में विस्तार से मैप की क्लास में देखेंगे। नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड, इसको स्कैंडिनेवियन कंट्री कहते हैं। कौन सा देश कहते हैं? स्कैंडिनेवियन। क्यों कहते हैं? क्योंकि इन तीनों देशों में एक पर्वत श्रृंखला है, उसका नाम है स्कैंडिनेवियन माउंटेन, स्कैंडिनेवियन पर्वत। जब हम स्कैंडिनेवियन पर्वत, यहां पर इसको कैलिडोनियन कैलिडोनियन काल में बना था, इसको स्कैंडिनेवियन पर्वत कहते हैं। जब हम इसका उम्र देखते हैं, जब हम इसका एज देखते हैं तो हमको इन दोनों के एज में समानता नजर आती है। और अफ्रीका में यहां पर एटलस माउंटेन है, जब हम इसका उम्र देखते हैं तो इन तीनों का उम्र हमको समान नजर आता है। इसका मतलब है जब हम एज ऑफ रॉक्स, तट के बीच में अटलांटिक महासागर है, उसके इस तरफ अफ्रीका है, उसके इस तरफ उत्तरी अमेरिका है और यहां पर यूरोप है, जब हम तीनों के किनारों को देखते हैं तो हमको यहां पर भी उसी उम्र का पर्वत मिलता है, यहां पर भी उसी उम्र का पर्वत मिलता है, यहां ग्रीनलैंड में भी हमको इसके पूरब के किनारे पे वही पर्वत मिलता है, अफ्रीका में आते हैं तो हमको उसी उम्र का पर्वत मिलता है। कैसे संभव है? ये तभी संभव है जब ये आपस में जुड़े हुए होंगे और बाद में ये टूट गया होगा, बीच में यहां से ये मूव किया होगा। कैसे झूठ लाएंगे इस बात को? कितना मेहनत किया होगा वैगनर ने, इमेजिन करिए कि एक 25-30 साल का बच्चा या एक यूथ अपनी बात को प्रूफ करने के लिए लगातार दुनिया भर में घूम रहा है और घूम घूम के इस बात को इकट्ठा करने की कोशिश कर रहा है कि यार यहां जाता हूं तो सेम उम्र का मिलता है, यहां जाता हूं तो सेम उम्र का मिलता है, यहां जाता हूं तो सेम उम्र का पत्थर मिलता है, यहां जाता हूं तो सेम उम्र का पत्थर मिलता है। अब इसको झुटलाऊं कैसे, कैसे अस्वीकार कर दूं कि कभी आपस में नहीं जुड़े हुए होंगे? तो यहां पर तथ्यात्मक रूप से इन्होंने ये जो अध्ययन किया और स्कैंडिनेवियन माउंटेन, एप्लेशियन माउंटेन और अफ्रीका में जो एटलस माउंटेन है, इनके चट्टानों का जो एजिंग किया, तो सबकी उम्र एक समय की निकली है, एक समय का ही वो बनावट मिला, यानी कि एक और प्रूफ इन्होंने दे दिया। अब जियोलॉजिस्ट सोचिए आप कि भैया ऐसा कैसे है, चलो मेरे फोर्स को आप गलत बता दोगे, मेरा बल गलत हो सकता है, जो कारण मैंने बताए हैं जिसके कारण मूवमेंट हुआ वो गलत हो सकता है, लेकिन इस तथ्य को झुटलाने का क्या आपके पास कोई वाजिब तर्क है? तो यहां पर बहुत स्ट्रांगली इस बात को इन्होंने रखा और बाद में साइंटिफिक कम्युनिटीज को सपोर्ट करती है, उसको देखेंगे आगे प्लेट विवर्तन के सिद्धांत में। ब्राजील के तट और पश्चिमी अफ्रीका के तट पर लगभग 200 करोड़ साल पुराने पत्थर मिले हैं, जिनकी आयु और संरचना लगभग एक समान है, है ना? यहां पर बस इतना ही है, ठीक है। इसमें आप और उदाहरण डाल सकते हैं, जैसे मैंने मैप में डाल दिया है एप्लेशियन माउंटेन, स्कैंडिनेवियन माउंटेन, यहां पर एटलस माउंटेन, इनके उम्र में भी यही समानता मिलती है, यानी कि अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका में भी समानता मिल रही है, अफ्रीका के उत्तरी हिस्से, उत्तरी अमेरिका और यूरोप के पूर्वी हिस्से स्कैंडिनेवियन माउंटेन में भी हमको समानताएं मिल रही हैं, यानी कि अटलांटिक महासागर के पूर्व और पश्चिमी के तटों को आपस में जोड़ा जाए तो इन चट्टानों की उम्र सेम है, सेम समय में बने हैं, सेम प्रकार के उनकी बनावट, उनकी संरचना पाई जा रही है, ठीक है। तो दो प्रकार के प्रूफ हम लोगों ने देख लिए, दो प्रकार के प्रूफ को हम लोगों ने समझ लिया, एक तो जिग्स ऑफ फिट है ना, अफ्रीका को जब साउथ अमेरिका में फिट करते हैं तो फिट हो जाता है, नॉर्थ अमेरिका को जब अफ्रीका के तट के पास लाते हैं तो स्थिति बनती है, अफ्रीका और नॉर्थ अमेरिका को जोड़ते हैं तो स्थिति बनती है। तीसरा, जीवाश्मों का वितरण, जीवाश्म है ना, जीवाश्मों का वितरण। जरा ये सोचिए इसमें कि कुछ जीव ऐसे होते हैं या अधिकतर जीव ऐसे होते हैं जो एक पार्टिकुलर क्लाइमेट में पाए जाते हैं, एक पार्टिकुलर जलवायु में पाए जाते हैं। ठंडे जगह का जो प्राणी होगा, जैसे पोलर बियर है, उसको कहेंगे कि विषुवत रेखा पे आके रहोगे, बेचारा रह ही नहीं पाएगा, उसको बर्फ ही बर्फ चाहिए, बर्फ के बीच में ही रहेगा। पेंगुइन को कहेंगे अंटार्कटिका में पाया जाता है, बर्फ पे ही रहेगा, उसको कहेंगे विषुवत रेखा पे आके यार 2-3 सीजन रहो, आप गर्मी को फील करो, बेचारा सर्वाइव ही नहीं कर पाएगा, ठंडा चाहिए उसको। इसका मतलब है कि जो जीव जंतु हैं वो एक पार्टिकुलर जलवायु में रहते हैं, जैसे पेड़ पौधे हैं, अगर आप ध्यान से देखेंगे
चर्चा करेंगे भारत में वनस्पति के बारे में, जब विस्तार से चर्चा करेंगे, और स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 के संदर्भ में भी चर्चा करेंगे, जो कि हाल ही में, मतलब जब प्रारंभिक परीक्षा देने जाएंगे तो वही 2019 का ही स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट होगा। तो भारत में बहुत प्रकार के वन पाए जाते हैं, उष्णकटिबंधीय, उपोष्णकटिबंधीय, शीतोष्णकटिबंधीय। उष्णकटिबंधीय मतलब गर्म वन, जो गर्म जगह में होते हैं। शीतोष्णकटिबंधीय का मतलब अपेक्षाकृत ठंडे जगह पे जो होते हैं। टैगा वन, जो सबसे ठंडे जगह पे होते हैं। जैसे कभी आप पहाड़ पे जाएं तो देखेंगे कि दो चार वैरायटी का नाम लेते हैं, घबराइएगा नहीं, है ना। रोडोडेंड्रॉन है, पाइन है, चिर पाइन है, ऐसे कुछ पेड़ हैं जो थोड़े से आप देखेंगे कि शंकुधारी वन होते हैं, वो ठंडे इलाकों में पाए जाते हैं। तो जब भी आप पहाड़ पे जाएंगे तो ध्यान से देखेंगे कि जो वनस्पति है वो बदल रही है। कभी आप प्लेन एरिया से पहाड़ पे चलते चले जाइए तो आप देखेंगे कि लगातार वनस्पति बदल रही है। नीचे जो पेड़ पौधे देख रहे थे, आम का पेड़, इमली का पेड़, है ना, ये सारे नीम के पेड़, जैसे जैसे मैं ऊपर हाइट पे चढ़ता जा रहा हूं ये सब गायब हो जा रहे हैं। उसी जगह एप्पल का पेड़ आ जा रहा है, थोड़ा और ऊपर जा रहा हूं तो कुछ और पेड़ आ जा रहे हैं, और थोड़ा और ऊपर चला गया तो बर्फ ही बर्फ है, कोई पेड़ ही नहीं है। अलग अलग प्रकार के, यानी कि अलग अलग जलवायु में अलग अलग प्रकार की वनस्पतियों का उदय होता है और उनका विकास होता है, ठीक है। अब अगर एक ही जीवाश्म है, एक जीव है, और उसका जीवाश्म मिल रहा है, और उसका जीवाश्म अगर अंटार्कटिका में भी मिलता है, उसका जीवाश्म अगर भारत में भी मिलता है, उसका जीवाश्म अगर ऑस्ट्रेलिया में भी मिलता है, उसका जीवाश्म अगर अफ्रीका में भी मिलता है, उसका जीवाश्म अगर साउथ अमेरिका में भी मिलता है, इसका मतलब है कि कभी ये सारे जगह एक ही साथ जुड़ के एक ही जलवायु प्रदेश में थे। तभी तो संभव है कि वो जीवाश्म के अवशेष इन सभी जगहों पर मिल रहा है, समान जलवायु होगा, सेम जगह पे होंगे। अगर अलग अलग जलवायु प्रदेश होता तो संभव नहीं था। तो यहां पर एक हमारे पास उदाहरण हो जाता है जीवाश्मों का वितरण। जो जीवाश्म हैं, जो फॉसिल्स हैं, उनको हम जब देखते हैं तो हमारे सामने उदाहरण है, हमारे सामने एग्जांपल्स होते हैं। ये मैप है, मान लीजिए कि साउथ अमेरिका है, ये अफ्रीका है, अंटार्कटिका है, ऑस्ट्रेलिया है, भारत है, ये सबको फिट कर दिए, जिग्स ऑफ फिट से हमने मिला दिया कि सब आपस में जुड़े हुए थे, ठीक है। अब जुड़ गए, अब जरा देखें कि यहां कोई जीवाश्म मिलता है जो यहां भी मिलता हो, यहां कोई जीवाश्म मिलता है जो यहां भी मिलता हो, यहां कोई जीवाश्म मिलता है जो यहां मिलता हो, भारत मिलता हो, ऑस्ट्रेलिया मिलता हो, ऐसे करके कुछ जीवाश्मों का अध्ययन करना शुरू किए, है ना। कुछ जीवाश्मों का अध्ययन शुरू हुआ। जीवाश्म में पेड़ पौधे भी हो सकते हैं, जीव जंतु भी हो सकते हैं, तो ज्यादा नाम याद नहीं करना है, सिर्फ दो नाम याद रख लीजिए, एक कोई जीव का नाम है ना, एक जीव और एक वनस्पति, दो उदाहरण जिससे हम इस फॉसिल या जीवाश्म के बारे में एग्जामिनर को बता सके कि सर मालूम है, जानते हैं, एक दो उदाहरण स्वीकार कर लीजिए। ज्यादा उदाहरण नहीं दे पाएंगे, 150-200 शब्दों में उत्तर लिखना है, तो दो उदाहरण ले लीजिए आप हमारी तरफ से और इसको स्वीकार कर लीजिए। तो एक जीव का दे दीजिए और एक पेड़ पौधे या वनस्पति का उदाहरण दे दीजिए कि ये बताते हैं कि कभी ये आपस में जुड़े हुए थे। तो यहां पर एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, है ना, आसान वाला नाम ले लेते हैं, मेसासोरस ले लीजिए, है ना, मेसासोरस। ये अलग अलग प्रकार के जीव हैं, है ना, मेसासोरस है, ये साउथ अमेरिका के दक्षिणी हिस्से में भी पाया जाता है, अर्जेंटीना और चिली, जो कि आज का ठंडा इलाका है, ठंडा जगह है, और अफ्रीका में भी पाया जाता है, जिम्बाब्वे में, जाम्बिया के क्षेत्र में, जो कि अपेक्षाकृत गर्म जगह है, साउथ अफ्रीका में। तो यानी कि ये जीव के अगर अवशेष मिल रहे हैं ठंडे जगह पे भी और गर्म जगह पे भी, तो कैसे संभव है कि जीव ठंडे जगह पे भी रहता है, या इसके जो जीवाश्म मिले हैं वो ठंडे जगह पे भी मिल रहे हैं और गर्म जगह पे भी मिल रहे हैं। इसका मतलब है कि कभी ये जगह समान जलवायु के क्षेत्र रहे होंगे और आज अलग अलग जलवायु के क्षेत्र हैं, या अलग अलग प्रकार की जलवायु वहां पाई जाती है, कोई ठंडा हो गया है, कोई अपेक्षाकृत गर्म है। गर्म जगह विषुवत रेखा के पास पहुंच गया है तो गर्म हो गया है, या कर्क या मकर रेखा के पास पहुंच गया तो गर्म हो गया है, और दूसरा दक्षिणी ध्रुव के पास अपेक्षाकृत पहुंच गया तो अपेक्षाकृत ठंडा हो गया है। लेकिन ये जीवाश्मों का वितरण गर्म और ठंडे जलवायु में मिलने का मतलब यही है कि कभी ये आपस में जुड़े होंगे और एक ही जलवायु का हिस्सा रहे होंगे। एक जीव का उदाहरण हो गया, दूसरा वनस्पति का देखते हैं। वनस्पति में एक वनस्पति है, उसका नाम है ग्लॉसोपेट्रिस। ये सबसे बेहतरीन उदाहरण है, ये नाम तो आपको बताना ही पड़ेगा एग्जामिनर को कि सर मालूम है मुझे, कौन सा, ग्लॉसोपेट्रिस। ग्लॉसोपेट्रिस ये क्या है, वनस्पति है, एक प्रकार का फूल है समझ लीजिए।
ग्लैसोपेट्रिस, ये जो ग्लैसोपेट्रिस है, ये जो पौधा है और इसका जो फूल है, इसका उदाहरण हमको सब जगह मिला है। हमको ऑस्ट्रेलिया में भी इसका जीवाश्म मिला है, मतलब इसका अवशेष मिला है। हमको भारत में भी मिला है, हमको अफ्रीका में भी मिला है, हमको साउथ अमेरिका में भी मिला है, और हमको अंटार्कटिका में भी मिला है। अंटार्कटिका जहां पेड़ पौधे फूल होते ही नहीं है, साल भर बर्फ जमा रहता है, ग्लोसोपेट्रिस वहां कैसे मिल गया? और अगर ठंडे इलाके में होता है तो भारत में कैसे मिल गया? क्लियर है? और सब जगह मिला है, इसका मतलब है कि ये सभी के सभी एक साथ, जो आज अलग अलग जलवायु क्षेत्र का हिस्सा है या जलवायु प्रदेश का हिस्सा है, अलग अलग इन सब देशों में अलग अलग प्रकार की जलवायु पाई जा रही है, और ग्लैसोपेट्रिस एक वनस्पति है जो अपेक्षाकृत एक ही प्रकार की जलवायु में पाया जाएगा। तो एक ही प्रकार की जलवायु में पाया जाएगा, तो कभी ये सारे के सारे जो आज अलग अलग प्लेट्स हैं, वो सब आपस में जुड़े हुए होंगे और एक जलवायु प्रदेश का हिस्सा रहे होंगे। ग्लैसोपेट्रिस, ये हरा वाला लाइन देखिए, साउथ अमेरिका में भी मिल रहा है, अफ्रीका में भी मिल रहा है, भारत में भी मिल रहा है, ये हरा वाला लाइन देखिए अंटार्कटिका में भी मिल रहा है और ऑस्ट्रेलिया में भी मिल रहा है। दो उदाहरण। तो सोचिए कि कितना मेहनत किया था अल्फ्रेड वेगनर ने, बेचारा क्या क्या नहीं कर रहा था। एक मेट्रोलॉजिस्ट था, जलवायु का अध्ययन करने वाला, वायुमंडल का अध्ययन करने वाला व्यक्ति, फॉसिल इकट्ठा कर रहा है ना, सैंपल ले रहा है अलग अलग जगह से, और सैंपल का अध्ययन कर करके कह रहा है कि देखो ये जीवाश्म भी मिल गया और सब जगह मिल रहा है। अब बताओ कैसे नहीं मानोगे, अब इस बात को कैसे अस्वीकार करोगे? ठीक है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग एविडेंसेस है इसको, ये अकाट्य साक्ष्य है, इसको आप कैसे डिनाई करोगे? कोई भी एक ऐसा पौधा, कोई एक ऐसा वनस्पति जो गर्म जगह में भी होता है, ठंडे जगह पे भी होता है, शुष्क मौसम में भी होता है, बारिश वाले मौसम में भी होता है, ऐसा नहीं है, ऐसा मतलब पॉसिबल नहीं है। हर प्रकृति में हर चीज एक पार्टिकुलर जलवायु में अपने आप को ढालती है और उसमें वो पाई जाती है। इतने विविध प्रकार की जलवायु में, अंटार्कटिका जैसे क्षेत्र में, आज के संदर्भ में देखें तो ग्लैसोपेट्रिस का मिलना असंभव है, अकाट्य साक्ष्य है। इसका मतलब है कि कभी ये आपस में जुड़े होंगे और जो है एक ही प्रकार की जलवायु के प्रदेश का हिस्सा रहे होंगे। तो यहां पर जीवाश्म के वितरण में बहुत सारे हैं एग्जाम्पल्स, यहां पर है ना, साइनोनेथस है, मेसोसोरस है, लाइथोसोरस है। एक एग्जाम्पल ले लीजिए जीव का और एक वनस्पति का। ग्लैसोपेट्रिस को जरूर चर्चा करें क्योंकि सब जगह पाया जाता है। जो गोंडवाना लैंड का हिस्सा था, ये सब गोंडवाना लैंड से टूटे हुए हिस्से हैं, इन सब में ये पाया जाता है। इसका मतलब है कि जो वेगनर ने कहा था कि पेंजिया टूटा, पहले पेंजिया टूटा तो दो भागों में विभक्त हुआ, लॉरेशिया उत्तर वाला हिस्सा और दक्षिण वाला हिस्सा गोंडवाना लैंड, यानी कि जब गोंडवाना लैंड टूटा होगा या गोंडवाना लैंड जब पेंजिया से टूटा होगा तो उस गोंडवाना लैंड का जलवायु इस हिस्से में एक जैसा रहा होगा, और उस पूरी प्रक्रिया में, इस पूरे क्षेत्र में हमको ग्लोसोपेट्रिस के उदाहरण मिलते हैं। ठीक है, यह प्रक्षित किया गया है कि लेमूर जीव भारत, मेडागास्कर और अफ्रीका में भी पाए जाते हैं। लेमूर भी एक है। कुछ वैज्ञानिकों ने इन तीनों स्थलखंडों को जोड़कर एक स्थलखंड लेमूरिया का उदाहरण दिया है। यहां पर यह है लेमूरिया। यहां पर इन दोनों का नाम ध्यान रखिएगा, मेसोसोरस और ग्लोसोपेट्रिस। एक और उदाहरण है, वो है लेमूरिया का। इसको एंशियंट कॉन्टिनेंट भी कहते हैं, जहां पर मेडागास्कर, देखिए अगर देखेंगे आप तो ये भारत है, ये अफ्रीका है, और अफ्रीका के किनारे एक छोटा सा आइलैंड है जो हिंद महासागर का सबसे बड़ा आइलैंड है, उसका नाम है मेडागास्कर। मेडागास्कर में, अफ्रीका में और भारत में एक जीव मिला, उसका नाम है लेमूर। ये यहां भी मिला है, मेडागास्कर में भी मिला है और यहां भी मिला है। इसका मतलब है कभी ये आपस में जुड़े हुए थे, है ना। तो वही पॉइंट लिखा हुआ है कि स्थनकर्ण लेमूरिया की उपस्थिति को स्वीकार करते हैं कि एक ये हो गया। मेसासोरस मैंने बताया एक उदाहरण के रूप में, उसको देख सकते हैं कि मेसासोरस जो है वो भी हमको मिलता है, उसकी चर्चा है इसमें। तीसरा एक ग्लैसोपेट्रिस का नाम आप बता सकते हैं कि ग्लैसोपेट्रिस नामक वनस्पति गोंडवाना के सभी भूखंडों में पाई जाती है। गोंडवाना जब पेंजिया टूटा तो गोंडवाना, और गोंडवाना टूटा तो दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया और भारत में टूटा, तो पूरे गोंडवाना के हिस्से में ये पाया जाता है। तो दो तीन उदाहरण आपके सामने हो गए, एक लेमूर का उदाहरण हो गया, एक आप मेसोसोरस का उदाहरण लेके बता सकते हैं कि जीवाश्म पाए जाते हैं अलग अलग भूखंडों में।
और तीसरा ग्लैसोपैट्रिस का उदाहरण लेके आप एग्जामिनर को बताइए कि सर इसको तो डिनाई कर पाना मुश्किल काम है, कि कैसे आप डिनाई करेंगे कि ये आपस में जुड़े हुए नहीं थे। ठीक है, तो तीन जीवाश्म का उदाहरण लेके आप जीवाश्मों के वितरण के संदर्भ में एग्जामिनर को बता दीजिए। ठीक है, बस इतना ही रहने दीजिए। और भी कुछ कुछ नाम है तो उसको देखिएगा, कुछ ऐसा एक्सप्लेन करने वाला पॉइंट नहीं है इसके अंदर, बस जीवाश्म के वितरण के संदर्भ में हम जितना अध्ययन होता जा रहा है वो सब इस बात को बता रहे हैं कि यार ये था पॉसिबल है ना, कि ये आपस में जुड़े हुए होंगे। तो ये यहां तक हमारी समझदारी बन गई। तो हमने दो तीन पॉइंट्स को ले लिया, जिग्स ऑफ फिट को समझा हम लोगों ने कि जिग्स ऑफ फिट है, आपस में जुड़ रहे हैं। दूसरा, हमने चट्टानों की उम्र को भी देखा और वो भी इसी बात की तरफ इशारा कर रहे हैं। जो जीव जीवों के अंश हैं या जो बचे हुए अंश हैं वो भी इसी तरफ इशारा कर रहे हैं। जीवाश्म के वितरण में जो हम लोगों ने लेमूर का, मेसोसोरस का और ग्लैसोपेट्रिस से तीन उदाहरण लेके जो हमने समझा कि हाँ ये बात तो ठीक है, ये भी तर्कसंगत है, तो तीनों चीजें जो हैं इस बात की तरफ इशारा कर रही हैं कि हाँ ये पेंजिया था, आपस में जुड़े हुए थे ये, है ना। तो ये इनकी बात हो गई। अब अगला पॉइंट देखते हैं, पूरा हिमानीकृत प्रमाण, पूरा हिमानीकृत, एंशियंट, पूरा मतलब एंशियंट, हिमानी का मतलब है ग्लेशियल, बर्फ, पूरा हिमानी। जैसे मान लीजिए कि भारत है, भारत को अगर हम देखते हैं, मान लीजिए कि प्रायद्वीपीय पठार में जाते हैं आप, महाराष्ट्र जाते हैं, कर्नाटका जाते हैं, तेलंगाना जाते हैं, तो किसी भी मौसम में जाइए लगभग लगभग तापमान ज्यादा ही रहता है वहां पर, गर्माहट ही रहती है जनरली। तो इमेजिन करिए कि महाराष्ट्र में, तेलंगाना में, कर्नाटका में बर्फ का उदाहरण मिल रहा है। बर्फ के द्वारा, यानी कि बर्फ जब चलता है तो उसके द्वारा स्थलाकृतियों का निर्माण हुआ है। सवाल ये उठता है कैसे, है ना। तो पूरा हिमानीकृत, एंशियंट ग्लेशियल के उदाहरण अगर हमको मिलते हैं, या पुराने हिमानी के द्वारा कुछ अगर ऐसे स्थलाकृतियों का निर्माण किया गया है उसके उदाहरण मिलते हैं, तो ये तर्कसंगत लगेगा कि हाँ कभी तो आपस में जुड़े हुए होंगे। तो यहां पर यही है, अगर आप देखें यहां पर ध्यान से, ये अंटार्कटिका है, अगर इस मैप को ध्यान से देखिए तो नीचे अंटार्कटिका है, देखिए ऑस्ट्रेलिया जुड़ा हुआ है, इंडिया जुड़ा हुआ है, अफ्रीका का दक्षिणी वाला हिस्सा जुड़ा हुआ है, साउथ अमेरिका का जो दक्षिणी वाला हिस्सा है वो जुड़ा, मतलब ये आपस में जुड़े हुए हैं। और अगर मान लीजिए कि भारत उत्तर की तरफ चला, भारत उत्तर की तरफ चला, विषुवत रेखा की तरफ चला, वैगनर ने भी कहा है ना कि विषुवत रेखा की तरफ अपकेंद्रीय बल काम कर रहा था जिसके कारण भारत उत्तर की तरफ चला, यानी कि अंटार्कटिका से टूटा। और अगर अंटार्कटिका से टूटा तो इसका मतलब है कि संभावना तो यही है कि कभी भारत अंटार्कटिका के पास होगा, ये ठंडे इलाकों में रहा होगा, हो सकता है ऐसा। और अगर ऐसा हो सकता है तो क्या हम प्रमाणित कर सकते हैं कि भारत का जो दक्षिणी हिस्सा है, या भारत में भी हमको प्रायद्वीपीय पठार में, भारत के दक्षिणी हिस्से में भी हमको हिमानी के द्वारा बनाए गए स्थलाकृतियां मिल जाएं। अगर मिल जाएंगी तो इस बात को हम बता देंगे कि भारत आज जो विषुवत रेखा से उत्तर में अवस्थित है, कर्क रेखा लगभग भारत के मध्य से होकर गुजरती है, भारत को गर्म क्षेत्र का देश बनाती है, उष्णकटिबंधीय देश बनाती है, और इसमें दक्षिणी हिस्से में अगर बर्फ के द्वारा स्थलाकृतियां मिल रही हैं, इसका मतलब है कि भारत कभी दक्षिण में या उस जगह पे अवस्थित था जहां पर बर्फ अपेक्षाकृत ज्यादा गिरता था या ठंडा जगह था। क्लियर है? तो यहां पर यही है, बैगनर के जो एविडेंसेस हैं, ये जो इमेज है इसको ध्यान से देखिए, साउथ अमेरिका का जो पूर्वी हिस्सा है, अफ्रीका का दक्षिणी हिस्सा है, भारत का जो प्रायद्वीपीय पठार है नीचे वाला हिस्सा है, अंटार्कटिका है, और ऑस्ट्रेलिया का जो पश्चिमी हिस्सा है, इन सब जगहों पे हमको बर्फ के द्वारा बनाई गई स्थलाकृतियों के अवशेष मिल रहे हैं। और सबको जब हम आपस में जोड़ते हैं तो हमको एक ऐसा इमेज नजर आता है, ये व्हाइट व्हाइट आप जो देख रहे हैं एक ऐसा इमेज नजर आता है। इसका मतलब है कि ये सब के सब कभी अंटार्कटिका से जुड़े हुए थे और सब ठंडे जगह पे अवस्थित थे, और ठंडे जगह पे अवस्थित होने के कारण बर्फ के द्वारा बनाई गई स्थलाकृतियों के अवशेष हमको यहां पर मिलते हैं। यानी कि पृथ्वी पे, भारत पे परत दर परत हटाते जाइए मिट्टी का, तो नीचे हमको आज भी हिमानी के अवशेष या बर्फ के द्वारा जो बनी हुई स्थलाकृतियां हैं उसके अवशेष हमको मिल जाते हैं। क्लियर है? ये पॉइंट यहां पर लिखा हुआ है, पूरा हिमानीकृत के अवशेष। उसमें एक शब्दावली का इस्तेमाल होता है, इसमें देखेंगे तो लिखा भी होगा, उसका नाम है टिल, चर्चा करूंगा आगे।
हिमानी के द्वारा जो स्थलाकृतियां बनाई जाती हैं, है ना, हिमानी का मतलब है जो बर्फ चलता रहता है, है ना, उसके द्वारा जो स्थलाकृतियों का निर्माण होता है उसमें एक महत्वपूर्ण है टिल, उसको मोराइन भी कहते हैं, टिल मोराइन या एंड मोराइन भी कहते हैं। टिल का मतलब क्या हो गया कि कुछ गोल 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 से पत्थर है, और गोल गोल से पत्थर जब बर्फ अपने साथ लेके चलती है तो लगातार घर्षण करते हुए जब पृथ्वी के साथ उछलते कूदते चलती है तो वो गोल गोल पत्थर का रूप ले लेती है जिसको हम टिल कहते हैं, और जब बर्फ पिघल जाता है वहां से हट जाता है तो वो गोल गोल पत्थर निक्षेपित हो जाते हैं। तो जो गोल गोल पत्थर हमको मिलते हैं कहीं पर खूब सारे, तो हम सोचते हैं कि गोल गोल पत्थर कहां से आ गए, तो लगातार वो जो पृथ्वी के साथ बर्फ चलता रहता है और उसके साथ नीचे वाले हिस्से में जो पत्थर चलते रहते हैं लगातार उस बर्फ के साथ उछलते कूदते आगे बढ़ते हैं तो गोलाकार रूप ले लेते हैं जिसको हम टिल कहते हैं, एक प्रकार का निक्षेपण है। वो हमको ऐसे गोल गोल पत्थरों का निक्षेप दक्षिण भारत में भी मिलता है, ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी हिस्से में भी मिलता है, अफ्रीका के दक्षिणी हिस्से में भी मिलता है। ये सब इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि इन सब की जलवायु आज के संदर्भ में देखें तो ये बिल्कुल भी हिमानी की जलवायु नहीं है, हिमानी के द्वारा बनाई गई स्थलाकृतियों वाली जलवायु नहीं है, लेकिन फिर भी यहां पर मिल रहे हैं। इसका मतलब है कभी ये सारे क्षेत्र ठंडे जगह में अवस्थित थे और आपस में जुड़े हुए थे क्योंकि इन सब की उम्र एक ही है। तो यहां पर यही पॉइंट है। गोंडवाना श्रेणी के आधार में तल में काफी बड़ी मात्रा में टिल या टिलाइट मिले हैं। टिलाइट हिमानी निक्षेपण के द्वारा निर्मित औसादी चट्टाने हैं, गोल गोल पत्थर आपस में जुड़ गए हैं मिट्टी चूना से, जो व्यापक एवं लंबे समय तक हिमाच्छादन इंगित करते हैं कि लंबे समय तक जहां पर हिमाच्छादन हुआ होगा उसके द्वारा ये बनते हैं। विस्तार से चर्चा टिल के बारे में हिमानी वाली स्थलाकृतियों में करेंगे। इसी क्रम के प्रतिरूप में भारत के अतिरिक्त अफ्रीका, फॉकलैंड आइलैंड, ये साउथ अमेरिका है, उसके पूरब में देखेंगे एकदम नीचे बॉटम में तो एक द्वीप है, उसका नाम है फॉकलैंड आइलैंड, यूके के तहत है, अर्जेंटीना उसको क्लेम करता है और 1983 में दोनों लड़ाई भी लड़ चुके हैं एक दूसरे के विरुद्ध में कि भैया हमारा है हमारा है, ठीक है, चर्चा करेंगे मैप की क्लास में। तो फॉकलैंड आइलैंड में जब हम देखते हैं तो वहां भी टिलाइट मिलता है, अफ्रीका में देखते हैं वहां भी मिलता है, भारत में भी मिलता है, ऑस्ट्रेलिया में भी मिलता है, वही बातें यहां पर लिखी हुई हैं, ठीक है। तो इसका मतलब है कि सोचिए कि इतने सारे एविडेंसेस जो है वो इस तरफ इशारा करते हैं कि हाँ ये कभी सब आपस में जुड़े हुए थे, ठंडे जगह पे थे। तो भारत आज जहां पर है आज से लाखों साल पहले वहां पर नहीं था। आगे चर्चा करूंगा प्लेट विवर्तिकी के सिद्धांत पे, इस पे और ज्यादा विस्तार से कि 65 मिलियन साल पहले भारत इससे टूटा और टूटने के बाद यात्रा शुरू हुई, उसकी चर्चा वहां करेंगे। लेकिन ये आपस में जुड़े हुए थे और सब में हिमानी के अवशेष हमको मिलते हैं। उदाहरण टिल का दे दीजिएगा और एग्जामिनर को बताइएगा कि सर भारत में मिल रहा है, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में मिल रहा है। ये मैप देखते ही बस इमेजिन करिए और टिल को लेके एग्जामिनर को दो लाइन में अपनी बात रख दीजिए कि ये स्थिति है, ठीक है। अब इसको कैसे डिस्कार्ड करेंगे, कैसे कहेंगे कि इसको स्वीकार नहीं करेंगे, ठीक है। तो यहां पर इन्होंने एक और अकाट्य साक्ष्य दे दिया कि सब एक ही जलवायु प्रदेश के हिस्सा थे और ठंडे जगह पे अवस्थित थे और आज वो गर्म जगहों पे अवस्थित हैं। इसका मतलब है कि माइग्रेशन उनका हुआ है, मूव किए हैं। कोयले का जमाव, अंटार्कटिका में कोयला मिलता है, अफ्रीका के दक्षिणी हिस्से में कोयला मिलता है, साउथ अमेरिका के पूर्वी हिस्से में मिलता है, भारत में मिलता है, ऑस्ट्रेलिया में मिलता है, अंटार्कटिका में मिलता है, इन सब जगहों पे कोयला मिल रहा है। और अगर इन सब जगहों पे कोयला मिल रहा है तो सवाल ये उठता है कि अंटार्कटिका पे कोयला कहां से आया, अंटार्कटिका पे कोयला कहां से आया। कोयला चार प्रकार का होता है, है ना। भारत की क्लास में जब ऊर्जा के संसाधनों की चर्चा करेंगे तो उसमें दो प्रकार के परंपरागत ऊर्जा के स्रोत और गैर परंपरागत ऊर्जा के सोर्स, तो परंपरागत ऊर्जा के स्रोत के संदर्भ में कोयले की चर्चा करेंगे कि कोयला जो है एक कह सकते हैं कि कार्बन फ्यूल है, परंपरागत है, ट्रेडिशनल कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है। कोयला चार प्रकार का होता है, पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस और एंथ्रासाइट, ठीक है। इसकी चर्चा भारत में विस्तार से करूंगा, अभी रहने देते हैं। बस जो बताना चाहता हूं वो ये है कि कोयले के बनने की प्रक्रिया के लिए पेड़ों का होना जरूरी है। कोयला कुछ नहीं है, कोयला लकड़ी जो होता है ना, वो लकड़ी हजारों सालों लाखों सालों तक जब पृथ्वी के गर्भ में दब जाता है तो हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर, उच्च दाब और उच्च तापमान की प्रक्रिया से जब वो गुजरता है तो धीरे धीरे वो लकड़ी कोयला बनने की तरफ आगे बढ़ जाती है। उदाहरण के लिए कभी अगर आप लोग
राजस्थान घूमने जाएं, जैसलमेर जाएं, तो जैसलमेर और बाड़मेर के बीच में एक पार्क है, उसका नाम है फॉसिल पार्क। क्या नाम है? फॉसिल पार्क। इंडिया के मैप की क्लास में देखेंगे, फॉसिल पार्क, जहां पर हमको उदाहरण मिलता है कि देखिए लकड़ी कैसे कोयला बनने की तरफ है, इनिशियल स्टेज में है। तो हमको अलग अलग प्रकार की लकड़ियां मिलती हैं जो कि कोयला बनने की प्रक्रिया की तरफ बढ़ी हैं। ठीक है, कभी पढ़िएगा गूगल पे फॉसिल पार्क के बारे में पढ़ें, बाकी इंडिया के मैप की क्लास में फॉसिल पार्क के बारे में चर्चा भी करेंगे। तो मतलब अगर आपको देखना हो एक बेहतरीन उदाहरण कि कैसे पेड़ धीरे धीरे करके कोयला बनने की तरफ बढ़ता है, तो फॉसिल पार्क जैसलमेर से बाड़मेर के बीच में है, उसको विजिट करें तो काफी समझदारी बनेगी। कभी मौका मिले उधर जाने का तो देखिएगा जरूर। तो कोयला चार प्रकार का होता है, पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस, एंथ्रासाइट। और कोयला बनने के लिए पेड़ों का होना जरूरी है, बिना वेजिटेशन के कोयला नहीं हो सकता। अंटार्कटिका में अगर कोयला मिलता है तो इसका मतलब है कि अंटार्कटिका लाखों करोड़ों साल पहले ठंडे जगह पे ना होके गर्म जगह पे अवस्थित था, ठंडे जगह पे ना होके गर्म जगह पे अवस्थित था, है ना। अगर ठंडे जगह पे है आज तो वहां पर कोयला मिलने की कोई संभावना नहीं, क्योंकि पेड़ पौधे हैं ही नहीं। यानी लाखों करोड़ों साल पहले अंटार्कटिका की भी जलवायु गर्म थी, और यहां पर अगर कोयला मिलता है, भारत में कोयला मिलता है, ऑस्ट्रेलिया में कोयला मिलता है, अफ्रीका में कोयला मिलता है, तो ये सब इसी बात की तरफ इशारा करते हैं कि इन सब की जलवायु एक जैसी थी, जहां पर वनस्पति काफी ज्यादा होंगे। और कोई भी कारण रहा होगा जिसके कारण पृथ्वी पर हलचल हुई, भूगर्भिक हलचल हुई होगी, कोई उल्का पिंड टकराया होगा, कुछ ऐसा जलवायु परिवर्तन हुआ होगा जिससे पेड़ पौधे नष्ट हो गए होंगे और वो मिट्टी के नीचे दब गए होंगे, और धीरे धीरे करके वही हजारों लाखों सालों में धीरे धीरे करके वही आ, 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 पेड़ पौधे वनस्पति आज हमको कोयले के रूप में नजर आते हैं। कोयला यहां भी मिल रहा है, कोयला यहां भी मिल रहा है, कोयला यहां भी मिल रहा है, कोयला यहां भी मिल रहा है ना। इन सब जगहों पे हमको कोयला मिल रहा है, इंक्लूडिंग अंटार्कटिका। तो इसका मतलब है कि ये सब कभी ना कभी गर्म जलवायु प्रदेश का हिस्सा थे। यही पॉइंट आपको बता देना एग्जामिनर को। उच्च अक्षांशों में कार्बोनिफेरस युग के कोयले के जमाओं का मिलना तभी संभव है। उच्च अक्षांशों का मतलब है ठंडे इलाकों में। अगर हमको कार्बोनिफेरस युग का कोयला मिलता है, कार्बोनिफेरस एक काल है, एक पीरियड है, जब जिस उम्र का हमको कोयला सबसे ज्यादा पूरी दुनिया भर में मिलता है। भारत में इसको गोंडवाना कोल के नाम से जानते हैं, चर्चा करूंगा आगे जियोलॉजिकल टाइम स्केल के बारे में जब चर्चा करेंगे तो देखेंगे कि कार्बोनिफेरस काल कब का है। लेकिन कार्बोनिफेरस यानी कि जब कोयला मिलता है तो इसका मतलब है कि गर्म जगहों पे ही कोयला बनेगा। और आज अगर हम देखते हैं कि कोयला जो है वो आपको नॉर्थ अमेरिका में, यूरोप में या अंटार्कटिका में हमको कोयला मिल रहा है, तो इसका मतलब है कि अंटार्कटिका का मतलब है ठंडा जगह। अगर हमको अलास्का में कोयला मिल रहा है तो इसका मतलब क्या हो गया कि अलास्का अत्यधिक ठंडा जगह है, और यहाँ पर कोयला मिल रहा है तो कभी ये जगह गर्म जगह पे, कभी ये इलाका गर्म जगहों पे अवस्थित होगा। ये भी एक साक्ष्य है। उच्च अक्षांशों में कार्बोनिफेरस युग के कोयले के जमाओं का मिलना तभी संभव है जब महाद्वीपीय विस्थापन विषुवत रेखा से उत्तर की ओर हुआ हो, यानी कि कभी ये गर्म जगहों पे हो और धीरे धीरे करके उत्तर या दक्षिण की तरफ ये मूव किए हों, आज ठंडे जगहों पे। लेकिन कोयला बनने के लिए गर्म जगह पे होना जरूरी है, क्योंकि आपको रॉ मटेरियल के रूप में पेड़ पौधे भी चाहिए और अत्यधिक ताप और दाब के लिए भी वैसे जलवायु की जरूरत पड़ेगी, उसके बिना संभव नहीं है। इसका मतलब है कि ये जहां पर भी इस उम्र के कोयले मिल रहे हैं वो सब कभी एक साथ एक जगह पे अवस्थित रहे होंगे, एक प्रकार की जलवायु वहां पर रही होगी। ये भी एक अकाट्य साक्ष्य है, कैसे आप इसको डिसअप्रूव करेंगे। तो ये भी वेगनर का एक कंट्रीब्यूशन है कि उन्होंने दुनिया भर में इन सब चीजों को देखा। एक और देखते हैं, प्लेसर डिपॉजिट। प्लेसर डिपॉजिट या प्लेसर डिपॉजिट्स, घाना। घाना एक देश है, कहां पर? अफ्रीका में। अफ्रीका में कहां पर? पश्चिमी अफ्रीका में। पश्चिमी अफ्रीका में ये अफ्रीका है ना, यहां पर देखिएगा घाना आपको एक देश के रूप में मिलेगा, घाना है ना, घाना है। अगल बगल में देखेंगे आइवोरी कोस्ट है, गोल्ड कोस्ट है। गोल्ड कोस्ट एक देश का नाम है अफ्रीका में। इसी पश्चिमी अफ्रीका में देखेंगे तटों के किनारे छोटे छोटे देश है, आइवोरी कोस्ट, गोल्ड कोस्ट, घाना, ये सारे देश है। गोल्ड कोस्ट और घाना में सोना मिलता है,
गोल्ड कोस्ट और घाना, घाना एक देश है, वहां पर सोना मिलता है, ठीक है। अब अगर सोना मिल रहा है, अगर सोना मिल रहा है तो उस सोने का स्रोत क्या है? अगर सोना यहां पर मिल रहा है तो उसका स्रोत क्या है? कहीं ना कहीं कोई तो चट्टान होगा जहां से घाना में सोने का खनन हो रहा है, कुछ तो ऐसा होगा स्रोत जहां से वो सोना मिलता होगा। तो प्लेसर डिपॉजिट का मतलब ये होता है, प्लेसर डिपॉजिट का मतलब ये होता है कि जब कोई नदी कभी ऐसे चट्टानी इलाकों से होके बहती है जिन चट्टानों में हमको सोना मिलता है, तो लगी नदी लगातार अपरदन की प्रक्रिया के द्वारा, जैसे जैसे वो उन पत्थरों का अपरदन करती रहती है, उस पूरी प्रक्रिया में उस सोने के पार्टिकल्स का भी अपरदन करके वो कहीं पर जाके उसका निक्षेपण कर देती है। ऐसे गोल्ड के डिपॉजिट्स को, ऐसे सोने के निक्षेप को हम प्लेसर डिपॉजिट के नाम से जानते हैं, ठीक है। नदी के निक्षेपण की प्रक्रिया से हमको सोना चांदी मिलता है। जरूरी क्या है कि वो नदी उस क्षेत्र से बहनी चाहिए या उन चट्टानों से होकर बहनी चाहिए जिनमें हमको सोने के अवशेष मिलते हो या सोना उसमें पाया जाता हो। जैसे भारत में एक रिवर है, उसका नाम है स्वर्ण रेखा रिवर, स्वर्ण रेखा नदी, है ना। छोटा नागपुर के पठार से निकलती है और उड़ीसा की तरफ बहती है। इसका नाम स्वर्ण रेखा क्यों पड़ा है? क्योंकि नदी छोटा नागपुर के उन हिस्सों से होके बहती है जहां पर गोल्ड के रिजर्व्स या गोल्ड के अवशेष पाए जाते हैं, और इस नदी में सोने के कण मिलते हैं, तो इसका नाम पड़ गया स्वर्ण रेखा रिवर। प्लेसर डिपॉजिट का उदाहरण, कहीं से अपरदन करती है और कहीं पर निक्षेपण करती है। तो अगर उस निक्षेप में सोने का निक्षेप मिल जाएगा तो हम उसको प्लेसर डिपॉजिट के नाम से जानते हैं। घाना के तट पे हमको प्लेसर डिपॉजिट मिलते हैं या सोने के निक्षेप मिलते हैं। तो अगर सोने का निक्षेप मिल रहा है, इसका मतलब है कि अफ्रीका में कहीं से तो कोई नदी बह के आ रही होगी घाना से होते हुए, जो कि उस सोने का निक्षेपण करती होगी। लेकिन जब हम नदी के स्रोत के साथ साथ आगे बढ़ते हैं तो हमको इस पश्चिमी अफ्रीका में कहीं पर भी ऐसा कोई चट्टान नजर नहीं आता है जिसमें सोना पाया जाता हो। तो सवाल ये उठता है कि अगर पश्चिमी अफ्रीका के इस घाना के आसपास के किसी भी देश में अगर सोना नहीं मिल रहा है तो घाना के तट पे सोना आया कहां से? घाना के तट पे सोना आया कहां से? तो जब हम साउथ अफ्रीका और अमेरिका को आपस में जोड़ते हैं, किसको? साउथ अमेरिका और अफ्रीका को आपस में जोड़ते हैं, जिग्स ऑफ फिट करते हैं, तो हमको ब्राजील का एक एरिया नजर आता है, उसका नाम है मिनास ग्रेजियास। मिनास ग्रेरियास, ठीक है, मिनरल के पॉइंट ऑफ व्यू से है ना सबसे महत्वपूर्ण एरिया है, आगे साउथ अमेरिका के मैप की क्लास में देखेंगे। मिनास ग्रेरियास, इसमें किसी भी प्रकार के भारी मिनरल्स की बात करिए, खनिजों की बात करिए, वो यहां पाया जाता है, और यहां पर गोल्ड भी पाया जाता है। क्लियर है? यहां पर गोल्ड भी पाया जाता है, मिनास ग्रेरियास के क्षेत्र में गोल्ड भी पाया जाता है। अब यहीं पर अगर हम अफ्रीका के घाना वाले तट को इसके साथ जोड़ देते हैं तो यहां से जो नदियां बहते हुई अफ्रीका के तट पे आई हैं, है ना, अफ्रीका के इस घाना तट पे जो नदी बही है, मतलब इससे जुड़ा हुआ है, उस नदी के निक्षेपण के माध्यम से घाना में हमको प्लेसर डिपॉजिट मिलता है। यानी कि जब हम इसको जोड़ते हैं और देखते हैं कि यहां से कोई नदी पहले यहां से होके बहती थी इस क्षेत्र से, और वहां अपरदन करके वो घाना के तट पे जब समुद्र में गिरती थी तो वहां उसका निक्षेपण होता था। तो यानी कि जब हम घाना के प्लेसर डिपॉजिट या सोने के निक्षेप को देखते हैं तो हमको इस पूरे अफ्रीका में कहीं पर भी सोने का स्रोत नजर नहीं आता है। लेकिन जैसे ही हम इसको जोड़ देते हैं तो हमको मिनास ग्रेरियास के क्षेत्र से जो है अपरदन करता हुआ नदी का रास्ता दिखता है और वो फर्दर घाना की तरफ बढ़ता हुआ नजर आता है, और उस पूरी प्रक्रिया में इस क्षेत्र से निक्षेपण और घाना के तट पे उसका इस क्षेत्र में मिनास ग्रेरिया से उसका अपरदन और घाना के तट पे उसका निक्षेपण नजर आता है। नहीं तो जियोलॉजिस्ट बताएं, समझाएं कि घाना के तट पे सोना आया कहां से। इसके अलावा कोई दूसरा एक्सप्लेनेशन नहीं है कि घाना और गोल्ड कोस्ट पे सोना आया कहां से है। क्लियर है? इसका मतलब है जिग्स ऑफ फिट, ये आपस में जुड़े हुए थे, और अगर नहीं जुड़े होते तो घाना के तट पे तो गोल्ड नहीं मिल सकता था, क्योंकि हमको कोई पहाड़ नजर ही नहीं आता, कोई स्रोत जहां से वो सोना आता हो। तो ये भी एक प्रूफ है, ये भी एक तथ्य है। वही पॉइंट लिखा है, घाना के तट पर विशाल स्वर्ण निक्षेपों की उपस्थिति
तथा ब्राजील में स्वर्ण युक्त शिराओं गोल्ड बीरिंग विंस का पाया जाना ब्राजील के मिनास गिरियास के क्षेत्र में पाया जाना यह सिद्ध करता है कि घाना में विद्यमान स्वर्ण निक्षेप ब्राजील के पठार से उस समय प्राप्त हुए जब ये दोनों महाद्वीप आपस में जुड़े हुए थे। वेगनर ने अपनी बात कह दी, अब इसको ठुकरा के दिखाइए, गलत प्रूफ करके दिखाइए, और गलत प्रूफ करने के लिए घाना के आसपास के पहाड़ों को देखना पड़ेगा, आसपास के रॉक्स और मिनरल्स को देखना पड़ेगा कि कहीं तो गोल्ड होगा। खूब खोजा लेकिन मिला ही नहीं। इसका मतलब है स्रोत तो यही है, क्लियर है। ये भी एक फिट, ये भी एक उदाहरण रहा बेहतरीन तरीके से जिसने इस बात को बताया। चलिए, लगभग लगभग हमने सारे एविडेंसेस को समझ लिया, सारे एविडेंसेस को देख लिया। अब जरा दो तीन सवाल करिए, देखिए कि कर पा रहे हैं कि नहीं, है ना। पहला सवाल है, आंसर दीजिएगा। अब आप टैब का इस्तेमाल करिए, और जो भी नहीं भी समझ में आया, जो मैंने एक्सप्लेन किया नहीं समझ में आया, तो सवाल भी पूछिए आप लोग। ये सवाल है, ध्यान से देखिएगा और विश्वास करिएगा कि जो भी अभी तक पढ़े हैं, अभी तक जो भी हम लोगों ने चर्चा किया है, अगर उसमें से कोई एक चीज की चर्चा नहीं की है तो स्वीकार कैसे कर लें, यानी कि अपने नॉलेज को बैक करना है। ये मैं आपको बताना चाहता हूं, सिखाना चाहता हूं कि कई बार जो प्रारंभिक परीक्षा में सवाल आएंगे उसमें कुछ ऐसे स्टेटमेंट होंगे जो शक पैदा करेंगे कि ये तो सुना ही नहीं है। तो जब सुना नहीं है तो अपने नॉलेज को बैक करिए कि इतनी बार इस टॉपिक को पढ़े हैं लेकिन इससे नहीं गुजरे हैं, इस स्टेटमेंट से नहीं गुजरे हैं, और नहीं गुजरे हैं तो इसको सत्य कैसे मान लें। यानी कि जो मैंने पढ़ा है उसको स्वीकार करना है, उस पर विश्वास करना है कि ये तो नहीं पढ़े हैं, और जब नहीं पढ़े हैं तो सही कैसे माने, ठीक है। कोशिश करिएगा, है ना। तो यहां पर दो तीन स्टेटमेंट है, चार स्टेटमेंट है। सवाल है कि निम्नलिखित में से किसका प्रयोग वेगनर द्वारा महाद्वीपीय बहाव के प्रमाण के रूप में नहीं किया गया था, ठीक है। इनमें से किसको प्रमाण के रूप में नहीं किया गया था, ये आपके सामने सवाल है। तो हमने प्रमाण को देख लिया, महाद्वीपों का फिट, जीवाश्म को विभिन्न महाद्वीपों पर पाए जाते थे, भूमध्य रेखा के पास ग्लेशियल खरोच महाद्वीपों के साक्ष्य मिले हैं, समुद्री तट पर चुंबकीय उत्क्रमण, ये चार है। आनंद ने डी, सर्वजीत, मनोज, सुजीत, आतिश, अंजलि डी डी, गुड, कैलाश गुड, डी, जिया समोता डी, ठीक है, आकांक्षा शिवानी गुड, आरती गुड, अमर बिल्कुल ठीक है, रोहित बिल्कुल ठीक है, दिव्या, राकेश ठीक है, गुड, रवि, इसका मतलब है मोहित ठीक है, फोर्थ है, सिड ठीक है, गुड, मुकुल ठीक है, लक्ष्मण ठीक है, बिट्टू ठीक है, गुड। ये हम लोगों ने पढ़ा ही नहीं है, इसका मतलब है कि वेगनर ने ये तो नहीं कहा था। ये बात सही है कि गलत है, अभी इसके बारे में चर्चा नहीं करना है, लेकिन वेगनर ने ये बात तो नहीं कही थी, है ना। इसकी चर्चा आगे आने वाली क्लास में मैं करूंगा। ये प्लेट विवर्तनिकी के सिद्धांत में ये बात कही गई है, ये बात गलत नहीं है, बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन वेगनर ने इसकी चर्चा नहीं की है। सवाल है कि वेगनर ने इसमें से किसका उपयोग नहीं किया था, तो बिल्कुल ठीक है, इन तीनों को हम लोगों ने देखा समझा, लेकिन इसके बारे में नहीं। यानी कि अपने नॉलेज को बैक करना है कि यार वेगनर ने जो जो एविडेंसेस दिए थे वो सब मैंने समझा है, उन सबको मैंने पढ़ा है, लेकिन ये नहीं पढ़ा है, और नहीं पढ़ा है तो सही कैसे मान लूं, ठीक है। बैक करना है अपने नॉलेज को, बैक करना है, विश्वास रखना है अपने ऊपर। चलिए मूव करते हैं, दूसरा एक और सवाल है, ठीक है। जॉन, सविता, प्रेम, बिल्कुल ठीक आप लोग उत्तर दे रहे हैं। दूसरे सवाल की तरफ मूव करते हैं, अब दूसरे सवाल की तरफ, दूसरा एक और सवाल है। ये सवाल ये है कि अब दूसरा सवाल है ना, फ्रेश शुरू करिए इसको। महाद्वीपीय बहाव के सिद्धांत का समर्थन करने वाले साक्ष्य जो प्रदान किया गया है उसके बारे में बताइए। महाद्वीपीय बहाव के सिद्धांत का समर्थन करने वाले जो साक्ष्य हैं वो प्रदान किया गया है, वो कौन कौन से साक्ष्य हैं? कोयला क्षेत्र क्या साक्ष्य है? हिमनद का निक्षेप क्या वो साक्ष्य है? जीवाश्म क्या साक्ष्य है? डी, सभी कथन सही है, ठीक है, टू का डी, डी डी ठीक है, ठीक है। अमर, समोता, आनंद, सुजीत, आतिश, मुकुल, ऋषिका, ऋतु, विनय, सुनीत, अंजलि, पायल, रोहित ठीक है, ठीक है, विपिन वेरी गुड, वीरेंद्र, अलका, बिट्टू, के, काजल, मोहित, जॉन वेरी गुड। कहने का मतलब है कि समझदारी बन गई आपको, तो दूसरा का भी, ये तीनों की बातें
है, इस सिद्धांत को प्रूफ करने के लिए सारे साक्ष्य दिए गए हैं। अब अगला स्टेटमेंट देखते हैं, ठीक है, तीसरे सवाल की तरफ बढ़ रहे हैं। 3ABCD करके डालिएगा ताकि समझ में आ जाए मुझे, 3ABCD जो भी उत्तर हो। तीसरा जो सवाल है वो ये है कि अधिकांश भूवैज्ञानिकों ने अल्फ्रेड वेगनर के महाद्वीपीय बहाव के विचार को खारिज कर दिया, क्योंकि अब चार स्टेटमेंट है कि क्यों खारिज कर दिया अल्फ्रेड वेगनर के सिद्धांत को। अच्छा, इस सवाल को थोड़ा सा बाद में करते हैं। हम लोगों ने साक्ष्य देख लिए, सारे साक्ष्य जो भी 5-6 साक्ष्य इन्होंने दिए वो देख लिया, जो भी बल की बात इन्होंने की उसको भी देख लिया, और जो इनका थ्योरी था पेंजिया के संदर्भ में वो हम लोगों ने सबने देख लिया। अब आगे चल के जो अध्ययन होता है उसमें इनकी कुछ सीमाएं तय की गई हैं, ठीक है, आगे के अध्ययन ने इनकी सीमाओं को तय किया, इनको क्रिटिसाइज किया, ठीक है, बहुत विस्तार से उसकी चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि आगे के अध्ययनों ने ऐसा किया, तो हम अगली क्लास में उस आगे के अध्ययन को विस्तार से देखेंगे, आज उसको सारगर्भित तरीके से थोड़ा थोड़ा करके चर्चा कर लेते हैं ताकि जब रिवीजन करें तो आपके पास पूरा एक नोट्स हो, क्रिटिकली एग्जामिन करने के लिए अगर सवाल आए, आलोचनात्मक परीक्षण करने के लिए, तो आपके पास होलिस्टिक तरीके से बातें हों। लेकिन इस टॉपिक को मैं अगली क्लास में और विस्तार दूंगा, तो सारगर्भित तरीके से जो इनकी सीमाएं हैं या वेगनर की आलोचना है उसमें से एक आलोचना जो है उनके बल को लेके है। उन्होंने दो प्रकार के बल की बात की, एक उन्होंने कहा ज्वारीय बल, यानी कि दूर 148 लाख किलोमीटर दूर जो है, अगर मान लेते हैं कि चंद्रमा है तो इतनी दूर से अगर चंद्रमा है तो उसका ज्वारीय बल इतना मजबूत कैसे हो सकता है कि हजारों हजार किलोमीटर लंबे या लाखों स्क्वायर किलोमीटर एक लंबे भूभाग को वो खींच के पश्चिम की तरफ पहुंचा दे, ऐसा कैसे संभव है। तो जो ज्वारीय बल है वो इनसफिशियंट फोर्स है, और आगे के अध्ययनों ने इस बात को प्रूफ किया कि ज्वारीय बल इतने महत्वपूर्ण, इतने मजबूत नहीं है कि उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका को हजारों किलोमीटर दूर यूरोप से तोड़ करके पश्चिम दिशा में अवस्थित कर पाए। तो एक इनकी जो सीमा है वो बल को लेके है कि बल को स्वीकार नहीं किया गया है। तो सबसे बड़ी आलोचना जो है उनके प्रवाह के बल को लेके है, प्रवाह के बल को लेके है, इस बात को कोई भी स्वीकार नहीं करता है, खास करके उनके द्वारा जो ज्वारीय बल की चर्चा की गई है वो अस्वीकार्य है। आज का एविडेंस अगली क्लास में देखेंगे कि प्लेट टूटे हैं, इससे कोई डिनायल नहीं है, बिल्कुल टूटे हैं, लेकिन जो बल, जो कारक है वो ये नहीं है, पॉसिबल नहीं है। अगली क्लास में देखेंगे कि ऑर्थर होम्स आते हैं 1928 में और वो अपना एक विचार रख देते हैं और उसको संवहनीय धाराओं का सिद्धांत कहते हैं, और आज संवहनीय धाराओं को माना जाता है कि यही वो बल है जिसके कारण प्लेट टूटे हैं। तो आगे के अध्ययन ने इस बात को बताया कि यह गलत है, तो ज्वारीय बल से ऐसा संभव नहीं है, ठीक है। तो ज्वारीय बल को लेकर बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म हुआ, एक बार आप इस बल को तो मान लेंगे कि अब केंद्रीय बल कार्य करता है लेकिन ज्वारीय बल जिम्मेदार कारक नहीं है। वेगनर ने बताया था कि रॉकीज और एंडीज पर्वत श्रेणियां जो है वो अमेरिका के पश्चिम की ओर प्रवाह हुई है, पश्चिम की तरफ जो प्रवाह हुआ है उसके द्वारा ऐसा हुआ है, और साथ ही साथ वो कह रहे हैं कि नीचे जो तरल आपको साइमा का प्लेट है उसके ऊपर ये प्लेट तैर रहे हैं, कौन से, उत्तरी अमेरिका दक्षिण अमेरिका की जो प्लेट है वो तैर रहे हैं। तो तैर रहे हैं तो यहां पर वो कह रहे हैं कि नीचे की प्लेटों पे तैर रहे हैं, और साथ ही साथ कह रहे हैं कि तैरते तैरते घर्षण होता है, और घर्षण होता है तो पश्चिम की तरफ जो उत्तरी अमेरिका का प्लेट और दक्षिण अमेरिका का प्लेट आगे बढ़ा है, तो ये घर्षण होते होते रॉकीज और एंडीज पर्वत का निर्माण किया है। तो यहां पर कॉन्ट्राडिक्शन यही है कि कभी वो कहते हैं कि बिना रुकावट के ये प्रवाह हो रहा है तो आगे बढ़ रहे हैं, और अगर रुकावट नहीं हो रहा है तो पर्वतों का भी निर्माण नहीं होना चाहिए था। तो यहां पर क्रिटिसिज्म करते हैं, मतलब बहुत ज्यादा इसमें स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट नहीं है, आगे चल के पता चलता है कि हाँ तैरने के कारण ही रॉकीज और एंडीज पर्वत बना है, लेकिन कहीं ना कहीं सवाल ये जरूर होता है क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने कहा कि सियाल साइमा पे तैर रहा है, कोई फ्रिक्शन नहीं है, बड़े आराम से मूव कर रहा है, तो अगर बड़े आराम से मूव कर रहा है तो टकराएंगे नहीं, और टकराएंगे नहीं तो ऐसे ऊंचे पर्वतों का निर्माण कैसे होगा, एक क्रिटिसिज्म है, कुछ जियोलॉजिस्ट ये क्रिटिसिज्म करते हैं। अटलांटिक महासागर का जो जिग्स ऑफ फिट है उसको लेके भी कुछ जियोलॉजिस्ट अध्ययन करके कहते हैं कि ऊपर वाले हिस्से में, यानी कि ऊपर जो हमको समुद्र से बाहर वाले जो सतह नजर आ रहा है उसमें तो हमको नजर आता है कि हाँ
दोनों मैच कर रहे हैं, दोनों का तट एक जैसा है, लेकिन जैसे जैसे हम नीचे की तरफ जाते हैं 400-500 मीटर नीचे पानी के अंदर जाते हैं तो हमको वो फिट नजर नहीं आता है। बहुत मजबूत तर्क नहीं है, क्यों नजर नहीं आता है? समुद्र है, लगातार निक्षेपण हो रहा है तो कहां से नजर आएगा। लेकिन एक क्रिटिसिज्म यह है कि ऊपर वाले हिस्से में ये फिट नजर आता है लेकिन नीचे वाले हिस्से में वो फिट नजर नहीं आता है। तो एक सीमा के रूप में है लेकिन बहुत मजबूत तर्क नहीं है। लेकिन क्रिटिसिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको 3-4 पॉइंट रखने पड़ेंगे कि जो तट का ऊपरी हिस्सा है उसमें तो फिट नजर आता है लेकिन निचले वाले हिस्से में फिट नजर नहीं आता है। क्यों क्यों नजर नहीं आएगा? पानी में डूबा हुआ है, लगातार निक्षेपण हो रहा है, तो फिट कहां से होगा? फिट ही नहीं होगा। ये पॉइंट यहां पर लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहां पर ये 2-3 पॉइंट्स हैं जिसको लेके आपको बताना है एग्जामिनर को कि ये उनके क्रिटिसिज्म है, उनकी सीमाएं हैं, उनकी जो सीमाएं हैं उनके तथ्यों को लेके नहीं है, एविडेंसेस को लेके ज्यादा नहीं है। उनका सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म जो है उनके बल को लेके है, फोर्सेस को लेके है। अब सवाल देखिए, जो तीसरा सवाल है इसको पढ़िएगा, है ना। तीसरा जो सवाल है अब ध्यान से सवाल को पढ़िए। सवाल है, अधिकांश भूवैज्ञानिकों ने अल्फ्रेड वेगनर के महाद्वीपीय बहाव के विचार को खारिज कर दिया, महाद्वीपीय प्रवाह के सिद्धांत को खारिज कर दिया। वेगनर लाखों साल पहले पृथ्वी की तरह था, उसमें दिलचस्पी थी, ये कारण है जिसके कारण वेगनर लाखों साल पहले पृथ्वी की तरह वेगनर के द्वारा जो सिद्धांत दिया गया था लाखों साल पहले पृथ्वी एक ही जैसा था और इस कारण से जो है उनके विचार को खारिज कर दिया गया। थोड़ा सा ट्रांसलेशन में गड़बड़ है। दूसरा है, वेगनर ने अपनी परिकल्पना का समर्थन करने के लिए कई अलग अलग प्रकार के सबूतों का इस्तेमाल किया, इसलिए भूवैज्ञानिकों को लगा कि यार अलग अलग सबूत पेश कर रहे हो वो ठीक ठाक नहीं है, इसलिए उसको मतलब उनको ने जो तथ्य प्रस्तुत किए हैं, जो सबूत दिए हैं उसको लेके भूवैज्ञानिकों के बीच में जो है समस्या है। तीसरा है, वे एक नए विचार के प्रति संशयी थे। भूवैज्ञानिकों ने इसलिए वेगनर के सिद्धांत को खारिज कर दिया क्योंकि वो संशय की निगाह से देख रहे थे कि एक सिद्धांत नया है और नया है तो खराब है। डी है, वेगनर एक ऐसे बल की पहचान नहीं कर सके जो महाद्वीपों को स्थानांतरित कर सके। क्लियर है? अब जरा थोड़ा सा मुश्किल है ये, अब जरा इसमें से बताइए कि कौन सा राइट आंसर है। सिड का है डी, सबका डी है तो ऐसे ही सब डी लिख देंगे। अमर 3D, ठीक है। दीपक 3D, अलका बी नहीं होगा, है ना। अलग अलग सबूतों का इस्तेमाल किया, इस बात के आधार पे वैज्ञानिकों ने उनकी बात को खारिज नहीं किया कि अलग अलग सबूत देते हो इसलिए मैं आपकी बात नहीं मानूंगा, ठीक है। वो जो बल था प्रवाह बल उसको लेके वैज्ञानिकों ने कहा है। दीपशिखा सी, मनोज ने सी कहा है, ठीक है। दीपशिखा ने डी कहा है, मनोज ने सी कहा है। देखिए, वे एक नए विचार के प्रति संशयी थे, इसमें कोई दो राय नहीं है कि भूवैज्ञानिक उस नए विचार के प्रति संशयी थे, संशय था उनके मन में। लेकिन सी और डी के बीच में जब कई बार ऐसे यूपीएससी में सवाल आएंगे जब आपको लगेगा कि कोई दो स्टेटमेंट ठीक है लेकिन सबसे नियरेस्ट आपको खोजना पड़ेगा कि सबसे नियरेस्ट कौन सा है, सबसे ज्यादा सटीक कौन सा है, ऐसे कई बार दुविधाएं आएंगी। तो यहां पर सी एक नए विचार के प्रति संशयी थे, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन थोड़ा और ऑब्जेक्टिव या वस्तुनिष्ठ तरीके से बात करें हम तो बल को लेके प्रॉब्लम था, बल को या प्रवाह बल को कोई भी भूवैज्ञानिक स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं था। विचार के प्रति संशयी थे लेकिन संशय को और वस्तुनिष्ठ करेंगे तो बल पे वो पॉइंट आ जाएगा कि बल को लेके ही सबसे ज्यादा प्रॉब्लम था। क्लियर है? तो यहां पर जब ऑप्शन नहीं दिया गया है, बी और डी दोनों ही, सी और डी दोनों ही बातें हैं और कोई एक चुनना है तो सबसे वस्तु ने सबसे करीब को आपको चुनना है और सबसे करीब है डी, ठीक है। नेहा, अजीत, प्रेम, रूपल, अलका, ठीक है, है ना। इसका मतलब यह है कि वेगनर के सिद्धांत को लेकर आपकी समझदारी बन गई है, एक अंडरस्टैंडिंग बन गई है, ठीक है। इतना ही है। थोड़ा थोड़ा आप क्वेश्चंस का टफनेस आने वाली क्लासेस में बढ़ता जाएगा क्योंकि आगे के टॉपिक्स में थोड़ी और समझदारी चाहिए होगी, तो धीरे धीरे क्वेश्चंस का लेवल भी हम और टफ करते जाएंगे, मतलब इजी भी पूछेंगे टफ भी पूछेंगे ताकि हमको समझ आए कि अगर मुश्किल सवाल यूपीएससी पूछे तो आप लोग कितने कंफर्टेबल होंगे। इतना हो गया 3-4 सवाल इसके पॉइंट ऑफ व्यू से। अब एक मुख्य परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, मुख्य परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या सवाल बन सकता है।
उससे पहले इसकी चर्चा भी थोड़ा करते हैं। ये समरी है, अभी तक हमने जो भी पढ़ा है उसको अगर समराइज करना हो, जैसे अगर एक बार दो बार आपने नोट्स पढ़ लिया, एक अच्छे से समझदारी बना ली, तो रिवीजन जो करना होगा तो लास्ट पन्ना देखना शुरू करिएगा अगली क्लास से, मतलब अगले जो भी क्लासेस हैं जिसमें भी मुख्य परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से टॉपिक होगा उसमें ऐसी ही समरी बनाएंगे, ताकि एक पन्ने को देख के सरसरी निगाह से आप आगे बढ़ सकें। तो समरी में हम लोगों ने क्या देखना है, टेलर का महाद्वीपीय प्रवाह का परिकल्पना, वो जो दो व्यक्तियों का विचार लेके मैप के बेसिस पर उन्होंने किया था, वेगनर का महाद्वीपीय सिद्धांत, हमको इस टॉपिक में महाद्वीपीय प्रवाह में इन दोनों के विचारों को देखना है। इन दोनों के विचारों में हमारे लिए महत्वपूर्ण क्या है, अल्फ्रेड वेगनर का सिद्धांत 1912 में दिए थे, लगातार जब तक गुजरे नहीं तब तक लगातार नए नए तथ्यों को अपने सिद्धांत में वो शामिल करते गए। इसमें उन्होंने प्रतिपादित सिद्धांत क्या था, पेंजिया एक विशाल जल राशि था, पैंथलासा था, पेंजिया चारों तरफ पैंथलासा से घिरा हुआ था, पेंजिया दो वृहद महाद्वीपीय भूभागों में टूटता है, लॉरेशिया और गोंडवाना लैंड, दोनों भागों को अलग अलग करने वाले सागर को टेथिस सागर कहते हैं। अगली क्लास में बताएंगे पैंथलासा जो है वो इन दो महाद्वीपों के बीच में एक सागर आ जाता है, उसका नाम है टेथिस सागर। पेंजिया विघटित होकर दो दिशाओं में संचलित हुआ, एक उत्तर की तरफ गया और एक पश्चिम की तरफ गया, मतलब एक विषुवत रेखा की तरफ संचलन हुआ और एक पश्चिम की तरफ संचलन हुआ। ये इन्होंने अपने सिद्धांत में कुछ बातें रखी हैं, इसके पक्ष में इन्होंने कुछ तर्क दिए हैं, उसमें उन्होंने जिग्स ऑफ फिट की बात की है, जीवाश्म की बात की है, पुरा हिमानी की बात की है, चट्टानों की बात की है ना, एक समरी के रूप में ये सब के बारे में आपको थोड़ा थोड़ा मालूम होना चाहिए, तब आप करने वाली स्थिति में होंगे। आलोचना है, प्रवाह बल इनका सबसे महत्वपूर्ण है, वलित पर्वतों के निर्माण के संदर्भ में कि फ्रिक्शन अगर नहीं हो रहा है तो पर्वत कैसे बन गए हैं, अटलांटिक महासागर के दोनों तट यानी कि अफ्रीका और इसको मिलाते हैं दक्षिण अमेरिका को, तो ऊपर वाले हिस्से में तो फिट होता है लेकिन नीचे वाला हिस्सा जो पानी में डूबा हुआ है उसमें फिट नहीं होता है, ये इनकी सीमा है। ओवरऑल ये समरी है, तो जब आप इस पूरे टॉपिक को पढ़ लें और दूसरी तीसरी बार पढ़ने के बाद रिविजन करना हो तो इतना पढ़ने के बाद भी आगे बढ़ सकते हैं। हाँ मनोज का सवाल है कि एग्जाम से पहले ज्योग्राफी कंप्लीट हो जाएगा, बड़े आराम से कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। चलिए मुख्य परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से यहां पर सवाल क्या बन सकता है, तो दो प्रकार के सवाल बन सकते हैं। कौन से दो प्रकार के सवाल हैं, एक तो आपको सिर्फ एक्सप्लेन करना हो कि जरा बताइए कि महाद्वीपीय प्रवाह का सिद्धांत क्या है, वेगनर ने जो भी सत्यता पेश की है, जो भी वेरिफिकेशन के लिए तथ्य दिए हैं उनको बता दीजिए, तो एक सवाल तो ये बन सकता है महाद्वीपीय प्रवाह के सिद्धांत से आप क्या समझते हैं, तो पेंजिया, लॉरेशिया, गोंडवाना लैंड, पैंथलासा, बाद में वो टूटा गोंडवाना लैंड, इन सब चीजों को बताना है विस्तार से, और उस पूरी प्रक्रिया में कौन कौन से बल हैं उन सब बताइए, उसके बाद बताइए समर्थन, सिद्धांत का समर्थन करने वाले साक्ष्यों के साथ चर्चा करें, वो चार पांच जो साक्ष्य हैं उनको बता दीजिए। इतना ही पूछा है सवाल, 150 शब्दों का लिखा जा सकता है ये। दूसरा सवाल है कि महाद्वीपीय विस्थापन के सिद्धांत से आप क्या समझते हैं, पहला वाले सवाल का ही हिस्सा है ये, पहला वाला जो पार्ट है कॉमन हो गया दोनों का, इसके समर्थन में साक्ष्यों पर चर्चा करें। दूसरा वाला जो पहला वाला सवाल है वो करें तक देखें तो वहां तक है, इसमें बस जोड़ क्या दिया है, इस सिद्धांत की आलोचना पर भी प्रकाश डालें, यानी कि तीसरा हिस्सा क्या है कि क्रिटिसिज्म करें कि क्या क्या सीमाएं हैं इसकी। तो दो ही प्रकार के सवाल इस टॉपिक से पूछे जा सकते हैं, या तो साक्ष्यों तक पूछा जाए, सिद्धांत के बारे में पूछा जाए और साक्ष्यों के बारे में पूछा जाए, या अगर वृहद सवाल बना तो साक्ष्य पूछेगा, सिद्धांत के बारे में पूछेंगे, साक्ष्य क्या है वो बताइए और इनकी सीमाएं बताइए, इससे ज्यादा तो विस्तार नहीं हो सकता इस टॉपिक का। तो मुख्य परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से ये दो, मतलब दो का मतलब है कि दूसरा वाला क्वेश्चन इसी पहले वाले क्वेश्चन में एक और कड़ी हमने जोड़ दिया है, या तो यहां तक पूछेगा सवाल या उसमें एक कड़ी और जोड़ के उसको 250 नंबर का सवाल बना दिया जाएगा, ठीक है। मुख्य परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना ही इसके अंदर ये है। अब ये जो हमने वेगनर का सिद्धांत किया है और ये सारी चीजें जो समझ ली हैं, आगे चल के हम इन सब चीजों को देखेंगे कि वेगनर के इसी सिद्धांत पे आगे चल के प्लेट विवर्तनिकी का सिद्धांत है, और प्लेट विवर्तनिकी का सिद्धांत जो है आगे चल के इस वलित पर्वतों के निर्माण की प्रक्रिया को बताएगा कि कैसे हिमालय, एंडीज, रॉकीज, आल्प्स पर्वत जैसे पर्वत बने हैं। द्वीपीय चाप, कभी आप देखिए ध्यान से कि जापान उत्तर से दक्षिण की तरफ है, हजारों आइलैंड का समूह है, उसमें से चार बड़े आइलैंड है, क्यूशू, शिकोकू, होंशू, होकाइडो, और उसके अलावा हजारों आइलैंड्स हैं। इंडोनेशिया को देखिए ध्यान से, पूरब से पश्चिम की तरफ
जो है पापुआ न्यू गिनी तक चला जाता है, मलेशिया के दक्षिण से शुरू करिए और जावा सुमात्रा बालू होते हुए, फ्लोर्स आइलैंड होते हुए पूरब में देखिए आपको पापुआ न्यू गिनी है। छोटे छोटे हजारों द्वीपों का समूह, एक लाइन से कैसे, एक लाइन में इतने सारे द्वीप कैसे, द्वीपीय चाप, आइलैंड आर्क, इन सब के निर्माण की प्रक्रिया कहीं ना कहीं इसी सिद्धांत से जुड़ा हुआ है, इसी सिद्धांत की अगली कड़ी से जुड़ा हुआ है। अगली क्लास में चर्चा करूंगा। दुनिया भर में ज्वालामुखी और भूकंप इस महाद्वीपीय प्रवाह से ही जुड़े हुए हैं, महाद्वीपों के प्रवाह से जुड़े हुए हैं। यानी वेगनर ने जो शुरुआत की है उस शुरुआत का आप कह सकते हैं कि कंप्लीशन 1960 के दशक में जो नए सिद्धांत दिए गए, प्लेट विवर्तनिकी का सिद्धांत, या जो नए अध्ययन हुए उस अध्ययन ने इन सब चीजों को बताया कि द्वीपीय चाप हो, ज्वालामुखी हो, भूकंप हो, पर्वत हो, इन सब का निर्माण महाद्वीपीय प्रवाह से ही जुड़ा हुआ है। वेगनर का सिद्धांत इन सब को समझने में मदद करने वाला है। तो अगली क्लास में प्लेट विवर्तनिकी का सिद्धांत करेंगे और प्लेट विवर्तनिकी का सिद्धांत करने के बाद इन सारे टॉपिक्स को देखेंगे कि ये कैसे कैसे बने हैं। ठीक है, यहां तक अगर कोई सवाल है वेगनर के संदर्भ में तो पूछ लीजिए। कोई सवाल अगर है तो पूछ लीजिए। ठीक है, चलिए तो इतना पढ़िए। अगली क्लास में जो हमारा टॉपिक होगा वो है प्लेट विवर्तनिकी का सिद्धांत, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। तो नेक्स्ट क्लास में प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी को कंप्लीट करेंगे और अगर संभव हो पाया, अगर वो टॉपिक पहले कंप्लीट हो गया, तो फिर हम भूकंप या ज्वालामुखी में से एक टॉपिक पे चर्चा शुरू करेंगे। भूकंप पे ही शुरू करते हैं। अगर मान लीजिए कि प्लेट विवर्तनिकी का सिद्धांत कंप्लीट हो जाता है तो भूकंप पे ही चर्चा करते हैं, है ना। दिल्ली के आसपास भी लगातार भूकंप आ रहा है तो उसको भी करंट के टॉपिक के साथ, मतलब करंट के साथ जोड़ के उसको भी देख लेंगे कि क्यों दिल्ली के आसपास एनसीआर के क्षेत्र में भूकंप अपेक्षाकृत ज्यादा आ रहा है। तो नेक्स्ट क्लास के लिए प्लेट विवर्तनिकी का सिद्धांत और अगर वो कंप्लीट हो जाता है तो भूकंप नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा। तो अगली क्लास में मिलते हैं। ऑल द बेस्ट।